गाइस, मैं आपके लिए अब की बार एक चाइनीज सीरीज लेकर आई हूँ। इसकी स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग और सस्पेंस भरी है और साथ ही इसमें एक क्यूटू भी है जो कि बहुत ही क्लेवर है। इस क्यूटू की मॉम यानी इस सीरीज की फीमेल लीड को लगता है कि ये बच्चा सेकंड मेन लीड यानी लिन कियाओ का है, लेकिन हमारे फर्स्ट मेन लीड का कहना है कि सोंग उसकी वाइफ है और यान उसका बेटा है। तो चलिए बिना देरी किए एपिसोड 1 की तरफ बढ़ते हैं। एपिसोड के स्टार्ट में मेल लीड किनमो जख्मी हालत में दिखाया जाता है जो कि गिरते गिरते रोड पर चल रहा होता है। दूसरी तरफ फीमेल लीड सोंग दिखाई जाती है जो कि प्रेग्नेंट होती है और किसी को कुछ पेपर सेंड करने के लिए सबमिट करवाती है। फिर ये टैक्सी में जा रही होती है कि किसी से फोन पर बात करती है कि उसकी फैमिली का पता चला या नहीं। साथ ही दूसरी तरफ किन को टेक्स्ट मिलता है कि मैंने तुम्हें इम्पोर्टेंट पेपर सेंड कर दिए हैं। तभी सोंग की हालत बिगड़ने लग जाती है तो टैक्सी ड्राइवर बोलता है कि क्या मैं आपको हॉस्पिटल छोड़ दूं? तो सोंग हाँ में सर हिलाती है। वहीं दूसरी तरफ किन बेहोश होकर गिर जाता है। अब 6 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जब सोंग को रोड पर एक डॉग गाड़ी की तरफ जाता हुआ नजर आता है। इसे बचाने के लिए भागती है कि तभी गाड़ी भी रुक जाती है और ये डॉग को उठाकर घर ले आती है। ये आते ही यौन से कहती है कि ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। तो यौन डॉग का देखकर कहता है कि इस महीने में 5वीं बार है। सोंग कहती है कि देखो तो सही, ये कितना क्यूट है। तो यौन गुस्सा करके कहता है कि ये मुझसे ज्यादा क्यूट नहीं है। फिर यौन कहता है कि क्या आज मुझे ब्रेकफास्ट में सिर्फ ये ड्रिंक ही मिलेगा। तो सोंग जल्दी से जाकर इसके लिए ब्रेकफास्ट बनाती है और लाकर इसे देती है, लेकिन फिर यौन स्कूल न जाने के लिए बहाने बनाने लग जाता है और बोलता है कि मेरे पेट में बहुत दर्द है। सोंग कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो ना। तो यौन कहता है कि नहीं। अब हमें किन हॉस्पिटल में दिखाया जाता है जब इसे 6 साल बाद कोमा से होश आता है। ये उठकर बाहर जाने लगता है लेकिन वहीं गिर जाता है। फिर ये रूम से बाहर आकर बैठ जाता है और बोलता है कि मैं कौन हूँ और हॉस्पिटल में क्या कर रहा हूँ। तभी इसे अपनी वाइफ सोंग का फ्लैशबैक आता है। यहाँ ये दोनों भी हॉस्पिटल में होते हैं। सोंग कहती है कि डॉक्टर ने बोला है कि तुम बिल्कुल ठीक हो। तो यान फिर से दर्द होने की एक्टिंग करने लग जाता है। फिर ये घर जाने लगते हैं तो यहाँ किन इनको देख लेता है और सोंग को देखते ही इसे हक्का लेता है। सोंग डर कर इसे धक्का देती है तो ये गिरकर फिर से बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ सेकंड मेल लीड लिन कियाओ अब्रॉड से डॉक्टर बनकर चाइना आ जाता है और एक रिपोर्ट देकर हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ता है। यहाँ हॉस्पिटल में ये दोनों मुजरिम बनकर बैठे होते हैं। अब लिन यहाँ पहुँचता है तो सोंग और इसका आमना सामना हो जाता है। ये इसे इग्नोर करके जाने लगती है तो लिन इसे रोक लेता है और बोलता है कि हम कितने लंबे अरसे बाद मिल रहे हैं। तो सोंग भी इसको हाय बोल देती है। अब हमें सुकी दिखाई जाती है जो कि सोंग की राइवल है। ये लिन से मिलने के लिए हॉस्पिटल आ जाती है और यहाँ लिन को सोंग के साथ देख लेती है। लिन काफी प्यार से सोंग से हालचाल पूछ रहा होता है और पास्ट के इंसिडेंट को लेकर इससे माफी भी मांगता है, जिस पर सोंग यान को पानी लाने के बहाने यहाँ से भेज देती है। अब लिन इससे कहता है कि हम अभी भी फ्रेंड्स तो है ना। तो सोंग हाँ बोल देती है। लिन कहता है कि मुझे पता है कि सुकी ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया था। तो सोंग कहती है कि पास्ट को प्रेजेंट में दोहराने की जरूरत नहीं है। यह सुनकर सुकी चली जाती है। अब लिन इसे अपने वापस आने की खुशी में पार्टी में इनवाइट करके चला जाता है। अब यान पानी लाकर अपनी मोम को देता है और बोलता है कि वो अंकल कितने हैंडसम थे। तभी पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब लिन खेल कर आता है और ये दोनों साथ में खड़ी होती हैं। सोंग इसे पानी देती है और जब लिन चला जाता है तो सुकी सोंग को बताती है कि मैं और लिन एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये सुनकर सोंग चुप की चुप रह जाती है क्योंकि ये भी लिन को लाइक करती थी। अब सुकी लिन के पास आती है तो लिन बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं होता और बोलता है कि मुझे तुमसे एक बात करनी है। सुकी कहती है कि क्या तुम फिर से वापस जा रहे हो। तो ये कहता है कि नहीं, अब मैं फैमिली बिजनेस भी संभालूंगा। तो सुकी रिलैक्स हो जाती है। फिर ये इसे कहता है कि अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। सुकी को ये सुनकर यकीन नहीं होता तो लिन फिर से रिपीट करता है और बोलता है कि तुम यही तो चाहती थी। ये सुनकर सुकी इसे हक कर लेती है, लेकिन तभी इसे इन दोनों का सीन याद आ जाता है और ये बोलती है कि तुम अब सोंग से नहीं मिलोगे। फिर सोंग पर चिल्लाते हुए कहती है कि उसने मेरी बैग पर मुझसे चीट किया था, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसने तुम्हारे साथ अफेयर चलाया था। ये सुनकर लिन गुस्से में आ जाता है और बोलता है कि उस दिन मैं ड्रंक था और मैं ही उसे जबरदस्ती बेड पर लेकर गया था, उसका कोई कसूर नहीं है। लेकिन सुकी इसकी बातों पर यकीन नहीं करती और बोलती है कि क्या तुम अभी भी सोंग को लाइक करते हो। तो लिन कहता है कि मैं तुम्हें कितने बार बता चुका हूँ कि मैं उसे लाइक नहीं करता। तो सुकी कहती है कि ठीक है, मुझे तुम पर यकीन है, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। और इसने एक बार लिन के लिए अपना हाथ भी काट लिया था। ये याद आने पर लिन चुप सा हो जाता है
और इसे जाने को कहता है तो सुकी चुप करके चली जाती है। अब ये बाहर आता है तो ये इन दोनों को देखकर पूछता है कि तुम लोग अभी तक यहाँ क्यों बैठे हो। तो यान बताता है कि मम्मी ने अंकल को गिराकर बेहोश कर दिया था। ये सुनकर लिन किन को चेक करने के लिए आ जाता है। ये नर्स इसके बारे में पूछता है तो ये बताती है कि इस पेशेंट को यहाँ ट्रांसफर किया गया है और मिस्टीरियसली इसके सारे बिल्स पे कर देता है। इस पर लिन कहता है कि इसके सारे डॉक्यूमेंट्स और रिपोर्ट्स मेरे कैबिनेट में भिजवा देना। फिर सोंग को आकर रिलैक्स होकर घर जाने का कहता है तो यान किन के रूम में चला जाता है और लिन के पूछने पर सोंग बताती है कि मैं तो इस आदमी को पहली बार देख रही हूँ, लेकिन वो कह रहा था कि वो मुझे जानता है। अब यान यहाँ आता है तो किन को फिर से होश आने लग जाता है। ये यान के गले में नेकलेस देखता है तो इसे याद आता है कि ये तो वही नेकलेस है जो इसने सोंग को दिया था। ये इसे हाथ लगाने लगता है तो यान चिल्लाना शुरू कर देता है। लिन आकर जल्दी से इसे देखता है और ये दोनों चले जाते हैं। अब लिन अपने डैड के पास आता है और बोलता है कि मैं सुकी से शादी करना चाहता हूँ जो आप हमेशा से चाहते थे, लेकिन मैं शादी की तैयारी में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता, आप खुद ही मैनेज कर लेना। इस पर डैड कहते हैं कि अब तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा। तो लिन कहता है कि मेरे पास कोई और चॉइस भी नहीं है। ये कहकर लिन चला जाता है। दूसरी तरफ सोंग के फ्रेंड जुआ कर इससे पूछती है कि ये लोग अपना स्टोर क्यों सेल कर रहे हैं। तो सोंग कहती है कि उन लोगों की मर्जी। फिर ये पूछती है कि तुम यहाँ इतना लेट क्यों आई हो। तो सोंग इसे बताती है कि हॉस्पिटल में मुझे लिन मिल गया था। इस पर जू सस्पेंस में आ जाती है और ये पूछती है कि क्या वो तुम भी इंटरेस्टेड है। फिर ये उस रात की बात करने लगती है कि यहाँ सुकी आ जाती है। जू कहती है कि तुम यहाँ क्यों आई हो। सुकी सोंग से कहती है कि क्या तुम अभी भी उनसे नाराज हो। फिर हमें दिखाया जाता है कि सोंग इसको एक्सप्लेन करने के लिए इसके घर जाती है, लेकिन ये इसके कोई बात सुने बिना ही इसे थप्पड़ मारकर चली जाती है। अब ये सोंग से कहती है कि मेरी गलती थी कि मैंने लिन का कसूर तुम पर डाल दिया था। तो जू कहती है कि क्या अब तुम इतने सालों बाद लिन की नजर में अच्छा बनने के लिए सोंग से माफी मांगने आई हो। लेकिन सुकी फिर से सोंग से माफी मांगती है और बोलती है कि क्या हम पहले की तरह अच्छी सिस्टर्स बन सकती हैं। तो सोंग कहती है कि पुरानी बातें करने का कोई फायदा नहीं है। सुकी कहती है कि लिन के मन में अभी भी तुम्हारे लिए फीलिंग्स हैं। तो सोंग कहती है कि नहीं, वो सिर्फ तुमसे प्यार करता है, तुम बेफिक्र होकर घर जाओ। इस पर ये जाने के लिए खड़ी हो जाती है और बताती है कि लिन ने मुझे प्रपोज किया है और हम 6 महीने बाद शादी कर रहे हैं। ये सुनकर सोंग चुप की चुप रह जाती है। अब ये लोग घर आते हैं तो आगे किन खड़ा होता है। ये देखकर यान कहता है कि मिस्टर स्लीपी यहाँ भी आ गया, वो जरूर आपसे पैसे लेने आया है। सोंग को देखकर ये आगे बढ़ता है तो ये इसे फिर से पुश कर देती है और किन फिर से बेहोश हो जाता है और इसे फिर से अपने और सोंग के मोमेंट्स याद आने लग जाते हैं। फिर इसकी आंख इनके घर पर खुलती है तो ये लोग इसे काफी डर रहे होते हैं। जो कहती है कि तुम कौन हो। तो ये कहता है कि मैं सोंग का हस्बैंड हूँ और इस बच्चे का डैड हूँ। ये सुनकर यान खुश हो जाता है और सोंग कहती है कि प्लीज हमें तंग मत करो, मैं तुम्हारा हॉस्पिटल का बिल पे कर दूंगी। तो किन कहता है कि क्या तुम अभी भी मुझसे नाराज हो। लेकिन जू काफी क्यूरियस हो जाती है और सोंग से पूछती है कि आखिर रियलिटी क्या है। तो सोंग कहती है कि मैं इसे नहीं जानती। जू कहती है कि फिर यान का फादर कौन है। अब ये मत कहना कि यान तुम्हें गिरा हुआ मिला था। दूसरी तरफ यान इससे कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मोमो भी आपको माफ करेंगी। अब सोंग आकर यान को इसके पास से उठाती है तो ये खुश होकर कहता है कि अब मेरे पास भी डैड हैं, प्लीज इनको माफ कर दें। ये सुनकर सोंग कहती है कि तुमने मेरे बेटे को क्या पट्टी पढ़ाई है। तो किन कहता है कि मैंने इसे बताया है कि मैं इतने सालों तक तुम दोनों के पास क्यों नहीं था। ये सुनकर सोंग चुप हो जाती है। किन सोंग से कहता है कि मैं तुम्हारा और यान का अच्छे से ख्याल रखूंगा, बस मुझे एक चांस दे दो। तो सोंग इसे पुलिस की धमकी देकर घर से भगा देती है। जब यान को किन के जाने का पता चलता है तो ये अपनी मोम से नाराज हो जाता है, को रूम में लॉक कर लेता है। दूसरी तरफ किन हॉस्पिटल में आकर नर्स से पूछता है कि क्या तुम मेरी आइडेंटिटी फाइंड करने में मेरी हेल्प कर सकती हो। तो नर्स कहती है कि हॉस्पिटल में किसी को भी नहीं पता है कि तुम कौन हो, यहाँ तक कि पुलिस भी तुम्हारी आइडेंटिटी और फैमिली का पता नहीं लगा पाई। तभी यहाँ लीना जाता है और इसे अपने ऑफिस में बिठाकर बताता है कि तुम्हें बाहर नहीं जाना चाहिए था, यह हॉस्पिटल के रूल्स के खिलाफ है। तो किन कहता है कि मुझे एक जरूरी काम के लिए जाना पड़ा था। फिर लीनी से बताता है कि तुम्हारी बॉडी अच्छे से रिकवर कर रही है। ये पूछता है कि मेरी मेमोरी कैसे चली गई थी। तो लिन कहता है कि कोमा में रहने की वजह से। किन कहता है कि मैं कब तक ठीक हो जाऊंगा। तो लिन कहता है कि इस बारे में बताना अभी मुश्किल है। दूसरी तरफ जूहर मुमकिन कोशिश करती है कि सोंग इसे सच बता दे कि इसका और किन का क्या रिलेशन था। ये इसे लालच देती है कि क्या पता किन एक रिच आदमी हो, तुम्हें उससे शादी कर लेनी चाहिए। इस पर ये दोनों एक दूसरे को मारने लग जाती हैं। अब नर्स किन की चीजें लाकर इसे देती है तो एनवलप में से पैसों के अलावा किन का वॉलेट निकलता है जिसमें सोंग की पिक्चर होती है। ये देखकर लिन कहता है कि सोंग की पिक्चर तुम्हारे पास कैसी आई। तो किन कहता है कि वो मेरी वाइफ है। इस पर लिन हैरान हो जाता है और किन अपना वॉलेट लेकर चला जाता है। अब ये जा रहा होता है तो तेंगी से देखकर घूरने लग जाता है। फिर यान हॉस्पिटल में आकर किन के रूम में झांक रहा होता है
डॉक्टर लिन इसे देखकर इससे सवाल पूछने लग जाता है। लिन पूछता है कि तुम्हारी मोम कहाँ है, तो यन कहता है कि मैं स्कूल स्किप करके हॉस्पिटल आया हूँ, फिर मैं अपनी मोम को साथ में क्यों लाऊंगा। लिन कहता है कि ये तो बहुत बुरी बात है। फिर लिन इसे बातों बातों में पूछता है कि क्या तुम अपनी मोम और डैड का ख्याल रखते हो, तो ये कहता है कि मैं सिर्फ मोम का बेटा हूँ और उन्हीं का ख्याल रखता हूँ, मेरे डैड नहीं है। लिन कहता है कि तुम्हारी एज क्या है, तो यन कहता है कि पहले मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, क्या आपका पास्ट में मेरी मोम के साथ कोई रिलेशनशिप था। इस पर लिन ना बोल देता है, तो यन कहता है कि इसका मतलब आप मेरे डैड नहीं हो। इस पर लिन स्माइल करके कहता है कि अब तुम मेरे सवाल का जवाब दो, तो यन अपनी एज 6 बताता है और मुझे ढाकर स्कूल के लिए चला जाता है। एज का सुनकर लिन को याद आता है कि जब ये और सोंग ड्रंक थे तो लिन सोंग को बताता है कि मैं सू से प्यार नहीं करता, मैंने उससे सब खत्म कर दिया है। फिर सोंग इसे घर छोड़ने जाती है तो ये इसे वापस जाने से रोक लेता है और इसे किस करने लग जाता है। अब लिन इसे कॉल करके बोलता है कि मुझे तुमसे एक बात करनी है, क्या तुम मुझसे मिलने आ सकती हो, तो सोंग इसे मना कर देती है और बोलती है कि तुम शादी करने वाले हो इसलिए हमारा मिलना सही नहीं है। तो लिन कॉल पर ही पूछ लेता है कि क्या यौन मेरा बेटा है, तो सोंग कहती है कि क्या तुम पागल हो और कॉल बंद कर देती है। यहाँ जूई इसे वेलकम पार्टी भेजने के लिए जबरदस्ती नई ड्रेस बाय करवा देती है, तो सोंग इसे बताती है कि लिन ने मुझे कॉल पर यान के बारे में पूछा था, तो जू कहती है कि अगर यान उसका बेटा नहीं है तो तुम किस बात से डर रही हो। दूसरी तरफ सोंग के रूली बात करने पर लिन सूकी से पूछता है कि क्या उसने सोंग को लिन से बात करने से रोका था, तो सू कहती है कि मैं ऐसा क्यों करूंगी, वो खुद ही तुमसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है। तो लिन इसकी बातों पर यकीन नहीं करता और इसे काफी बुरे तरीके से डांट देता है। यहाँ किन को एक स्टोर पर सोंग के फेवरेट ब्रांड के शूज नजर आते हैं। दूसरी तरफ ये दोनों शूज बाय करने के लिए उसी स्टोर से पूछती हैं, तो उनको पता चलता है कि वो तो अभी अभी सेल हो चुके हैं। फिर ये घर आती हैं तो जू को टेबल पर एक बैग पड़ा नजर आता है, ये खोलकर देखती है तो इसमें वही शूज होते हैं। यौन बताता है कि ये हमारे डोरस्टेप पर पड़े थे। जू कार्ड देखती है तो इस पर भेजने वाले का नाम नहीं लिखा था, सिर्फ यही लिखा था कि ये सॉन्ग के लिए है और उसे ये जरूर पसंद आएंगे, इसलिए जू को लगता है कि शायद ये लिन ने सोंग के लिए भेजे हैं। अब सोंग एक ब्रेसलेट देखती है जो इसने बहुत टाइम पहले लिन को देने के लिए बनाया था। दूसरी तरफ किन एक बिल्डिंग को देखता है और इसके माइंड में फिर से सिर्फ सोंग के मोमेंट्स ही चलते हैं। यहाँ लिन पार्टी में जाने लगता है तो डैड कहते हैं कि सूकी को अच्छे से टाइम देना क्योंकि अब तुम दोनों शादी करने वाले हो, मैं बहुत बेसब्री से अपने ग्रैंड चाइल्ड को गोद में उठाने का वेट कर रहा हूँ। लिन कहता है कि इतना लंबा भी मत सोचिए क्योंकि मैं सूकी से शादी करने का प्रॉमिस किया था, बच्चे पैदा करने का नहीं। ये बोलकर लिन चला जाता है। अब सोंग और जू शी के साथ पार्टी में जा रही होती हैं, तो जू इसे जल्दी ड्राइव करने के लिए लेक्चर देने लग जाती है जिस पर सोंग इसे शी को पढ़ने से मना करती है, तो शी कहता है कि सीखो कुछ सोंग से। अब ये दोनों पार्टी में पहुंच जाती हैं और सोंग लिन को वही ब्रेसलेट गिफ्ट में देती है। जू सोंग को जबरदस्ती लिन के साथ बैठने के लिए जाने को कहती है, फिर ये दोनों बैठ जाते हैं और डिंक करने लगते हैं। लिन अब भी पहला सवाल यौन के बारे में ही पूछता है कि क्या वो इसका बेटा है, तो सोंग ना बोल देती है। यहाँ सुआ जाती है और बहाने से लिन को यहाँ से भेज देती है, फिर बैठ कर सोंग को इमोशनली ब्लैकमेल करती है ताकि वो इसके और लिन के बीच में ना आए। फिर ये इसे अपना प्लान बताकर चली जाती है। तभी यहाँ जू आकर सोंग को समझाने की कोशिश करती है कि सेवल वोमेन की बातों में मत आना, ये इतनी सीधी नहीं है जितना तुमसे बन रही है, लेकिन सोंग अपनी मर्जी ही करती है। और जब लिन फिर से आकर सोंग से यही सवाल करता है तो ये इस पर भड़क जाती है और लिन को बुरा भला बोलकर इस पर ड्रिंक गिरा देती है। जब लिन इसे ऐसा बिहेव करने की वजह पूछता है तो ये इसे थप्पड़ मार देती है और रोती हुई चली जाती है। इसके जाने के बाद सुइस का दिया हुआ गिफ्ट भी टेबल से गायब कर देती है। अब सोंग बाहर आकर हील्स भी उतार देती है और एक जगह बैठ जाती है। सुइस के पास आती है तो ये रोते हुए कहती है कि मेरे और लिन के बीच जो कुछ भी बचा था आज मैंने वो सब खत्म कर दिया, तो जू के शोल्डर पर सर रख कर रोने लग जाती है। इस पर जू इसे रोककर खुद को हल्का करने का कहती है। दूसरी तरफ लिन सोंग के इस बिहेव की वजह से बहुत हर्ट हो जाता है और इसे बार बार सोंग का बिहेव याद आता है। फिर इसे सोंग का दिया हुआ गिफ्ट भी दिख जाता है जिसे ये पकड़ कर देखने लग जाता है। यहाँ किन भी घूमता हुआ उसी जगह आ जाता है जहाँ सोंग ने हील्स उतारी थी। इस पर ये इन हील्स को उठा लेता है और सोचने लग जाता है कि सोंग ने इन्हें क्यों उतारा होगा। नेक्स्ट मॉर्निंग सोंग उठती है तो ये देखकर हैरान हो जाती है कि टाइम इतना ज्यादा हो गया लेकिन इसका अलार्म क्यों नहीं बजा। फिर ये यान को जाकर उठाने लगती है तो यान रूम में नहीं होता। अब जू घर आती है तो सोंग से कहती है कि तुम मेरी कॉल रिसीव क्यों नहीं कर रही थी, इसलिए मुझे थकावट के बावजूद भी यहाँ आना पड़ा, तो सोंग कहती है कि तुम ना आती, मैंने कौन सा तुम्हें इन्वाइट किया था। इस पर जू कहती है कि वाह, लिन को आया भी एक दो दिन ही हुए हैं,
और तुमने मुझसे अपनी आंखें फेर भी ली। तभी सोंग को यान का लिखा हुआ नोट मिलता है। जू कहती है कि यान कहाँ है, तो सोंग बोलती है कि आज वो जल्दी स्कूल चला गया है। जू सोंग से नोट पकड़कर खुद पढ़ने लग जाती है, जिस पर यान ने लिखा था कि मोम आप रात को लेट सोई थी इसलिए मैंने सारे अलार्म बंद कर दिए और अपने आप ही स्कूल जा रहा हूँ। ये पढ़कर जू कहती है कि तुम्हारे बेटे की राइटिंग कितनी हॉरिबल है, तो मैं उसे ट्यूशन सिलवानी चाहिए। फिर सोंग ड्रिंक लेकर आती है तो जू पकड़कर जल्दी से पीने लग जाती है, लेकिन पहली सिप पर ही कहती है कि ये तुमने क्या जहर बना दिया है। इस पर सोंग हंसते हुए कहती है कि ये यौन ने बनाया था। फिर जू इसे बोलती है कि तुम्हारी सारी परेशानियां खत्म हो सकती हैं अगर तुम लिन से पैचअप कर लो, मुझे उम्मीद है कि वो अच्छा फादर बन सकता है। लेकिन सोंग इसकी सजेशन को इग्नोर कर देती है। दूसरी तरफ किन और शी बैठे होते हैं। शी कहता है कि अगर वो लड़की तुम्हें नहीं पहचान पा रही तो क्या पता उसे भी भूलने की बीमारी हो, या ये कि वो तुमसे अब प्यार ही ना करती हो, या ये भी हो सकता है कि पास्ट में तुमने कोई गलती की हो और वो तुम्हें सजा देना चाहती हो। इस पर किन कहता है कि हो सकता है तुम्हारी बात सच हो, तो शी कहता है कि उसे वापस पाने के लिए तुम्हें उसका दिल जीतना होगा। यहाँ लिन कहीं जाने लगता है तो डैडी से जाने से रोकते हैं और कहते हैं कि तुम सोंग नामी लड़की से मिलने जा रहे हो ना, तो लिन जल्दी से कार बंद करके चला जाता है। दूसरी तरफ ये लोग अपने कॉलेज आती है तो सोंग को फिर से लिन के मोमेंट्स याद आने लग जाते हैं। इस पर जू सही गेस कर लेती है तो सोंग कहती है कि मैं क्यों उसके बारे में सोचूंगी, अब वो शादी करने वाला है। तो जू कहती है कि तुम्हारी वॉइस सर बिहेव से तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता। ये बाहर आती हैं तो आगे लिन खड़ा होता है और सोंग का हाथ पकड़कर उसे गाड़ी में बिठा लेता है। यहाँ योन किन को अपने घर के पास देख लेता है और अनजान बनकर उसके पास से जाने लगता है कि किन्नी से रोक लेता है। तभी किन को शी की बात याद आती है कि अगर मोम का दिल जीतना है तो उसके बच्चे का दिल जीतना होगा। अब किन इससे कहता है कि तुम बिल्कुल अपनी मोम जैसे दिखते हो, तो यौन कहता है कि आखिर उन्होंने मुझे पैदा किया है तो मैं उनके जैसा ही दिखूंगा ना। किन कहता है कि तुम स्कूल क्यों नहीं गए, क्या तुमने स्कूल स्किप किया है, तो यौन कहता है कि आज पेरेंट्स डे है। किन कहता है कि फिर तुम्हारी मोम तुम्हारे साथ क्यों नहीं है, यौन कहता है कि उनके पास टाइम नहीं है क्योंकि आजकल एक हैंडसम डॉक्टर उनको चेस कर रहा है, मेरी सीक्रेट बेस तो तबाह होने वाली है। यौन की बातों को इग्नोर करके किन कहता है कि चलो मैं तुम्हारे साथ पेरेंट्स डे पर चलता हूँ। ये उसे उठा लेता है तो यौन कहता है कि मुझे छोड़ दो वरना मैं फाट कर दूंगा। दूसरी तरफ लिन फिर से सोंग से यौन के बारे में पूछता है कि वो इसका बेटा है या नहीं, तो सोंग कहती है कि वो तुम्हारा बेटा नहीं है। अब किन यौन को स्कूल ले आता है लेकिन ये लेट होने की वजह से क्लास में जाने से डर रहा होता है, तो किन इससे कहता है कि अगर तुम मैन बनना चाहते हो तो तुम्हें हर मुश्किल को फेस करना पड़ेगा। फिर किन इसे क्लास में ले आता है तो यौन टीचर से लेट होने पर सॉरी बोलता है, जिस पर टीचर इसे क्लास में बिठा लेती है। किन बताता है कि मैं यान का फादर हूँ, ये सुनकर यान बहुत खुश हो जाता है। दूसरी तरफ लिन सोंग से कहता है कि टाइम के मुताबिक यान मेरा ही बेटा है। यहाँ यान इसे कहता है कि तुम मेरे डैड बनने की एक्टिंग क्यों कर रहे हो, तो किन कहता है कि मैं तुम्हारा डैड ही हूँ। फिर ये बहुत अच्छे से एक्टिविटी कम्प्लीट कर लेते हैं, जिस पर टीचर यौन को शाबाश देती है और यौन बहुत अच्छा फील करता है क्योंकि किन की हेल्प की वजह से वो अच्छे से कर पाया था। यहाँ सोंगी से अपना फाइनल डिसीजन सुनाती है कि यौन तुम्हारा बेटा नहीं है, तुम सुकी से शादी करने वाले हो इसलिए उसी के साथ खुश रहो, और चली जाती है। दूसरी तरफ सु शादी के लिए लिन की टाई सिलेक्ट करने के लिए उसे कॉल करती है तो लिन कहता है कि जो चूज करनी है कर लो और कॉल बंद कर देता है। किन यौन से इसके डैड के बारे में पूछता है तो क्लेवर यान कहता है कि आप मेरी फैमिली के बारे में पूछ रहे हो, कहीं आप मेरी मोम में इंटरेस्टेड तो नहीं हो, अगर ऐसी बात है तो मैं आपकी साइड हूँ। फिर किन्नी से एक पेंडेंट देता है और बोलता है कि अब हम एक टीम में हैं और मैं आपको हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। सोंग यान के स्कूल आती है तो इसकी टीचर से इसे पता चलता है कि यौन को तो उसके डैडी ले गए। सुकी लिन को शॉपिंग दिखा रही होती है तो वो इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट शो नहीं करता, जिस पर सुकी समझ जाती है और कुछ खाने के लिए लेने चली जाती है। तभी यहाँ सोंग आ जाती है और आकर लिन पर चिल्लाने लग जाती है और बोलती है कि तुम्हारा यौन पर कोई राइट नहीं है, मुझे बताओ कि यौन कहाँ है वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। तो लिन कहता है कि मेरी बात का यकीन करो, मैंने यौन को स्कूल से पिक नहीं किया। तभी यहाँ सुकी भी आ जाती है और जूई से पूछती है कि तुम लिन को ब्लेम क्यों कर रही हो, जिस पर ये बताती है कि ये यौन को अपना बेटा समझता है। ये बात सुकी भी सुन लेती है। लिन फिर से इसे समझाने की कोशिश करता है कि मैंने यौन को पिक नहीं किया, तो सोंग बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और लिन से कहती है कि फिर यौन को ढूंढने में मेरी हेल्प करो। अब ये घर में यौन को देखने आती है तो यौन भी यहाँ आ जाता है। सोंग इससे पूछती है कि तुम कहाँ चले गए थे, तो ये बताता है कि मैं अंकल किन के साथ था। इस पर सोंग इसे बुरा भला कहने लग जाती है तो यौन किन को बहुत डिफेंड करता है और बोलता है कि आज अंकल की वजह से मुझे टीचर से इतना ज्यादा प्रेस किया
और मुझे भी मेरे पापा चाहिए। तभी यहाँ लिन भी आ जाता है और समझ जाता है कि यौन किन के साथ था। किन कहता है कि मैं यौन का डैड हूँ और सोंग का हस्बैंड। लिन सोंग से पूछता है तो ये इनकार कर देती है। लिन इसे बोलता है कि यौन का रियल फादर मैं हूँ। इस पर जू यौन से पूछने लग जाती है कि तुम्हें इन दोनों में से कौन सा डैडी बनाना है। सोंग इन दोनों से कहती है कि तुम दोनों में से कोई भी यौन का डैडी नहीं है। वो यौन को लेकर चली जाती है। अब यौन विंडो में से किन को देखने लग जाता है। दूसरी तरफ लिन काफी अपसेट बैठा होता है कि इसके पास लॉयर जांग आता है। ये इसे बोलता है कि मुझे मेरे बेटे की कस्टडी चाहिए और इसे सारी स्टोरी सुनाता है। अगली सुबह सोंग पेट स्टोर पर काम कर रही होती है कि यहाँ जांग आ जाता है। सोंग इसे देख कर खुश हो जाती है और बोलती है कि आखिर तुम एक सक्सेसफुल लॉयर बन ही गए। तो जांग पहले इससे इधर उधर की बातें करता है, फिर पॉइंट पर आ जाता है और बोलता है कि प्लीज मुझे बता दो कि यौन लिन का बेटा है या नहीं, और कहती है कि मैं उसके फादर के बारे में नहीं बता सकती। तो ये कहता है कि तुम्हें पता भी है कि लिन बुरा इंसान नहीं है, लेकिन वो गुस्से का तेज है, इसलिए बेहतर है कि हम इस मामले को आपस में बात करके ही हल कर लें, ना कि मामलात को कोर्ट तक ले जाएं। हमें यौन और लिन का DNA टेस्ट करवा लेना चाहिए ताकि सब क्लियर हो जाए। दूसरी तरफ किन को अपसेट देखकर शिवी से यौन और इसका DNA टेस्ट करवाने का आइडिया देता है ताकि किन के पास इस चीज का प्रूफ हो के वही यौन का फादर है। अब जांग बाहर आता है तो जूकी इसे जबरदस्ती अपनी गाड़ी में बैठने को कहती है। दूसरी तरफ सोंग जू को सारी बात बताती है कि जांग क्यों आया था। अब जूकी कार में ले जाते हुए जांग से सारी बात पूछने की कोशिश करती है तो जांग इसे कुछ भी नहीं बताता, जिस पर ये गाड़ी की स्पीड तेज कर लेती है और जांग डर के मारे इसे सब सच बता देता है। सच सुनकर जूकी इसे रास्ते में ही उतार कर चली जाती है, जिस पर जांग को बहुत बुरा लगता है। अब सुकी अच्छी बनकर सोंग के पास आती है और बोलती है कि कल जो तुमने लिन के साथ बिहेव किया था उसके लिए मैं तुमसे थैंक्स करती हूँ। सोंग इसे कहती है कि मैं तुम्हें शॉप के मैनेजमेंट पेपर्स दिखाती हूँ, तो ये कहती है कि उसके जरूरत नहीं है, मुझे तुम पर भरोसा है। इस पर जू कहती है कि अगर तुमने फ्यूचर में कोई बखेड़ा किया तो। इस पर ये बात बदल कर कहती है कि क्या मैं तुमसे प्राइवेटली बात कर सकती हूँ, तो जू कहती है कि ताकि तुम इसे बुली कर सको। तो सोंग कहती है कि तुम जो कहना चाहती हो इसके सामने कह दो। फिर ये कहती है कि मुझे पता है कि जांग तुमसे मिलने आया था। तो सोंग कहती है कि तुम बेफिक्र रहो, यान लिन का बेटा नहीं है। ये सुनकर ये इसे DNA टेस्ट करवाने का कहती है तो जू मना कर देती है। नेक्स्ट सीन में ये बाहर खड़ी लिन को कॉल करती है तो वो बताता है कि मैं सोंग से कन्फर्म करने जा रहा हूँ कि यान मेरा बेटा है या नहीं, तो ये कहती है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। दूसरी तरफ किन अपनी पुरानी यादों से गुजर रहा होता है कि तभी यान आ जाता है और इसे पूछता है कि क्या वाकई आप हमारे घर खाना बनाने आओगे, तो ये हाँ कहता है। फिर ये दोनों मॉल में सामान लेने आ जाते हैं। ये यान से पूछता है कि तुम्हारी मोम को खाने में क्या पसंद है, तो ये बताता है कि मोम फिश बहुत शौक से खाती हैं। ये सुनते ही इसे फिर से विजन आते हैं। दूसरी तरफ सोंग को सूखी कॉल आती है और वो बताती है कि लिन यान से मिलने आ रहा है। यहाँ लिन यान के लिए खिलौने लेकर आ रहा होता है तो इसे याद आता है कि जांग ने कहा था कि अगर तुम प्रूव करना चाहते हो कि वो तुम्हारा बेटा है तो DNA टेस्ट करवाओ। दूसरी तरफ जू को यकीन नहीं आ रहा होता कि सू इसकी हेल्प क्यों कर रही है, तभी सू आ जाती है। नेक्स्ट सीन में ये घर आती है तो जू को खाने की स्मेल आती है। ये घर में दाखिल होती है तो अच्छा खाना देखते ही जू खाने लग जाती है और सोंग पूछती है कि ये किसने बनाया। ये किचन की तरफ देखने लग जाता है। फिर ये दोनों पैन लेकर रेडी हो जाती है और किन के आते ही इसे मारने लग जाती है तो यान इन्हें रोकता है और कहता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो कोई भी फिश नहीं खा पाएगा। ये सुनकर दोनों खाने को देखने लग जाती हैं। सोंग इसे सॉरी करती है लेकिन जू को तो भूख लगी हुई थी। किन इसे देखते ही समझ जाता है और ये खाना खाने बैठ जाते हैं। ये जाने लगता है तो सोंग इसे साथ बैठकर खाना खाने का कहती है, जिस पर ये मान जाता है। फिश देखकर सोंग बहुत खुश होती है। फिर यान बताता है कि किन ने फिश स्पेशल आपके लिए बनाई है तो जू किन से पूछती है कि क्या वाकई में ये सब तुमने बनाया है। इसकी हाँ सुनकर दोनों खाना ट्राई करते हैं तो इनको बहुत पसंद आता है। ये सुनते ही इसे फिर से वियंस आते हैं और ये सोंग को पकड़ कर कहता है कि मैं सब कुछ भूल चुका हूँ पर तुम्हें नहीं भूल पाया। तभी डोर नॉक होता है। ये बाहर देखते हैं तो लिन आया होता है। यान टॉयज को देखकर बहुत खुश हो जाता है। सोंग इसे टॉयज वापस ले जाने का कहती है तो ये कहता है कि उसे जो लाइफ चाहिए मैं उसे दे सकता हूँ। ये कहती है कि मैं उसकी मॉम हूँ, मैं जानती हूँ कि उसे क्या चाहिए। इस पर ये कहता है कि एक फादर होने के नाते मेरा भी उस पर राइट है। ये कहती है कि तुम उसके फादर नहीं हो। फिर ये कहता है कि और कौन है तो ये चुप हो जाती है। फिर ये कहता है कि अगर वो मेरा बेटा है तो मैं उसे वापस ले जाकर ही रहूंगा। ये कहती है कि अगर तुम ना गए तो मैं पुलिस को बुला लूंगी
तभी जू आकर इसे अंदर ले जाती है और ये भी अंदर आ जाता है और फिर किन को देख लेता है। जू इसे कहती है कि इस वक्त दो लोग तुम्हारी हेल्प करना चाहते हैं, तो ये कहती है कि वो यान को मुझसे छीनने आए हैं। क्या तुम्हें ये सब नहीं दिख रहा? एक की मेमोरी नहीं है और दूसरा शादी करने वाला है। यहाँ लिन इसे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी यान आ जाता है। किन इसे कहता है कि मैंने तुम्हें समझाया था कि किसी से भी ऐसे कोई चीज नहीं ले लेते। इस पर लिन कहता है कि ये मेरी तरफ से गिफ्ट है और मैं स्ट्रेंजर नहीं हूँ। किन यान को रूम में भेजकर इसे कहता है कि क्या तुम साबित कर सकते हो कि यान तुम्हारा बेटा है? तो ये कहता है कि मुझे तुम्हारे सामने कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है। ये कहता है कि अगर तुम साबित नहीं कर सकते तो यहाँ से दफा हो जाओ। इस पर लिन गुस्से से कहता है कि तुम कौन होते हुए मुझे इस तरह से बात करने वाले? मैं उन्हें एक बेटर लाइफ दे सकता हूँ जो तुम्हारे पास नहीं है। तभी सोंग आ जाती है और किन कहता है कि एक हैप्पी लाइफ के लिए सिर्फ पैसा ही काफी नहीं होता। लिन सोंग से अकेले में बात करता है और कहता है कि किन यहाँ क्या कर रहा है? तो ये कहती है कि मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। फिर ये यान के अबाउट बात करता है तो ये फिर से वही जवाब देती है, लेकिन लिन इसके साथ जबरदस्ती करने लग जाता है। इस पर सोंग इसे टेस्ट की परमिशन दे देती है और चली जाती है और अंदर आकर ये किन को भी जाने का कहती है। दूसरी तरफ लिन सू को बताता है कि उसे टेस्ट के लिए परमिशन मिल गई है। ये सुनकर सू कहती है कि मैं तुम्हें मेरी खुशियां बर्बाद नहीं करने दूंगी। नेक्स्ट डे सू लिन के डैड को सब बता देती है। ये सुनते ही डैड गुस्से में आ जाते हैं और इसे कहते हैं कि अब तुम ही लिन को समझा सकती हो, लेकिन मैं उससे बात जरूर करूंगा। यहाँ यान अपनी मोम से कहता है कि मैं किन के कहने पर सब टॉयज वापस करूंगा, मेरे लिए बस आपका टॉय ही काफी है। दूसरी तरफ लिन डैड के पास आता है तो ये इसे थप्पड़ मार देते हैं और कहते हैं कि क्या तुम अब फिर से उस लड़की के पीछे फिरोगे। इस पर ये कहता है कि मैं एक मैटर को सॉल्व करने गया था और अगर आप मुझसे बहस करना चाहते हैं तो मेरे पास टाइम नहीं है। इस पर ये कहते हैं कि मैं तुम्हें उसका बच्चा घर नहीं लाने दूंगा, तुम मुझसे कभी कुछ नहीं छुपा सकते। तो ये कहता है कि मैं टेस्ट के पॉजिटिव आने पर आपको बताने वाला था। नेट गुस्से से कहते हैं कि अगर साबित हो भी गया तब भी वो इस घर पे नहीं आ पाएगा। तो ये कहता है कि वो आपका ग्रैंडसन है, आप मानो या ना मानो मैं उसे इस घर में लाकर ही रहूंगा। यहाँ किन शॉप पर सॉन्ग से मिलने आता है। ये इसे इसकी स्नैप दिखाता है और कहता है कि अगर हम में कोई रिलेशन नहीं है तो ये स्नैप मेरे पास कैसे? मुझे नहीं पता कि क्या हुआ था, पर मैं मेरी मेमोरी वापस लाने की बहुत कोशिश कर रहा हूँ। तो ये कहती है कि ये मेरी नहीं है क्योंकि मैं ऐसी तस्वीर नहीं बनवाती, लेकिन तुम परेशान मत हो, तुम्हारी मेमोरी जल्द ही वापस आ जाएगी। ये पिक्चर लेता है और चला जाता है। दूसरी तरफ लिन ऑफिस आता है तो सू को देखकर कहता है कि तुम यहाँ कैसे? तो ये कहती है कि मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी। तभी फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि लिन ने सू को घर से निकलते हुए देख लिया था और इसे डैड से हुई बहस याद आ जाती है। ये इसे कहता है कि क्या तुमने डैड को यौन के बारे में बताया था? तो ये साफ इनकार कर देती है और कहती है कि सिर्फ मैं ही नहीं हूँ जो उसके बारे में जानती हूँ। ये इसे बताता है कि डैड यान को लेने से मना कर रहे हैं। फिर ये इसका हाथ पकड़कर पूछती है कि क्या अंकल गुस्से में थे? तो ये हाथ छुड़वा कर कहता है कि अगर मेरा साथ देना है तो ठीक है, और मैं बता दूँ कि अगर तुम सोचती हो कि डैड मुझे रोक लेंगे तो ये नामुमकिन है। फिर ये फौरन से इनोसेंट सी बन जाती है और इसे डिनर के लिए इनवाइट करने लग जाती है। यहाँ जू सोंग से कहती है कि तुम टेस्ट के लिए कैसे मान गई? तो ये बताती है कि मुझे सू ने पहले ही बता दिया था, इसलिए मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहती थी। जू सोंग से पूछती है कि अब तुम आगे क्या करने वाली हो? तो ये कहती है कि मैं यान से टेस्ट के बारे में बात कर लूंगी, वो अंडरस्टैंड कर जाएगा। डॉक्टर वांग लिन से मिस्टर चेन के कंडीशन पर अच्छे से नजर रखने की बात करता है और बताता है कि तेंग इस सिलसिले में रोज मेरे पास आता है। तो लिन हैरान हो जाता है। अब सुकी डॉक्टर से पूछती है कि डीएनए टेस्ट का रिजल्ट किस हद तक एक्यूरेट आता है? तो ये बताता है कि 99%। फिर ये इसे बताती है कि कुछ दिन बाद लिन एक बच्चे के साथ यहाँ टेस्ट करवाने के लिए आएगा। मैं चाहती हूँ कि रिजल्ट मेरी मर्जी का आए, इसके लिए मैं तुम्हारी प्रमोशन करवा सकती हूँ। लेकिन डॉक्टर को सोचने के बाद इसे साफ इनकार कर देता है। दूसरी तरफ यान ड्राइंग करके सोंग को दिखाता है तो ये गुड बोल देती है। इस पर ये कहता है कि मैंने बहुत ज्यादा इम्प्रूव किया है, आपको मुझे अच्छे से प्रेस करना चाहिए। ये सुनकर सोंग हंसने लग जाती है। फिर ये यान को टेस्ट के बारे में बताती है तो ये बोलता है कि क्या आप अंकल लिन को लाइक करती हैं? तो सोंग यही सवाल इससे पूछती है, जिस पर ये फौरन से बोलता है कि नहीं, मुझे अंकल किन अच्छे लगते हैं। यहाँ सुकी लिन से पूछती है कि अगर वाकई यान तुम्हारा बेटा हुआ तो तुम और सोंग क्या करोगे? तो लिन कहता है कि मुझे सिर्फ अपने बेटे को हासिल करना है, फिर सोंग और मेरे डैड जो मर्जी सोचते रहे,
मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता और मुझे पता है कि तुम ये सब क्यों पूछ रही हो। फिर सुकी का हाथ पकड़कर कहता है कि इस इशू की वजह से मैं हमारा रिलेशनशिप खराब नहीं होने दूंगा, क्योंकि तुम मेरी वाइफ बनने वाली हो। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरे बेटे को भी एक्सेप्ट करोगी। तो सुकी फिर से इनोसेंट बनकर कहती है कि क्यों नहीं, डेफिनेटली मैं उसे एक्सेप्ट करूंगी। अब लीनी से घर छोड़ने आता है तो ये कहती है कि मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम मुझे कभी नहीं छोड़ोगे। तो ये इसके हाथ पर किस करता है, जिस पर ये खुश हो जाती है और लीनी से उतार कर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में सुकी एक लड़की से कहती है कि डीएनए टेस्ट सैटरडे पर अरेंज करके लीन को इन्फॉर्म कर दो, उसके लिए तुम्हें रिवार्ड भी मिलेगा, लेकिन अगर गड़बड़ हुई तो तुम डिसमिस हो जाओगी। ये सुनकर वो चली जाती है। दूसरी तरफ शी फिर से किन को टेस्ट करवाने का याद करवाता है, जिस पर किन मान जाता है। अब सोंग भी सुकी के घर आती है तो इसे लीन का टेक्स्ट मिलता है कि टेस्ट सैटरडे को होगा, हम उसी दिन मिलेंगे। अब सोंग इसे बताती है कि मैंने तुम्हारे कहने के मुताबिक लिन से टेस्ट करवाने पर एग्री कर लिया है। फिर सोंग पास्ट के अच्छे दिनों की बात करने लग जाती है तो सुकी कहती है कि तुम लिन को लाइक किया करती थी ना। इस पर सोंग कहती है कि टेस्ट के बाद जो बच्चा है वो भी खत्म हो जाएगा, मुझे उम्मीद है कि तुम दोनों साथ में अच्छी लाइफ स्पेंड करोगे। यहाँ किन जा रहा होता है तो एक बच्चा गिरा हुआ इसे नजर आता है। यह जल्दी से इसे उठाता है तो इसे इसमें यान नजर आने लग जाता है। अगली सुबह ये यान के पास आ जाता है और कुछ सोच रहा होता है। यान पूछता है कि क्या बात है, तो ये इससे पूछता है कि क्या तुम मुझे मिलना पसंद करते हो। इस पर यान हाँ बोलता है और कहता है कि आप बहुत अच्छे हो, एक दिन मेरी मॉम भी आपको लाइक करने लग जाएंगी। और बोलता है कि अंकल लिन मेरा टेस्ट करवाना चाहते हैं, जिस पर मॉम ने हाँ कर दी है। तो किन कहता है कि क्या तुम मेरे साथ टेस्ट करवा लोगे। इस पर यान गुस्से में आ जाता है तो किन इसे बताता है कि इससे मेरे पास प्रूफ होगा कि तुम मेरे बेटे हो और फिर हम हमेशा साथ रह पाएंगे। इस पर यान टेस्ट करवाने के लिए मान जाता है। दूसरी तरफ सोंग फिर से लिन से कह रही होती है कि यान तुम्हारा बेटा नहीं है। अब ये लोग हॉस्पिटल आ जाते हैं तो किन इससे पूछता है कि क्या तुम्हारी मॉम ने पास्ट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस की थी। तो यान कहता है कि हाँ, उन्होंने मुझे अकेले पाला है। किन कहता है कि उन्होंने आज तक तुम्हारे लिए कोई डैड क्यों नहीं ढूंढा। तो यान कहता है कि मॉम ने कहा था कि मैं बॉयफ्रेंड तब बनाऊंगी जब तुम बड़े हो जाओगे, लेकिन अब तो आप आ गए हो ना, तो मुझे डैड मिल जाएंगे और मॉम को बॉयफ्रेंड। फिर कुछ सोच कर किन्नी से वापिस लेकर चला जाता है। यहाँ लिन सोंग से कहता है कि जब यान मेरे पास आ जाएगा तो मैं तुम्हें बहुत बड़ी अमाउंट पे कर दूंगा, ताकि तुम भी अच्छी लाइफ स्पेंड कर सको। तो सोंग गुस्से में कहती है कि मुझे तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेरा बेटा चाहिए, वो कोई चीज नहीं है जो मैं तुम्हें पैसे के लिए बेच दूंगी। ये कहकर सोंग गुस्से में यहाँ से चली जाती है। और इधर किन यान को भी घर छोड़ने आ जाता है। अब शी इससे पूछता है कि हॉस्पिटल जाकर भी तुमने टेस्ट क्यों नहीं करवाया, क्या तुम पागल हो। तो किन कहता है कि मुझे पास्ट के बहुत सारे साल याद नहीं है, मुझे नहीं पता कि मैंने सोंग को कितना हर्ट किया है, इसलिए मैं उसे और ज्यादा हर्ट नहीं करना चाहता था। दूसरी तरफ किन का भाई दिखाया जाता है, जो कि इसके डैड के बीमार होने की वजह से कंपनी को मैनेज कर रहा था और यही इस सीरीज में विलन का रोल भी प्ले करेगा। यहाँ सोंग हॉस्पिटल जाने के लिए यान को रेडी करती है और दूसरी तरफ सुकी रिजल्ट नेगेटिव करवाने के लिए कॉल पर बात कर रही होती है कि तभी लीना जाता है और ये इसके साथ हॉस्पिटल जाने के लिए गाड़ी में बैठ जाती है। अब ये इससे पूछती है कि क्या तुम नर्वस हो, तो ये कहता है कि तुम सोंग जैसी नहीं हो। ये कहती है कि हम अभी भी बहुत अच्छी फ्रेंड्स हैं, चाहे पास्ट में जो भी हुआ था। तो लिन कहता है कि तुम कितना पॉजिटिव सोचती हो। अब ये हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं तो लिन फिर से यहाँ टैंक को देख लेता है, बोलता है कि मैंने इसे कहीं देखा था। अब यान आकर नर्स को अपना डीएनए सैंपल देता है और ये होते ही सोंग इसे लेकर यहाँ से चली जाती है। इसके बाद लिन अपना सैंपल देता है और सुकी सैंपल्स को देखकर कुछ सोचने लग जाती है। अब जो इससे पूछती है कि अगर डीएनए मैच हो गया तो तुम क्या करोगी, तो सोंग कहती है कि ऐसा नामुमकिन है। तभी लिन आकर सोंग से कहता है कि रिजल्ट थोड़ी देर में आ जाएगा, तो जो कहती है कि इसका मतलब कुछ देर बाद कोई बहुत रोने वाला है, क्योंकि अगर ये फादर और सन हुए तो लिन और सोंग मिलकर अपने बच्चे की परवरिश करेंगे। इस पर सोंग इसे चुप होने का कहती है तो सुकी कहती है सब पहले ही डिस्कस हो गया है कि मैं और लिन मिलकर लिन के बेटे की परवरिश करेंगे। नेक्स्ट सीन में रिजल्ट आ जाता है और जब ये लोग पेपर रीड करते हैं तो सब शोकर लिन रोक हो जाता है, क्योंकि रिजल्ट पॉजिटिव आ गया था। लिन यान से कहता है कि अब तुम मुझे डैडी कहकर बुला सकते हो, तो यान कहता है कि आप मेरे फादर नहीं हो और डर कर भाग जाता है। अब सुकी को याद आता है कि नर्स ने सैंपल ना चेंज करने के लिए इससे सॉरी कर लिया था, मतलब उसने कोई छेड़छाड़ नहीं की थी। दूसरी तरफ किन यहाँ आता है तो यान को बैठे हुए देख लेता है। यान इसे बताता है कि अंकल लिन मुझे मेरी मॉम से दूर करने वाले हैं, आपको मेरी हेल्प करनी होगी। इस पर किन इसे बाहर ले आता है तो यान कहता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे ये तो पता है कि मॉम मुझे अंकल के साथ नहीं भेजेंगी, फिर भी मैं वरीड हूँ। तो किन कहता है कि अगर लिन और तुम्हारी मॉम दोनों मिलकर तुम्हारे साथ रहें
तो क्या तुम खुश हो? तो यान कहता है कि मुझे अंकल लिन मेरी मॉम के साथ अच्छे नहीं लगते, क्या आप हमारे साथ नहीं रह सकते? तो किन कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं कोई ना कोई हल ढूंढ लूंगा। फिर ये प्रॉमिस कर लेते हैं और किन इसे अंदर ले आता है। तभी यहाँ जू यान को ढूंढते हुए आ जाती है और किन यान को जू के पास जाने का कहकर चला जाता है। दूसरी तरफ लिन सोंग के पास आता है तो ये कहती है कि रिजल्ट स्ट्रॉन्ग है। इनकी बातें सुकी भी सुन लेती है। यान जू से कहता है कि मैं अंकल लिन के साथ नहीं जाऊंगा, तो जू इसे कहती है कि तुम फिक्र मत करो, अब दो ही चीजें हैं, या तो लिन और सोंग तुम्हें दोनों मिलकर पालेंगे या तुम और सोंग यहाँ से भाग जाओ ताकि लिन तुम लोगों तक ना पहुँच पाए। अब यान सोंग से कहता है कि मैं घर जाना चाहता हूँ। तभी यहाँ लिन आ जाता है और बोलता है कि कल मैं यान को लेने आऊंगा, तो सोंग इसे साफ साफ बोल देती है कि रिपोर्ट्स में जो भी आया हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, और चली जाती है। अब लिन भी बाहर आता है तो सुकी कहती है कि क्या बना। इस पर लिन कहता है कि सोंग रिजल्ट एक्सेप्ट नहीं कर रही, तो सुकी कहती है कि क्या पता वाकई रिपोर्ट गलत हो। ये सुनकर लिन गुस्से में आ जाता है और जांग को कैफे में बुला लेता है। अब ये लोग घर आते हैं तो यान काफी अपसेट होने की वजह से चुपचाप अपने रूम में चला जाता है। फिर ये दोनों भी बैठ जाती है। जू कहती है कि वैसे रिजल्ट तो शॉकिंग था, तुमने इस बात को कितने अच्छे से सीक्रेट रखा हुआ था। इस पर सोंग कहती है कि रिजल्ट गलत है, यान लिन का बेटा नहीं है। तो जू कहती है कि अब तो झूठ मत बोलो, मैं तो कहती हूँ कि सुकी का किक आउट करो और हैप्पी फैमिली बनकर लाइफ स्पेंड करो। तो सोंग कहती है कि कौन सी फैमिली, कितनी बार बोलूं कि यान लिन का बेटा नहीं है, मैं श्योर हूँ। तो जू कहती है कि चलो इस रिपोर्ट से एक तो फायदा होगा कि अब तुम्हें किन चेज नहीं करेगा, फिर तुम लिन के साथ रह सकती हो। इस पर सोंग कहती है कि मुझे दोनों में से कोई नहीं चाहिए। तो जू उकताकर कहती है कि शायद अब तुम्हारा बेटा ही बड़ा होकर तुम्हारे लिए लड़का ढूंढेगा। दूसरी तरफ जांग रिजल्ट देखकर कहता है कि इससे और फाइनेंशियल कंडीशंस को देखकर यान की कस्टडी तुम्हें मिल सकती है, लेकिन तुम उन माँ बेटी की फीलिंग्स को क्यों नहीं देख रहे। तो लिन कहता है कि मैंने जो करना था मैंने डिसाइड कर लिया है। इस पर सुकी परेशान हो जाती है। इसकी बात सुनकर ये कहता है कि ठीक है, फिर मैं जल्दी से स्टेटमेंट के पेपर्स तैयार करवाता हूँ, और मेरे ख्याल से तो तुम उस बच्चे को छीन रहे हो। इस पर सुकी से कहती है कि लिन की सोच ऐसी नहीं है, तो ये फौरन खड़ा हो जाता है और कहता है कि मुझे इससे कोई मतलब नहीं, मैं एक लॉयर हूँ जिसे इस काम के पैसे मिलते हैं। फिर कुछ देर बाद ये बाहर आते हैं तो सामने किन खड़ा होता है, ये इसे यान के बारे में बात करने का कहता है। लिन कहता है कि अब तुम सब कुछ जानते हो और इस मामले के बारे में तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मेरे कुछ अपने भी प्लान्स हैं। ये सुनकर किन कहता है कि इसका मतलब अब तुम शादी नहीं करोगे और उन दोनों को अलग कर दोगे। इस पर ये गुस्से से कहता है कि आई थिंक तुम्हें अपनी औकात में रहना चाहिए और हमारे मामले में दखल नहीं देना चाहिए। किन कहता है कि बच्चे को माँ की जरूरत है और तुम उससे वह नहीं दे सकते। सोंग की फीलिंग्स के बारे में सोचो, उसने इतने साल यान को अकेले पाला है और अब तुम फिक्र जता रहे हो, तुम बहुत मतलबी हो। खैर मुझे उम्मीद है कि तुम इस बारे में जरूर सोचोगे। इसके जाने के बाद लिन सोचने लग जाता है। फिर ये वापिस आता है तो सुके पूछने पर बताता है कि वही पुरानी बात है कि मैं सोंग का हस्बैंड हूँ और यान का डैड। ये कहती है कि मुझे लगता है कि शायद वाकई उसको सोंग से कोई ताल्लुक है। ये कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। दूसरी तरफ सोंग यान को खाने के लिए बुलाती है तो वह इस रूम में नहीं मिलता। ये जू से पूछती है तो वह कहती है कि उसे बाहर ढूंढो। ये बाहर आती है तो यान एक साइड पर बैठा रो रहा होता है। ये इसे रोने की वजह पूछती है तो ये कहता है कि अंकल लिन मुझे ले जाएंगे और मैं नहीं जाना चाहता। तो ये इसे कहती है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी और इसे चुप करवा कर हक कर लेती है। नेक्स्ट डे सू लिन के डैड के पास आती है जो बहुत गुस्से में बैठे होते हैं और न्यूज वालों को गालियां देते हैं। फिर ये कहते हैं कि ये सब लिन का किया धरा है, मेरे मना करने के बावजूद भी वो एक आम से बच्चे को इस फैमिली में लाना चाहता है, लेकिन मैं उसे ऐसा नहीं करने दूंगा। ये इन्हें पानी देती है और कहती है कि लिन अच्छी सोच का मालिक है, पर शायद वो आपके नजरिए से नहीं सोच रहा। तो ये कहते हैं कि जो भी हो वो बच्चा इस घर में नहीं आ सकता। ये सुनकर सू खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में लिन आता है तो डैड सोए हुए होते हैं। लिन से कहता है कि मैं जानता हूँ कि आप सोए नहीं हो, मैं ये बताना चाहता हूँ कि यान मेरा बेटा है और मैं उसे यहाँ अपने साथ रखने वाला हूँ। ये जाने लगता है तो डैड गुस्से से कहते हैं कि मैं उस घटिया बच्चे को इस फैमिली में नहीं आने दूंगा। इतना सुनते ही इसका पारा आसमान पर पहुँच जाता है और ये चलाक कर कहता है कि वो मेरा बेटा है और आपका ग्रैंडसन। इस पर ये कहते हैं कि वो इतने सालों से कहाँ था, ऐसे ही तुम्हारी शादी होने लगी है वो अचानक से आ गया। एक ऐसा बच्चा जो एक मेंटल लड़की ने पाला हो वो ठीक कैसे हो सकता है। ये कहता है कि आप हमेशा उसे बुरा क्यों कहते हैं, फिर उसने आपके साथ किया ही क्या है। ये कहते हैं कि मेरा आखिरी फैसला है कि तुम उस घटिया बच्चे को घर पर नहीं लाओगे। इस पर ये चिल्लाते हुए कहता है कि ठीक है मैं बता देता हूँ कि वो मेरा बेटा है और इसी घर में ही रहेगा, और फिर चला जाता है। यहाँ हॉस्पिटल में सू डॉक्टर को लिन का एक बाल देती है
और दोबारा टेस्ट करने का कहती है। तो ये कहता है कि ऐसा काम सिर्फ पार्टी खुद ही करवा सकती है। इस पर ये कहती है कि पैसे बताइए और काम कीजिए। ये इसे मना कर देता है। ये हॉस्पिटल से बाहर आती है तो इसे सोंग और जू देख लेती है। ये दोनों अंदर चली जाती है। दूसरी तरफ इसे लिन मिल जाता है। इसके पूछने पर ये बिजनेस का बहाना बना देती है। ये इसे कहता है कि क्या तुम डॉक्टर से मिलने आई थी, तो ये मुकर जाती है। तो ये इसे कहता है कि वो मेरा बेटा है और ये सच नहीं बदलेगा और चला जाता है। यहाँ सोंग डॉक्टर से रिपोर्ट के बारे में पूछती है तो लीना आकर कहता है कि रिपोर्ट गलत नहीं हो सकती। इस पर डॉक्टर कहता है कि हमने कंप्लीट तरीके से टेस्ट किया है, अगर फिर भी यकीन नहीं है तो आप दोनों के कहने पर हम दोबारा टेस्ट कर सकते हैं। तो लिन फौरन कहता है कि मैं एग्री नहीं हूँ, जब एक बार रिपोर्ट आ चुकी है तो दोबारा करने की क्या जरूरत है। इस पर सोंग उठकर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में किन सोंग के पास आता है। ये इससे सॉरी करता है और बताता है कि कोमा की वजह से मेरी मेमोरी चली गई थी, मुझे कुछ भी याद नहीं और मैं अपनी फैमिली भी नहीं ढूंढ पा रहा। ये कहती है कि मैं समझ सकती हूँ, एक्चुअली मैंने भी तुमसे ये रवैया ठीक नहीं रखा था। फिर यहाँ जू सोंग को बताती है कि रिजल्ट आ चुका है और लिन हार नहीं मान रहा, वो यान को अपने साथ घर ले जाएगा, अब तुम आगे क्या करोगी। तो ये कहती है कि बच्चा उसका नहीं है, वो कैसे ले जाएगा। तो जो कहती है कि उसके पास रिपोर्ट वाला एविडेंस है, तुम्हारे पास क्या है। फिर इसकी खामोशी पर ये कहती है कि कोर्ट तुम्हारी बात कभी नहीं मानेगी। इस पर ये कहती है कि मैं यान को लेकर चली जाऊंगी तो कोई हमें ढूंढ नहीं पाएगा। दूसरी तरफ शॉपिंग करते वक्त सुकी मोम कहती है कि टेस्ट वाला मामला तुमसे क्यों नहीं संभाला गया, और अगर शादी के बाद तुम्हारा बच्चा ना हुआ तो तुम क्या करोगी, तुम्हें शादी से पहले ही कुछ सोचना पड़ेगा। यहाँ सोंग जू को बताती है कि किन की मेमोरी तो जा चुकी है लेकिन उसको याद है कि मैं उसकी वाइफ हूँ, और दो दिन पहले वो यान को डीएनए टेस्ट के लिए भी लेकर गया था। ये सुनकर जू कहती है कि आखिर ये लोग इतने टेस्ट क्यों करवा रहे हैं। तो ये कहती है कि उसे लगता है कि यान उसका बच्चा है, तो वो जो कहता है वो सही साबित हो जाएगा, पर उसने टेस्ट नहीं करवाया और आकर सॉरी कर ली। नेक्स्ट डे ये यान को स्कूल ले जाने लगती है तो मीडिया वाले इससे सवाल करने लग जाते हैं कि ये वाकई लिन का बेटा है। ये इसे लेकर भाग जाती है। दूसरी तरफ लिन डॉक्टर से पूछता है कि मेरी मेमोरी कब वापस आएंगी, तो ये कहता है कि कुछ नहीं कह सकते, ये खुद से वापस आती है। फिर ये इसे बताता है कि मुझे कुछ कुछ विजन्स आते हैं, पर जब मैं उस लड़की से मिला तो वो इनकार करती है कि वो मुझे नहीं जानती। तो डॉक्टर कहता है कि ये तुम्हारा पर्सनल मैटर है। फिर ये शी से मिलता है तो वो इसे टेस्ट के अबाउट पूछता है, तो ये कहता है कि मैंने करवाया ही नहीं। दूसरी तरफ रिपोर्टर्स सोंग का वेट कर रहे होते हैं। जो आकर इन्हें कहती है कि लिन आधे घंटे में कॉन्फ्रेंस करने वाला है, तो रिपोर्टर्स इससे एड्रेस मांगते हैं। ये इन्हें अपने साथ ले जाती है और मौका देखते ही ये दोनों भाग जाते हैं। यहाँ तेंग एक एम्प्लॉय को कुछ प्रिपेयर करने के लिए कहता है। दूसरी तरफ एक आदमी जांग से आकर पूछता है कि क्या ओल्ड चैन की खबर लीक हो गई है जो इतने रिपोर्टर्स आए हुए हैं, तो ये परेशान हो जाते हैं। तेंग भागता हुआ आता है कि तभी जांग इसे कहता है कि न्यूज तुमने लीक की है क्या, तो ये कहता है कि मुझे इससे भला क्या फायदा होगा। फिर रिपोर्टर इससे पूछते हैं कि क्या आप ओल्ड चैन की पोजीशन को टेक ओवर कर लेंगे, तो ये बिना बताए चला जाता है। दूसरी तरफ पेट स्टोर के बाहर इन दोनों की कोई स्नैप्स बना लेता है। यहाँ तेंग आकर ओल्ड चैन से मिलता है और हालचाल पूछता है। ये इन्हें बताता है कि कंपनी के मैटर्स को वो डील कर रहा है। ये सुनकर चैन कहता है कि आज नहीं तो कल ये सब तुम्हारे हाथ ही आने वाला है, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। फिर ये कहता है कि अगर बिन वापिस आ जाता तो हम मिलकर काम करते। ये कहता है कि उनको ढूंढने में मैं आपकी हेल्प करूंगा। दूसरी तरफ लिन किन से मिलकर पूछता है कि क्या तुम यहाँ सोंग से मिलने आए हो, तो ये कहता है कि क्या तुम सोंग को यान से अलहदा कर दोगे। इस पर ये कहता है कि तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं। फिर ये इसे बताता है कि मैं सोंग से प्यार करता हूँ और उसे हर हाल में प्रोटेक्ट करूंगा और उसके बच्चे को भी। ये कहता है कि पहले खुद को संभाल लो। ये कहकर लिन शॉप में आ जाता है और सोंग से कहता है कि मैं यान को दूसरे स्कूल में शिफ्ट करने के लिए आया हूँ, अगर तुम इजाजत दो तो मैं उसे ले जाता हूँ। ये से कहती है कि उसे जरूरत नहीं है, तो ये कहता है कि वो मेरा भी बेटा है और मैं चाहता हूँ कि वो अच्छे स्कूल में अच्छी स्टडी करे। ये बहुत गुस्सा करती है और कहती है कि तुम हमारी लाइफ में दखल क्यों दे रहे हो, पहले वो रिपोर्टर्स कम थे क्या। यहाँ किन को देख कर यान खुश हो जाता है। ये इसे कहता है कि तुम स्कूल क्यों नहीं गए, तो ये बताता है कि आज बहुत सारे रिपोर्टर्स आए थे। ये सुनकर किन को सोचने लग जाता है। लिन सोंग के मुंह से रिपोर्टर्स को सुनकर हैरान हो जाता है। सोंग इसे बताती है कि उन्होंने हमारे घर को घेर लिया था, यहाँ तक कि यान भी ये सब देखकर डर गया था। तो जो कहती है कि इसलिए हमने उनसे झूठ बोल दिया कि तुम खुद आकर मीडिया कॉन्फ्रेंस करोगे। इस पर लिन परेशान होकर सोचता है कि कहीं सुखी ने तो। तभी यहाँ रिपोर्टर्स आकर लिन से पूछने लग जाते हैं कि आप सोंग से शादी कब करने वाले हैं, क्या वो बच्चा आपका है। दूसरी तरफ यान को भी रिपोर्टर्स
घेर लेते हैं। ये देखकर यान यहाँ से भाग जाता है और आगे जाकर एक गाड़ी से टकराने लगता है। केकिन जल्दी से आखिरी से सेव करता है। ये सारी सिचुएशन देखकर सोंग लिन से कहती है कि क्या अब तुम खुश हो। तो लिन एम्बेरस होकर चला जाता है। फिर ये जल्दी से आकर यान को देखती है तो वो बताता है कि मैं ठीक हूँ। इस पर सोंग किन से थैंक्स बोलती है। अब रात को सोते वक्त यान काफी डर रहा होता है तो सोंग इससे कहती है कि डरो नहीं, मॉम तुम्हारे साथ है। यान गिन के बारे में पूछता है तो सोंगी से बताती है कि हाँ अंकल भी यही हैं। तो यान कहता है कि जब तक अंकल हमारे साथ हैं मुझे डरना नहीं चाहिए। ये कहकर यान सो जाता है। दूसरी तरफ किन अपनी इंजरी पर दवा लगा रहा होता है तो सोंगी इसके लिए वरिड हो जाती है। इस पर किन कहता है कि बस जरा सी ही तो चोट है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है और मैं यहाँ ही हूँ, कोई रिपोर्टर नहीं आएगा, तुम्हें और यान को अच्छे से रेस्ट कर लेना चाहिए। सोंग कहती है कि लिन ने बोला था कि वो रिपोर्टर से खुद ही बात कर लेगा, इसलिए अब वो हमें तंग नहीं करेंगे। इस पर ये उठकर जाने लगता है तो सोंगी से जाने से रोक लेती है और इन्हीं के घर पर सोने का कहती है तो किन से खुश होकर थैंक्स कहता है। दूसरी तरफ लिन जांग से कहता है कि तुम्हें जो बोला है वही करना। ये सुनकर जांग चला जाता है कि तभी यहाँ सुकिया जाती है और लिन को पिक करके एक जगह ले आती है। लिन इससे पूछता है कि क्या तुमने सोंग का एड्रेस रिपोर्टर को दिया था, तो ये नजरें चुराते हुए बोलती है कि मुझे क्या जरूरत थी। तो लिन कहता है कि अब मैं यान को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने पास रखूंगा। सुकी कहती है कि सोंग नहीं मानेगी तो लिन कहता है कि मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा। इस पर सुकी चुप हो जाती है। अगली सुबह सोंग जागती है तो गिन घर से जा चुका होता है। तभी बाहर सुकी आ जाती है और यान की कस्टडी के बारे में सोंग को बताती है। इस पर सोंग हैरान हो जाती है और ये इसे क्रेडिट कार्ड देती है जिसे लेने से सोंग इनकार कर देती है। तो ये कहती है कि ठीक है तुम्हारी मर्जी लेकिन यहाँ से चली जाओ। नेक्स्ट सीन में सोंग घर छोड़कर जाने लगती है तो जांग इसे देख लेता है और साथ में सुकी को भी। ये बात समझ जाता है इसलिए फौरन से लिन को कॉल करके बता देता है। अब ये जा रहा होता है तो सुकी इसे लिफ्ट देने की ऑफर करती है तो जांग कहता है कि रहने दो, मैं पहले ही एक बार तुमसे फूल बन चुका हूँ। ये कहती है कि क्या तुम सोंग से मिलने जा रहे थे, तो ये कहता है कि नहीं वो यहाँ से जा चुकी है। ये सुनकर सुकी अनजान बनने की एक्टिंग करती है तो जांग कहता है कि एक्टिंग बंद करो, मैंने तुम्हें उसके घर के पास देख लिया था। ये पूछती है कि क्या तुमने लिन को बता दिया। ये हाँ बोलता है तो ये इससे पूछती है कि क्या वो सोंग के पीछे गया है। ये फिर से हाँ बोलता है तो सुकी भी यहाँ से निकलने की करती है और जांग इसकी चलाकियों पर हंसने लग जाता है। अब ये दोनों ट्रेन स्टेशन पर आ जाते हैं। दूसरी तरफ शीक इनसे पूछ रहा होता है कि आखिर उस लड़की का नाम क्या है जिसके पीछे तुम घूम रहे हो, अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो हमारी दोस्ती का एंड समझो। इस पर किन हंसने लग जाता है। यहाँ लिन इन दोनों तक पहुँच जाता है और सोंग से कहता है कि तुम यान को लेकर कहाँ जा रही थी, तो सोंग कहती है कि प्लीज हमारा पीछा छोड़ दो। ये कहता है कि मैं यान को अच्छा फ्यूचर देना चाहता हूँ, इसमें गलत क्या है। तो सोंग कहती है कि यान का अच्छा फ्यूचर मेरे साथ है, मैंने पास्ट को भुलाने में इतना ज्यादा टाइम लगाया था लेकिन तुमने मेरी लाइफ को स्पॉइल करने में जरा भी टाइम नहीं लगाया, प्लीज हमें सुकून से जीने दो और सुकी के पास वापस चले जाओ। इनकी बहस होती देख कर यान जाकर किन को कॉल कर देता है और उसे हेल्प के लिए बुला लेता है। यहाँ लिनी से कहता है कि मेरे साथ वापस चलो, मैं यान को तुमसे दूर नहीं करूंगा। तभी यहाँ ये चुड़ैल भी आ जाती है और लिन सोंग से कह रहा होता है कि क्या तुम सुकी की वजह से मेरे साथ इनसिक्योर होती हो, अगर ऐसी बात है तो मैं उसे ब्रेकअप करने को तैयार हूँ। ये सब बातें सुकी भी सुन लेती है और लिन से बेवफाई करने पर लड़ने लग जाती है और बोलती है कि यान तुम्हारा बेटा नहीं है, वो रिजल्ट्स फेक थे। ये सुनकर लिन क्यूरियस हो जाता है और इसे सच बताने पर फोर्स करने लग जाता है। तो ये कहती है कि सैंपल स्विच करने के लिए मैंने कुछ लोगों को हायर किया था। ये सुनकर लिन कहता है कि तुम नहीं बदलोगी और गुस्से से चला जाता है। इस पर सुकी सोंग को बुरा भला बोलती है और चली जाती है। तभी यहाँ किन आ जाता है और यान को लेकर सोंग के पास आता है। सोंग यान को लेकर जाने लगती है तो किन पूछता है कि अब तुम दोनों कहाँ जा रहे हो। ये बोलती है कि कहीं नहीं, अब हम घर ही जाएंगे। तो यान किन से कहता है कि आप हमें घर छोड़ दें। दूसरी तरफ सुकी यान का डीएनए सब सैंपल्स के साथ मैच करने का कहती है ताकि पता चल सके कि असल में यान किसका बेटा है। यहाँ सोंग किन को बताती है कि रिजल्ट्स फेक थे, मुझे तो पता है ना कि यान लिन का बेटा नहीं है। किन इसकी तरफ देखता है तो ये कहती है कि तुम्हारा भी नहीं है। इस पर किन कहता है कि फिलहाल हमें ये टॉपिक नहीं छेड़ना चाहिए। तो सोंग हंसने लग जाती है और पूछती है कि अब तुम कहाँ रहते हो, तो ये कहता है कि मैं यहाँ नेबर में ही रहता हूँ। तभी यहाँ यान आ जाता है और किन से कहता है कि क्या आप हमारे घर अब नहीं आएंगे, तो ये कहता है कि आज मुझे कोई काम है। यान कहता है कि आप नेक्स्ट टाइम हमारे लिए खाना कब बनाएंगे, आप बहुत अच्छा खाना बनाते हो, इतना तो मेरी मॉम भी नहीं अच्छा बना पाती,
मेरी मोम और आंटी जू बहुत बुरा खाना बनाती है। ये सुनकर किन्नर सोंग हंसने लग जाती है। तो किन्नी से कहता है कि अगर तुम अपनी मोम से अच्छा बिहेव करोगे तो बदले में तुम्हारी मोम के हाथों में टेस्ट आ जाएगा। फिर ये किन को वेट करने का बोलकर यान को लेकर चली जाती है। अब यान मोम से पूछता है कि क्या आपको अंकल से बात करनी है, ये हाँ बोलती है तो यान कहता है कि वो आपको लाइक करते हैं, तो सोंग इसे डांट कर चुप करवा देती है। उसी तरफ सुकी डैड से कहती है कि इस बार लिन मुझे माफ नहीं करेगा। डैड कहते हैं कि तुम फिक्र ना करो, तुमने जो भी किया था वो लिन के लिए था। सुकी कहती है कि मैं उससे बात करना चाहती हूँ लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब वो मुझसे मिलने के लिए एग्री होगा। डैड कहती है कि मैं सब संभाल लूंगा। इस पर सुकी खुश हो जाती है। अब सोंग आकर एक डॉक्टर का कार्ड देती है जो कि एमनीजिया स्पेशलिस्ट होता है। इसके बाद ये पेट्स को फीड करवाने लगती है तो किन को पास्ट के सीन याद आने लग जाते हैं कि इसकी वाइफ को भी पेट्स रखने का बहुत शौक था। तभी एक डॉग आकर बार्किंग करता है और एक जगह की तरफ भागता है। ये लोग जाकर देखते हैं तो नेबर ग्रैंडमा बेहोश गिरी पड़ी होती है। अब ये हॉस्पिटल में होती है और सोंग किन के लिए खाना लेकर आती है। यान कहता है कि ये मेरी मोम का लव बॉक्स है, आपको पूरा फिनिश करना पड़ेगा। इस पर सोंग इसे चुप करवाकर ले जाती है। अब यान देखता है कि किन जल्दी जल्दी बाइट्स लिए खाए जा रहा होता है। यान इस पर बहुत हैरान होता है और कहता है कि आप इतना टेस्टलेस खाना कैसे खा सकते हैं। तो किन कहता है कि अगर तुम सोच के खाओ तो ये तुम्हें भी टेस्टी लगेगा। ये इसे टेस्ट करने को बोलता है तो यान मना करने लग जाता है। सोंग कहती है कि क्या ये इतना बुरा है, तो किन कहता है कि मुझे तो अच्छा लगेगा ही क्योंकि मुझे भूख लगी थी, मतलब बाकी सोंग ने अच्छा खाना नहीं बनाया था। अब डैड आकर लिन से कहते हैं कि चूंकि वो तुम्हारा बच्चा नहीं है इसलिए अब तुम्हें चैन से सुकी के साथ रहना चाहिए, तो लिन मना कर देता है। डैड कहते हैं कि तुम उस लड़की का पीछा क्यों नहीं छोड़ रहे, सुकी सारा दिन से तुम्हारा वेट करती रही है, जाओ जाकर उससे बात करो, वो लड़की बहुत अच्छी है। दूसरी तरफ किन कंटेनर वॉश करके सोंग को देता है तो ये बोलती है कि सच बताना कि खाना कैसा बना था, तो किन कहता है कि अच्छा था, क्या तुम्हें खुद पे यकीन नहीं है। इस पर ये दोनों हंसने लग जाती है। तो सोंग कहती है कि तुम्हें एमनीजिया होने के बावजूद भी तुम इतनी अच्छी कुकिंग कैसे कर लेती हो, क्या तुम शेफ थे, तो किन कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं शेफ हूँगा। फिर ये इसे घर जाकर आराम करने का कहता है और बोलता है कि ग्रैंडमा के पास रात को मैं रुक जाऊंगा, तुम्हें यान को लेकर चले जाना चाहिए। किन के ऐसे बिहेव से सोंग काफी इम्प्रेस हो जाती है और इनके फ्रेंडशिप की स्टार्टिंग भी हो जाती है। यहाँ सुकी लिन से माफी मांगती है तो लिन इसे पीछे हटा देता है और बोलता है कि तुम मुझे क्यों पाना चाहती हो, ये बोलती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तो लिन कहता है कि अपने प्यार के लिए क्या आप तुम दूसरों को हर्ट करोगी। ये चुप रहती है तो लिन कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम मेरे साथ खुश रह पाओगी क्योंकि मैं ये रिश्ता निभाते निभाते थक गया हूँ। यहाँ घर आकर यान सोंग से कहता है कि आपको नहीं लगता कि अंकल किन परफेक्ट हैं, आपको उनके बारे में सोचना चाहिए, तो सोंग स्माइल करके चली जाती है। सुकी लिन से कहती है कि मुझ पर इतना गुस्सा मत करो, तो लिन कहता है कि तुम्हारे बिहेव से मेरा दम घुटता है, मुझे लगा था कि तुम बदल गई हो लेकिन मैं गलत था। सुकी कहती है कि मैं खुद को चेंज कर सकती हूँ, बताओ कि मैं खुद में क्या चेंज करूँ। लिन कहता है कि हर इंसान को पता होता है कि उसे खुद में क्या चेंजिंग की जरूरत है, कोई दूसरे को फोर्स नहीं कर सकता। फिर सब एंड करके बोलता है कि अब हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए, ये कहकर लिन चला जाता है और ये रोती रह जाती है। दूसरी तरफ किन हॉस्पिटल में ग्रैंडमा से मिलकर बहुत खुश होता है। ये इसे पूछती है कि अब क्या करने का इरादा है, तो ये कहता है कि रहने के लिए अच्छी सी जगह ढूंढूंगा। ग्रैंडमा कहती है कि तुम मेरे साथ रहने आ जाओ, आखिर तुमने मेरी जान बचाई है, तो ये कहता है कि आप सोंग का शुक्रिया कीजिए, उसी ने आपकी जान बचाई थी। तो ये बताती हैं कि सोंग को मैंने ही घर रेंट पर दिया है, वहाँ एक रूम फ्री है, अगर तुम चाहो तो वहाँ रह सकते हो, मैं रेंट में डिस्काउंट कर दूंगी। ये कहता है कि सोंग कभी नहीं मानेगी। तभी ये दोनों भी आ जाते हैं। यान ग्रैंडमा से मिलकर बहुत खुश होता है और कहता है कि आपका ख्याल रखूंगा। फिर ये सोंग का थैंक्स करती हैं। ये कहती है कि मैंने आपके बेटे को बता दिया था, वो आपको लेने आता ही होगा। यहाँ टैंग अपने असिस्टेंट से कहता है कि चैन बहुत जल्द कंपनी अपने बेटे के नाम कर देगा, तो असिस्टेंट कहता है कि वो तो बहुत साल पहले गायब हो गया था। एक्चुअली ये लोग किन के बारे में बात कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ चैन डॉक्टर को थैंक्स करता है, तो ये कहता है कि आप लिन को थैंक्स कीजिए। चैन इनसे डिस्चार्ज होने का पूछता है तो ये बताता है कि आप कुछ दिन और यहाँ रहेंगे, आपको अभी आराम की जरूरत है। डॉक्टर के जाने के बाद यान घूमते हुए चैन के रूम में आ जाता है। इसके पूछने पर ये बताता है कि आपके रूम का दरवाजा खुला हुआ था, मुझे आपका रूम बाकी सबसे अलग लगा तो मैं देखने आ गया। ये इससे इसका नाम पूछते हैं, ये अपना नाम बताता है, तो चैन इसके फादर का नाम पूछता है, ये मना कर देता है।
फिर ये हंसते हुए इसकी तरफ हाथ बढ़ाते हैं ताकि चेहरा फील कर सके और कहते हैं कि मुझे तुम्हारा फेस फील करने दो ताकि मुझे पता चल जाए कि तुम कैसे दिखते हो। ये इन्हें हाथ लगाने देता है। फिर ये कहता है कि क्या आप ज्यादा बीमार हैं? चेन के हाँ कहने पर ये बताता है कि यहाँ के डॉक्टर बहुत स्किलफुल हैं। मैं अंकल लिन को जानता हूँ। दूसरी तरफ तैंग आकर लिन से चेन के हवाले से अपडेट लेता है तो ये बताता है कि उन्हें दिल की बीमारी है और उनकी बॉडी बहुत वीक है। फिर इसका थैंक्स करके जाने लगता है तो लिन से कहता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारा किसी से झगड़ा चल रहा है, अगर जरूरत हो तो बताना। ये कहता है कि लगता नहीं कि तुम हेल्प कर पाओगे, पर जब जरूरत हुई मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। यहाँ सोंग ग्रैंडमा को फ्रूट खाने के लिए देती है तो ये कहती है कि तुम बहुत अच्छी लड़की हो और मैं तुमसे रेंट भी कम लेती हूँ। ये सुनते ही सोंग कहती है कि मैं समझ सकती हूँ आप रेंट बढ़ाना चाहती हैं, तो ये कहती है कि मेरा वो मतलब नहीं था। तुम्हारे घर में एक खाली रूम है, मैं उसे रेंट पर देना चाहती हूँ, तुम्हें एतराज तो नहीं? इस पर सोंग रहने वाले शख्स के बारे में पूछती है तो ग्रैंडमा फौरन किन की तरफ इशारा करती है। इसे देखते ही सोंग खुश हो जाती है। दूसरी तरफ यहाँ चेन को बताता है कि लिन मेरी मोम के साथ अच्छा नहीं है, इसलिए वो मुझे पसंद नहीं। तभी टेंगा जाता है। एक्चुअली किन चेन का बेटा है और ये दोनों बाप बेटे एक ही हॉस्पिटल में हैं। ये मिलवाते हैं ये नहीं ये तो आगे चलकर ही पता चलेगा। ये आते ही यान से पूछता है कि तुम यहाँ कैसे आए, तो ये बताता है कि डोर ओपन था तो ये इनसे बात करने चला आया। ये इसे बाहर जाने का कहता है तो ये मना कर देता है। इस पर ये इसे यहीं रहने का कह देते हैं। यहाँ ये दोनों यान को ढूंढने लग जाते हैं। तभी सोंग को इसकी आवाज आती है, ये इसे देखने रूम में आ जाती है। टैंग इसे देखकर हैरान हो जाता है। अब ये देखकर इतना हैरान क्यों हुआ, इसका राज भी हमें आगे चलकर पता चलेगा। यान अपनी मोम को चैन से इंट्रोड्यूस करवाता है। एक दूसरे को देखकर खुश होते हैं। अब टैंग किसी तरह का शक करते हुए सोंग को अपना नाम बताता है, पर सोंग कोई रिएक्ट नहीं करती और यान की तरफ से सॉरी कहती है। ये इसे लेकर जाने लगती है कि तभी किन भी आ जाता है और यान को आवाज देता है। इसकी आवाज सुनते ही डैड और टैंग दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। तभी इनकी हार्ट बीट बढ़ जाती है और टैंग बहुत ज्यादा खौफजदा खड़ा देख रहा होता है। तभी डॉक्टर आ जाते हैं। नेक्स्ट सीन में ये तीनों बाहर खड़े होते हैं। यान किन से ग्रैंडपा के बारे में पूछता है तो टैंग बहुत गौर से इसे देख रहा होता है और फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि इंजीनियर्स इसका डिजाइन रिजेक्ट करके चले जाते हैं और वही किन आकर इसे साथ मिलकर काम करने की ऑफर करता है प्रेजेंट में। तभी असिस्टेंट आकर इसे देखते ही बोलने लगता है तो टैंग फौरन से इसे चुप करवा देता है। यहाँ किन की मेमोरी लॉस होने की वजह से ये इन्हें पहचान नहीं पाता, पर टैंग इसे जानता है और डरा भी होता है, इसलिए किन को कुछ नहीं बताता है और कहता है कि चेन इसकी आवाज़ सुन चुके हैं, मुझे लगता है कि इन्हें पता लग गया है। ये इसे कहता है कि ये बात किसी को पता नहीं लगनी चाहिए। दूसरी तरफ जांग को आता देखकर असिस्टेंट टैंग को बता देता है और ये इन्हें घर जाने का कहता है। यान यही रुकने की जिद करता है तो किन इसे समझाता है और ये लोग चले जाते हैं, लेकिन इन्हें जाते हुए जांग भी देख लेता है। असिस्टेंट इन्हें चालाकी से गलत फहमी कहकर अपने साथ ले जाता है। ये आकर सारा कसूर टैंग का निकालते हैं। ये इसे डांटते हैं तो ये कहता है कि इनके गायब होने से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, मेरा यकीन कीजिए। फिर एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है। यहाँ ये बिन का ऑफिस देखकर बहुत हैरान होता है। ये इसे अपने डैड से मिलवाता है। फिर टैंग अपने ऑफिस में परेशान हो रहा होता है कि अगर किन को याद आ गया कि वो कौन है तो क्या होगा, और चैन ना बिल्कुल ठीक है, मैं थक गया हूँ ये सब छुपाते छुपाते, तो ये बताता है कि मैंने पता लगाया है कि उसकी मेमोरी वापस आना मुश्किल है और लिन को यकीन है कि वो किन है और वो मेमोरी रीगेन नहीं कर सकता। फिर ये कहता है कि उसे सांग से मिलने मत देना। फिर इसे याद आता है कि ये दोनों वॉक पर गए थे और वहाँ किनी से कहता है कि मैं इस दुनिया की बेस्ट डिजाइनिंग कंपनी बनाना चाहता हूँ, तो ये गुस्से से कहता है कि तुम्हारे पास तो सब है, तुमने मेरे बारे में सोचा कभी? इस पर बिन कहता है कि इस कंपनी का फ्यूचर मैं डिसाइड करूंगा, तो ये कहता है कि मैं तो भूल ही गया था कि तुम तो बहुत बड़े बिजनेसमैन हो, पर तुम तो खुद की बीवी को भी नहीं संभाल पाए। शैनलू वापिस आ चुकी है। ये इसे पूछता है कि वो कहाँ है तो टैंग अपना हाथ गुस्से से छुड़वाता है जिससे बिन गिर जाता है और दरख्त से टकराने पर इसे चोट आ जाती है और मौका देखकर ये भाग जाता है। फिर बिन इसे रोड पर गिरा दिखता है। दूसरी तरफ किन इन दोनों को घर छोड़ता है तो सोंग कहती है कि तुम अपना सामान पैक करो, मैं और यान तुम्हारा रूम सेट कर देंगे, लेकिन तुम्हें 50% रेंट देना होगा ताकि हम अच्छा खाना रोज खा सके। इस पर यान बहुत खुश हो जाता है। यहाँ सूल इनके पास आती है और इसका हाथ पकड़ कर कहती है कि मैं तुम्हें होने से डरती हूँ। ये अपना हाथ छुड़वाता है और कहता है कि इसका मतलब ये नहीं कि तुम किसी को भी हर्ट करो, तो ये गुस्से से कहती है कि उसने मुझे पहले हर्ट किया था। हम कहीं दूर चले जाते हैं जहाँ कोई ना हो, तुम वहाँ अपना क्लिनिक ओपन कर लेना और मैं तुम्हें असिस्ट करूंगी। ये मना कर देता है तो ये कहती है कि तुम सोंग की वजह से ये सब कर रहे हो ना, तो ये गुस्सा करता है कि तुम उसे बार बार क्यों ले आती हो, तो ये कहती है कि उसकी वजह से तुम उससे ऐसा बिहेव करते हो, तो ये कहता है कि इतने सालों से हम ऐसे ही लड़ते आ रहे हैं, तुम्हें नहीं लगता कि अब ये सब खत्म कर देना चाहिए, या तुम उससे ऐसा प्यार करती हो? फिर ये कहता है कि मैं बिजी हूँ, तुम जा सकती हो। नेक्स्ट सीन में किन सबके लिए खाना बनाता है
तो खाना खाते हुए यान कहता है कि आप और जू खाना अच्छा नहीं बनाते, तो ये दोनों मुस्कुराने लग जाती हैं। फिर ये कहता है कि क्या तुम मेरे साथ खाना बनाना सीखोगे, तो ये कहता है कि अगर मैं सीख भी लूँ तो आप जैसा नहीं बना सकता। ये इसे कहता है कि अगर खाना बनाना नहीं सीखोगे तो मोम का ख्याल कैसे रखोगे। इस पर ये अपनी मोम को सेव मी कहता है। इस पर सोंग कहती है कि किन बिल्कुल ठीक कह रहा है। फिर ये हंसते हुए खाना खाने लग जाते हैं। सोंग टेरेस पर खड़ी होती है तो किन इसके लिए दूध लेकर आ जाता है, जिस पर ये स्माइल करके कप पकड़ लेती है और किन से कहती है कि हमें साथ रहने के लिए एक एग्रीमेंट कर लेना चाहिए जिसमें तुम याद रखोगे कि तुम यान के फादर नहीं हो और ना ही मेरे बॉयफ्रेंड, ताकि हमें इस टॉपिक पर बार बार बात ना करनी पड़े, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि यान को झूठी उम्मीदें लग जाएं। ये सब सुनकर किन कहता है कि तुम मेरी मेमोरीज में हो, तो सोंग कहती है कि वो गलत मेमोरीज हैं। इस पर किन थोड़ा हर्ट होकर चुप हो जाता है। दूसरी तरफ किन के डैड टैंग से बोलते हैं कि मैंने किन की आवाज़ सुनी थी, तो टैंग हाँ बोल देता है। डैड खुश होकर बोलते हैं कि उसे जल्दी से बुलाओ। टैंग कहता है कि इतनी जल्दी क्या है, और फिर डोर बंद कर देता है। फिर ये डैड से कहता है कि अगर मैं किन को आपके पास ले आऊं तो मुझे क्या मिलेगा। इस पर डैड हैरान हो जाते हैं और बात समझ जाते हैं। ये इसे कहते हैं कि मैंने तुम्हें पालने में कौन सी कमी की थी, तो ये कहता है कि मैंने ये बात नहीं की, बिन के जाने के बाद मैंने आपकी कंपनी को मार्केट में बहुत तरक्की दी है। डैड कहते हैं कि ये मत भूलो कि कंपनी ने तुम्हें मौका भी दिया था, तो ये गुस्सा करके कहता है कि आज जो भी है वो मेरी वजह से है। इस पर डैड कहते हैं कि हाँ मेरी गलती थी जो मैंने तुम्हें गलत समझ लिया, मुझे ओल्ड जैंग की बात सुन लेनी चाहिए थी। अब बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए जिसे तुम बिन को अकेला छोड़ दो, तो ये कहता है कि जूही कंपनी तो ऑलरेडी मेरी है क्योंकि उसे मैंने तरक्की दी है। दूसरी तरफ सोंग किन से कहती है कि तुम्हारे पेरेंट्स बहुत अच्छे लोग होंगे। किन कहता है कि तुम कैसे कह सकती हो, तो ये कहती है कि क्योंकि तुम बहुत अच्छे इंसान हो। यह टैंग डैड से पेपर साइन करवा लेता है और बोलता है कि अब आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। डैड कहते हैं कि अब बताओ कि बिन कहाँ है, तो ये कहता है कि पहले मुझे आप ये बताएं कि आपने मेरी सारी शरायत मान कैसे ली, कहीं आप किसी दूसरे के साथ मिलकर मेरी पीठ पीछे वार तो नहीं करने वाले। डैड कहते हैं कि तुम ओवरथिंक कर रहे हो। ये कहता है कि मैं इडियट नहीं हूँ। डैड कहते हैं कि फिर और तुम क्या चाहते हो, तो ये कहता है कि आप बस ये समझ लें कि बिन मेरे हाथों में है, मैं डिसाइड करूंगा कि वो जिएगा या मरेगा। दूसरी तरफ मिस्टर जांग हॉस्पिटल के लिए आने लगता है तो असिस्टेंट इसे किसी काम के लिए रोक लेता है। यहाँ डैड काफी डर जाते हैं तो टैंग इन्हें ऐसे देखकर बोलता है कि जांग आज नहीं आएगा। फिर ये कहता है कि मैंने कभी नहीं चाहा के बिन वापिस आ जाए, बल्कि मैं तो उसे डिसअपीयर करना चाहता हूँ। इस पर डैड कहते हैं कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, तो ये कहता है कि आपको क्या लगा कि मैं बिन के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर रहा हूँ, ऐसा तो नहीं है, मैं मेरी हर चीज मेरे अंडर चाहता हूँ। फिर ये बोलता है कि मैं बिन को बिल्डिंग से गिरा कर मारूंगा और सबको लगेगा कि फेमस कंपनी के हायर ने सुसाइड कर ली। ये सब सुनकर डैड की हालत बहुत खराब होने लग जाती है, लेकिन ये अभी भी चुप नहीं करता और बोलता है कि वो जो लड़की और बच्चा बिन के साथ थे शायद वो आपकी बहू और ग्रैंड चाइल्ड थे, और हो सकता है कि बिन की मौत के बाद वो दोनों भी जिंदा ना बचें। ये सब सुनकर तो डैड की बस ही हो जाती है और उसी वक्त इनकी डेथ हो जाती है, और टैंग बेरहमों की तरह अपना पेपर उठाता है और चला जाता है। बाद में डॉक्टर आकर इनको देखने लग जाते हैं। दूसरी तरफ किन को कुछ याद आने पर इसकी हालत भी बिगड़ जाती है और ये बेहोश होकर गिर जाता है। फिर इसे पहले का टाइम याद आता है जब डॉक्टर्स इसे हॉस्पिटल में लेकर घूम रहे थे, तभी इसे होश आ जाता है तो सोंग आकर जल्दी से इसे देखती है और पानी देती है। ये कहता है कि अभी अभी मुझे कुछ याद आया था कि मैं हॉस्पिटल में कैसे गया था। यहाँ टैंग गाड़ी में बैठा होता है कि इसे किसी की कॉल आ जाती है। ये जल्दी से जांग के पास आता है और शौक होने की एक्टिंग करता है, फिर रूम में आकर बोलता है कि डॉक्टर लिन प्लीज प्रेसिडेंट चैन को बचा लो। इस पर लिन नामे सर हिला देता है। अगली सुबह किन बाथरूम जाने लगता है तो सोंग जल्दी से अंदर घुस जाती है। किन डोर नॉक करता है और बोलता है कि टूथपेस्ट खत्म हो गई थी, मैं नहीं लेकर आया हूँ। इस पर ये इसे पकड़ लेती है। दूसरी तरफ असिस्टेंट आकर टैंक से बोलता है कि पेपर्स बिल्कुल ठीक है, अब आप जूही के प्रेसिडेंट है। ये सुनकर टैंक इससे कहता है कि मैंने अपने आप से वादा किया था कि मैं एक दिन सब अचीव कर लूंगा, मैं किसी का डॉग बनकर उसके ऑर्डर्स फॉलो नहीं करूंगा। तो असिस्टेंट कहता है कि हाँ आपकी विश पूरी हो गई, और टैंग हंसने लग जाता है। घर पर सोंग मिस्टर चैन के मरने की खबर न्यूज पर सुन लेती है, जिसमें बताया जाता है कि अब आगे पता नहीं कौन चेयरमैन बनेगा क्योंकि चैन तियान का बेटा तो सालों से गायब है। यहाँ जांग बहुत गुस्से में टैंग के पास आता है और बोलता है कि तुम्हारे पास ये पेपर्स कैसे आए, चैन ने ये कंपनी तुम्हें कैसे दे दी, कहीं तुमने चैन को तो नहीं मार दिया। तो टैंग कहता है कि मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, इसलिए मुझे मजबूर मत कीजिए कि मैं आपके लिए कोई ट्रबल क्रिएट कर दूं। तो जांग कहता है कि इन पेपर्स की वजह से खुद को कंपनी का मालिक मत समझो, मैं इस मामले की तह तक जाऊंगा और सब पता लगा लूंगा। अब किन यान को ब्रेकफास्ट देता है,
तो ये इतना डिलीशियस खाना देखकर बहुत खुश हो जाता है। तभी सोंग भी आ जाती है तो यान इसे कहता है कि मम्मी आप बहुत लकी हो। ये बात नहीं समझती तो यान कहता है कि अंकल किन कितने हैंडसम हैं और ऊपर से इतना अच्छा खाना भी बनाते हैं, तो आप लकी ही हुई ना। तो सोंग इसे चुप करवा देती है। फिर किन सोंग से कहता है कि मेरे लिए कोई काम तो नहीं। यान कहता है कि क्यों, क्या आपको कहीं जाना है। किन कहता है कि मुझे एक काम है। तो यान कहता है कि आपके पास आपकी आइडेंटिटी नहीं है ना, आप जॉब करते हैं, ऊपर से आपको एमनीजिया भी है, तो आपने बाहर क्या करने जाना है। इस पर किन हंसने लग जाता और कहता है कि मैं जॉब ढूंढने जा रहा हूँ। तो यान कहता है कि फिर अच्छे से अर्न करिएगा ताकि हम मुझे और मॉम को अच्छे से खिला सको। इस पर सोंग इसे डांटने लग जाती है। ऑफिस में तंग के कहने पर कुछ चेंजेस किए जाते हैं, तो जोंग तंग से कहता है कि अगर तुम चेयरमैन हो तो क्या कुछ भी करोगे, और लोगों के भी यहाँ शेयर्स हैं। फिर ये बिन के शेयर्स की बात करता है तो तंग मजाक उड़ाते हुए कहता है कि वो कहाँ है। तो जोंग इसे बताता है कि मैंने लॉयर से बात कर ली है कि जब चैन फैमिली का हायर आ जाएगा तो सारी पावर उसी की होगी, इसलिए अब मैं बिन को ढूंढ निकालूंगा और तब तुम्हारा वर्ड सेंड हो जाएगा। ये सुनकर टैंक को बहुत गुस्सा आता है और ये असिस्टेंट से कहता है कि किन पर नजर रखो, यहाँ तक के सोंग पर भी। घर पर यान सोंग को इसके शूज दिखाकर बोलता है कि अंकल किन के रूम में थे। इस पर सोंग किन से कहती है कि ये तुम्हारे पास कैसे आए, क्या ये तुमने खरीदे थे। तो किन हाँ बोल देता है और सोंग एम्बेरस हो जाती है। बाहर आकर ये किन को बताती है कि हॉस्पिटल में जिन ग्रैंडपा से यान मिला था उनकी डेथ हो गई है। मुझे समझ नहीं आ रही कि यान को कैसे बताऊं, प्लीज तुम उसे बता दो। तभी यान मॉम से चिल्लाकर कहता है कि आंटी जू क्यों नहीं आ रही, मैं स्कूल से लेट हो रहा हूँ। दूसरी तरफ ये दोनों दिखाए जाते हैं। शी कहता है कि तुम कैसे ड्राइव कर रही हो, तुम यान को स्कूल से लेट करा दोगी। इसके ताने सुनकर जू ड्राइविंग सीट से हट जाती है। यहाँ किन बहुत अच्छे तरीके से यान को डेथ की रियलिटी बताता है जिससे सोंग बहुत इम्प्रेस हो जाती है। अब ये लोग भी आ जाते हैं। शी किन को देखकर हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या तुम सोंग की बात कर रहे थे, हम तो एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। फिर ये लोग यान के शोर मचाने पर गाड़ी में बैठ जाते हैं और जाते हुए सोंग जू को बताती है कि लिन और सू का ब्रेकअप हो गया है, अब तुम्हारे लिए अच्छा चांस है। सोंग कहती है कि मेरे और लिन के बीच कुछ नहीं है, तो जू इसे लिन के साथ रिलेशन बनाने के लिए फोर्स करने लग जाती है और साथ ही किन की खामियां बताने लग जाती है। ये सब सुनकर शी बर्दाश्त नहीं करता और किन की साइड लेता है और कहता है कि वो तो बहुत अच्छा इंसान है। इस पर जू इससे बैट लगाने को कहती है कि सोंग लिन से ही शादी करेगी, तो शी कहता है कि मंजूर है, अगर तुम हार गई तो तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी और अगर मैं हार गया तो मैं तुमसे शादी करूंगा। ये सुनकर सोंग हंसने लग जाती है और कहती है कि शी ने बिल्कुल ठीक कहा है। इनकी बातों से उकताकर यान फिर से चिल्लाने लग जाता है कि आज तुम लोग मुझे लेट करके ही रहोगे। उसी तरफ लॉयर टैंक को बताता है कि मिस्टर चैन के बनाए हुए पेपर्स बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसमें ये बिल्कुल साफ साफ लिखा है कि जब चैन फैमिली का असली हायर आ जाएगा तो कंपनी का सारा कंट्रोल उसी के हाथ में चला जाएगा और आपके हाथ में कुछ नहीं बचेगा। यहाँ किन शी के साथ होता है। शी से बताता है कि मैंने और जून सोंग की शादी को लेकर बैट लगाई है, इसलिए तुम्हें मुझे जितवाना पड़ेगा। अब एक साइड पर एक आदमी टैंक के असिस्टेंट से कह रहा होता है कि काम ज्यादा है, इसलिए प्लीज बॉस से बात करो ताकि वो डेडलाइन दो दिन के लिए बढ़ा दें। यहाँ पास में ही किन भी गाड़ी से शी को बाय बोलकर उतर जाता है। ये आदमी मैप लेकर जाने लगता है कि साइकिल पर जाते हुए एक लड़का आकर इससे टकरा जाता है। किन इसकी तरफ देखता है और इसका प्रिंट गिर जाता है, और जब इसे किन देखता है तो इसे विजन आता है जिसमे इसे एक आदमी कहता है कि तुम अपने डिनर मुझसे ज्यादा हुनरमंद हो। दूसरा आदमी इसे पूछता है कि क्या तुम्हें ये समझ आ रहा है, तो ये कहता है कि इस प्रिंट में गलती है। फिर वो आदमी इसे इसकी कंपनी में लेकर आ जाता है। किन इसे प्रिंट में मौजूद गलतियां बताता है, तो ये आदमी कहता है कि इसे फिक्स कैसे करें। ये इसे थोड़ा टाइम मांगता है। इस पर ये आदमी इसे पूछता है कि क्या तुम डिजाइनर हो, तो ये बताता है कि मैं 6 साल से कोमा में था, जब होश आया तो कुछ याद नहीं था, पर अजीब बात ये है कि प्रिंट मुझे समझ आ रहे हैं। इसकी बात सुनकर ये इसे बताता है कि ये प्रिंट प्रेसिडेंट टैंग ने बनाया है और टैंग दुनिया में दूसरे नंबर पर है, पर तुम कहाँ जॉब करते हो, तो ये कहता है कि मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ। इसी बात पर ये इसे कहता है कि अगर तुमने रात को प्रॉब्लम फिक्स कर दी तो मैं कल तुम्हें हायर कर लूंगा। दूसरी तरफ जोंग लिन को कहता है कि तुम बहुत पत्थर दिल इंसान हो, तुमने सू को दूर कर दिया और सोंग को कुछ करने के लायक नहीं छोड़ा, तो ये कहता है कि तुम क्या चाहते हो। ये पूछता है कि सू और सोंग इन दोनों में से तुम किसे पसंद करते हो, तो ये कहता है कि मैंने तुम्हें मुझे स्कॉल्ट करने के लिए नहीं बुलाया। नेक्स्ट सीन में लिन बैठा सोच रहा होता है और कहती है कि मुझे यहाँ बैठा देख कर कहीं सू गुस्सा तो नहीं करेगी, तो ये बताता है कि मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया है,
तो ये हैरान हो जाती है और कहती है कि सू तुम्हें ऐसे ही जाने नहीं देगी। ये कहता है कि हम दोनों के दरमियान अब कुछ नहीं रहा, पर अब सोंग भी मुझे देखना नहीं चाहती। तो ये कहती है कि तुम में सॉरी करने की भी हिम्मत नहीं है। पता नहीं सोंग तुम्हें पसंद क्यों करती है। ये सुनते ही लिन हैरान हो जाता है। तो ये कहती है कि तुम बेवकूफ हो या दिखावा करते हो। इस पर ये बताता है कि सोंग हमेशा से ही यही कहती रहती थी कि हमारे दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी। ये बताती है कि उसने हमेशा अपनी मुश्किलें तुम्हें बताई हैं ताकि तुम उसे प्रोटेक्ट करो। पता नहीं वो तुम्हें पसंद ही क्यों करती है। अगर मैं होती तो तुम्हें जूते मारती। तो ये कहता है कि हाँ तुम ठीक कह रही हो, मुझे सोंग से सॉरी कर लेनी चाहिए। तभी सुई से कॉल करती है और कहती है कि मुझे पता चल गया है कि यान किसका बेटा है। लिन इसे नॉट इंटरेस्टेड कहकर कॉल बंद कर देता है। नेक्स्ट सीन में लिन सोंग के पास आता है और कहता है कि मुझे जू मिली थी। तो ये कहती है कि उसकी बातों पर यकीन मत करना। इस पर ये कहता है कि अगर जू का कहा सच है तो मैंने तुम्हें बहुत दुखी किया है, मैंने तुमसे अच्छा बिहेव भी नहीं किया। मुझे लगा कि यान मेरा बेटा है और मैं उसे बेहतर माहौल दे सकता हूँ, और मैंने तुम्हारी फीलिंग्स का भी ख्याल नहीं किया। तभी इन्हें बातें करता हुआ सू भी देख लेती है। सोंग कहती है कि मैं अब तुम्हारे बारे में नहीं सोचती, मुझे यान का ख्याल रखना है, मुझे उसे अच्छी जिंदगी देनी है। ये इसे पकड़ता है और सॉरी कर लेता है। तो ये एक्सेप्ट करके चली जाती है। फिर सू इसके पास आ जाती है और कहती है कि अभी हमने ब्रेकअप किया और तुम उससे मिलने भी आ गए, क्या तुमने कभी मेरे लिए सोचा था। तो ये कहता है कि तुम्हारा जो मन करता है करो। इस पर ये कहती है कि मैंने कुछ गलतियाँ की हैं, पर मैंने जो भी किया वो सिर्फ तुम्हारे लिए था, और तुम्हें मुझसे ज्यादा प्यार करने वाला कोई नहीं मिलेगा। लेकिन ये बिना कुछ बोले ही चला जाता है और सू गुस्से में आकर सोंग से शॉप वापस ले लेती है। तभी बाहर एक्सीडेंट हो जाता है। सोंग बाहर आती है और लिन के साथ मिलकर इस आदमी को गाड़ी से निकालती है, और ये सब सू भी देख रही होती है कि तभी लिन का पाँव फंस जाता है और गाड़ी में आग लग जाती है। ये इसे निकाल नहीं पाती और इसे हग कर लेती है, और सू आकर आग बुझाती है और तभी इन्हें देख लेती है और रोने लग जाती है। बाद में ये इसे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझे सेव कर रही थी, लेकिन तुम प्रॉमिस करो कि आइंदा तुम खुद को खतरे में नहीं डालोगी। सू आते ही सोंग को थप्पड़ मार देती है और कहती है कि तुमने ब्रेकअप इसीलिए किया था। ये कहता है कि हम अलग हो चुके हैं, अब मैं जिसके साथ चाहे रहूं, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ये सोंग को मारने लगती है तो लिन इसे रोकता है और कहता है कि हाँ मैं इसे पसंद करता हूँ, क्या अब तुम खुश हो, मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता, दफा हो जाओ यहाँ से। नेक्स्ट सीन में सू बार में होती है। तभी यहाँ तेंग भी आ जाता है और इससे पूछता है कि तुमने बताया था कि वो बच्चा लिन का नहीं है, अगर वो उसका नहीं है फिर उसका बाप कौन है। तभी वो बताती है कि उसके बाप का नाम किनमो है। ये सुनते ही तेंग शॉक हो जाता है और कहता है कि आपको ये स्ट्रेंज नहीं लगता कि बच्चा किन का है, लेकिन सोंग उसे एडमिट नहीं करती, पर मैं ये बात लिन और किन दोनों को बताऊंगा, और जरा सोचो कि अगर दोनों को पता लग जाएगा तो क्या होगा। अगर तुम लिन को वापस चाहती हो तो ये तुम्हारा आखिरी चांस है। यहाँ तेंग एक तीर से दोषीकार कर रहा होता है। दूसरी तरफ यान आकर किन से कहता है कि क्या ये आपने सब बनाया है। तो ये कहता है कि क्या तुम सीखना चाहोगे। इस पर ये कहता है कि हाँ मैं ये सीख कर बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाऊंगा, यहाँ मेरी मोम रहेंगी। तो ये प्यार से इसे सिखाने लग जाता है। यहाँ जू भागती हुई सोंग के पास आती है। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो यान का क्या होता। इस पर सोंग कहती है कि मैं उसे अपने सामने मरता नहीं देख सकती थी। फिर ये घर आते हैं तो खाना देखकर जू कहती है कि ये जरूर किन ने ही बनाया होगा। तभी यान आकर बताता है कि किन को जॉब मिल गई है। तो सोंग के पूछने पर ये बताता है कि वो आर्किटेक्ट की जॉब है, मैंने उन्हें देखा तो मुझे पता चला कि मैं उन्हें समझ सकता हूँ। फिर कुछ देर बाद सोंग अकेली बैठी होती है तो किन आकर बताता है कि जू ने मुझे सब बताया है। एक्चुअली सबके पास सब कुछ नहीं होता, कुछ लोगों के पास पैसे होते हैं और कुछ लोगों के पास लव होता है। अगर तुम उसे नहीं जाने देना चाहती तो उसे मत जाने दो। इसकी बात सुनकर ये कहती है कि आखिर तुम कैसे इंसान हो। तो ये कहता है कि अगर तुम लिन को पसंद भी करती हो तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं जाने दूंगा। मुझे जितना याद है मुझे यकीन है कि मैं जिसे पसंद करता हूँ वो तुम हो, और इतना कहकर चला जाता है। नेक्स्ट डे जू सोंग से अपने ब्रांड के लिए कुछ फोटोशूट करवाने का कहती है। इसे मना करने पर ये कहती है कि मॉडल्स बहुत महंगी हैं, अब तुम ही मेरी हेल्प कर सकती हो। फिर इसे याद आता है कि इसे तो एक मेल भी चाहिए। तभी किन खाना लेकर आ जाता है। इसे देखकर जू कहती है कि क्या तुम कुछ पैसे कमाना चाहते हो, तो ये फौरन हाँ कर देता है। ये इसे बताती है कि तुम्हें मेरी कंपनी के कुछ कपड़े ट्राई करने होंगे। अब ये इसे कपड़े ट्राई करवाती है और कहती है कि लिन तो तुम्हारे सामने कुछ नहीं है। ये कपड़े चेंज करने जाता है तो सोंग कहती है कि इसे किसी से भी कंपेयर मत करो। तो ये कहती है कि हाँ हाँ। किन वापिस आता है तो सोंग इसे जू की हेल्प करने का कहती है, तो ये हाँ कर देता है।
इस पर जूबी खुश हो जाती है। फिर इनका शूट स्टार्ट हो जाता है। फैन की वजह से सोंग को सर्दी लग रही होती है तो ये इसे फैन बंद करने का कहता है। तो जू कहती है कि फैन को डाउन कर दो और तभी कैमरामैन इन्हें क्लोज होने को कहता है तो ये झिझकते हुए नजदीक होते हैं। ये इन पर गुस्सा करता है कि तुम अलग अलग क्यों हो, एक दूसरे के लिए कुछ फीलिंग्स तो होनी चाहिए। कैमरामैन तंग आकर कहता है कि ये कपल शूट है लेकिन इनसे कुछ सही नहीं हो रहा तो ये शूटिंग रोक देते हैं। अब जू इन्हें समझाती है और किन बाहर आ जाता है। तभी इसे शी मिलता है और इसे बताता है कि ये जू की हेल्प कर रहा है तो ये इसे कहता है कि चेंज करके आओ और मेरे साथ शूट पर चलो। ये इसे जबरदस्ती ले जाता है। यहाँ पे सोंग का शूट कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ शीक इनका शूट कर लेता है और दूसरी तरफ एक लड़की आकर बताती है कि सोंग स्टूडियो में शूट करवा रही है। इसके पूछने पर ये बताती है कि कोई जू नाम की लड़की ने उसे हायर किया है और हाँ एक मेल भी है जिसका नाम किन है। तो ये सुनकर कहती है कि चाहे जितने भी पैसे लग जाए मुझे उनकी फोटोस ला कर दो, मैं ये सब लिन को भी दिखाना चाहती हूँ। दूसरी तरफ जू को फोटोस बाय करने के लिए कॉल आ जाती है। तभी किन आ जाता है और इसके पूछने पर बताता है कि मैं शी के साथ शूट में हेल्प करवा रहा था तो ये शी पर गुस्सा करती है। फिर ये इनको छोड़कर चली जाती है। यहाँ तेंग सू से कहता है कि तुम बता रही थी कि सोंग मॉडलिंग कर रही है तो ये बताती है कि जू ने उसे हायर किया है और वो किन को भी साथ लेकर गई है, मैं उनके स्नैप्स किन को दिखाना चाहती हूँ और फिर ये चली जाती है। अब ये असिस्टेंट को कहता है कि पैसा पानी की तरह बहा दो पर वो फोटोज किसी के हाथ नहीं लगनी चाहिए। यहाँ इनका शूट खत्म हो जाता है और तभी शी आकर किन से कहता है कि मैं तुम्हारा वेट कर रहा था। तो ये बताता है कि मैंने जू को बता दिया था कि मैं तुम्हारे साथ शूट करवा रहा था। इस पर शी इसे जू को बताने पर गुस्सा करने लग जाता है और कहता है कि अब मुझे माफ़ी मांगनी पड़ेगी। फिर ये किन को साथ लेकर चला जाता है। यहाँ सू को खबर मिलती है कि कोई वो स्नैप्स पहले ही बाय कर चुका है। ये सुनते ही इसे बहुत गुस्सा आता है। दूसरी तरफ ये सब फोटोज टैंक के हाथ में होती हैं। ये असिस्टेंट को देखकर कहता है कि तुम जानते हो ना कि आगे क्या करना है। नेक्स्ट डे यान खाना खा रहा होता है तभी सोंग आकर किन के बारे में पूछती है तो ये बताता है कि वो जल्दी चले गए थे लेकिन खाना बनाकर गए हैं। तो ये कहती है कि वो बहुत अच्छा इंसान है। ये सुनकर यान कहता है कि वो हैंडसम भी है, क्या मैं उसे डैडी बुला सकता हूँ। तो ये इसे कहती है कि वो तुम्हारे डैड नहीं है। यहाँ डाकर प्रिंट देखता है तो बहुत खुश होता है और कहता है कि कल तुम जॉब पर आ सकते हो। ये इसे थैंक्स करता है तो डा कहता है कि तुमने अपनी सैलरी नहीं पूछी। तो ये कहता है कि मुझे कोई ज्यादा डिमांड नहीं है। फिर किन को जाते हुए असिस्टेंट देख लेता है और हैरानी से आकर डा से पूछता है तो ये बताता है कि उसने बहुत हेल्प की है इसलिए मैंने उसे हायर कर लिया। इस पर असिस्टेंट गुस्सा करता है और कहता है कि तुम्हें ये सब करने को किसने बोला था और प्रिंट लेकर चला जाता है। ये आकर टैंक को बताता है तो ये कहता है कि उसे यहीं पर अपनी नजरों के सामने रखो और डा को बोलो कि उसका ख्याल भी रखे। नेक्स्ट सीन में यान किन को न्यू क्लोथ में देखता है तो कहता है कि आप तो बहुत हैंडसम लग रहे हो, क्या आप मेरी मॉम को प्रपोज करने वाले हो। इस पे ये कहता है कि वो दिन भी जल्दी ही आ जाएगा। तभी सोंग भी देखकर इसे हैंडसम कहती है और ये यान को स्कूल के लिए लेकर चला जाता है और सोंग देखती रह जाती है। यहाँ तेंग दा से कहता है कि तुम जूही कंपनी को क्या समझते हो। तो ये कहता है कि चाइना की सबसे बड़ी कंपनी। फिर तेंग इसे डायरेक्टर की पोजीशन का लालच देता है। ये सुनकर तो इसे यकीन ही नहीं होता। ये हाथ मिलाकर थैंक्स कहता है। इसके बाद असिस्टेंट आपको समझाता है कि इस पोजीशन के लिए तुम्हें किसी पर नजर रखनी होगी और उसकी हर मूव की खबर देनी होगी और अगर तुम नाकाम हुए तो तुम फारग कर दिए जाओगे। फिर किन का नाम सुनकर ये हैरान हो जाता है। अब किन आता है तो ये इसे बताता है कि तुम्हारे स्किल्स देखकर प्रेसिडेंट ने तुम्हें तुम्हारा ऑफिस अलग से दे दिया है। ये इसे ऑफिस दिखाकर बताता है कि यहाँ बहुत ज्यादा कंपटीशन है और तुम्हें अपने काम पर फोकस करना होगा, मैं तुम्हें टास्क दूंगा वो कंप्लीट करने होंगे। तो ये कहता है कि मैं सब कर लूंगा। अब किन शी को खाने पर इन्वाइट करता है और बोलता है कि मुझे तुम्हें थैंक्स करना था क्योंकि तुमने मुझे जिस फैक्ट्री के सामने ड्रॉप किया था वहीं से मुझे जॉब मिली है। शी खुश होकर कहता है कि वैसे तुम्हारे और सोंग के दरमियान क्या रिलेशन है, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। तो किन कहता है कि क्या उसने तुम्हें कभी कोई पर्सनल बात नहीं बताई। तो शी थोड़ा याद करके कहता है कि वैसे वो कुछ टाइम हमसे अलग रही है, इसके बाद वो जब हमसे मिली थी तो उसने हमसे कोई बात शेयर नहीं की। तो किन कहता है कि मेरी वजह से उसने पता नहीं क्या क्या सफर किया है इसलिए अब मैं सब कंपनसेट करूंगा। अब चूंकि शी ने जू से सब बातें शेयर की थी तो ये आकर सोंग को बताने लग जाती है लेकिन सोंग इसकी किसी बात में इंटरेस्ट नहीं लेती
और जब जू बोलती है कि आखिर तुम किसे लाइक करती हो, तो ये हंसी मजाक में बोल देती है कि तुम्हें। इस पर जू कहती है कि तुम बहुत बड़ी झूठी हो, तुम मुझे सच नहीं बताने वाली। तो उसी तरफ सू आकर टैंक को बिजनेस में हेल्प का लालच देकर बोलती है कि अब तुम बताओ कि तुम मेरी हेल्प कैसे कर सकते हो। तो ये कहता है कि किन मेरे अंडर काम कर रहा है, हमारी कंपनी अपने एम्प्लॉयज के साथ बहुत अच्छे से पेश आती है, वो एक काबिल आर्किटेक्ट है, मैं उसे आउट ऑफ कंट्री भेजने वाला हूँ, और अगर सॉन्ग भी उसके साथ चली जाए तो सोच लो कि तुम्हें कैसे फायदा होगा। ये सुनते ही सू खुश होकर यहाँ से चली जाती है। अब टैंक को चैन नहीं मिल रहा था क्योंकि किन की मेमोरी धीरे धीरे वापस जो आने लगी थी, इसलिए दाके ऑफिस में आकर किन के बारे में पूछता है। ये बताता है कि अभी तक हमें जो पता है उसके मुताबिक किन अपना सारा पास्ट भूल चुका है। किन को चेक करने के लिए टैंक इसके रूम में आता है और हेलो हाई करने के बाद बोलता है कि ये हमारी फर्स्ट मीटिंग है, लेकिन किन कहता है कि हॉस्पिटल में हम मिस्टर चैन के रूम में पहले भी मिल चुके हैं। फिर ये मिस्टर चैन की डेथ पर टैंक से अफसोस करता है और पूछता है कि क्या मिस्टर चैन के बाद अब आप कंपनी को टेक ओवर कर रहे हैं। तो टैंक फिर से टेस्ट करने के लिए उसे सारी स्टोरी बताता है कि मैं तो सिर्फ एक एम्प्लॉय हूँ, प्रेसिडेंट चैन का बेटा बहुत सालों पहले खो गया था, लेकिन जब भी उनकी फैमिली का कोई मेंबर सीट संभालेगा तो मैं पीछे हट जाऊंगा, तुम इस बारे में क्या कहते हो। तो किन कहता है कि मैं तो खुद एक एम्प्लॉय हूँ, मैं आपके पर्सनल मैटर्स में कैसे बोल सकता हूँ। फिर टैंक उठकर जाने लगता है तो जाता जाता बोलता है कि मैं तुम्हारी फैमिली से मिलना चाहता हूँ कि हमारी कंपनी अपने एम्प्लॉयज की प्राइवेट लाइफ को भी बेटर करने में उनकी हेल्प करती है। हॉस्पिटल में मैंने जो बच्चा देखा था क्या वो तुम्हारा था, मैं कभी टाइम निकाल कर तुम्हारी फैमिली से मिलने आऊंगा। जिस पर किन कुछ सोच कर ओके बोल देता है। बाहर आकर ये असिस्टेंट से कहता है कि इससे पहले कि वो ओल्ड गीजर इस तक पहुँचे, जल्दी से जल्दी किन के पेपर्स रेडी करवाओ ताकि इसे यहाँ से दूर भेजा जा सके। दूसरी तरफ जू सॉन्ग को याद करवाती है कि आज उनकी दोस्ती को 12 साल हो गए, इसलिए इन्हें सेलिब्रेट करना चाहिए और इसके लिए ये दोनों बाहर जाकर एंजॉय करेंगी। अब सॉन्ग शॉप आती है तो आगे इसे टैंक मिलता है जो इसे याद करवाता है कि हम हॉस्पिटल में पहले मिल चुके हैं। ये इसके साथ शॉप के अंदर आ जाता है और बोलता है कि शायद आपको स्मॉल एनिमल्स में काफी इंटरेस्ट है। तो सॉन्ग इसे बताती है कि हाँ, जब मैं बचपन में बीमार पड़ गई थी तो मेरी मॉम ने मुझे एक पपी लाकर दिया था, तब से आज तक मुझे इन एनिमल से बहुत लगाव है। फिर ये इसे कंपनी की तरफ से कुछ फंड्स की ऑफर करता है जो सुनकर सॉन्ग खुश हो जाती है और ये इसके पास बैठकर बोलता है कि तुम मेरी एक पुरानी फ्रेंड की तरह दिखती हो, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तो मैं धोखा खा गया था। सॉन्ग कहती है कि वैसे आप मुझसे मिलने क्यों आए थे, तो ये कहता है कि मैं किन के बारे में बात करने आया था, तुम उसकी फैमिली हो ना। ये सुनकर सॉन्ग क्यूरियस हो जाती है। ये जांगे के एम्प्लॉय से कहता है कि जो चाहे करो, जितना पैसा लगता है लगाओ, लेकिन हर हाल में बिन को ढूंढ निकालो, अगर वो ना मिला तो ओल्ड चैन की सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। दूसरी तरफ सॉन्ग टैंक से पूछती है कि क्या तुम्हें बिन ने बताया था कि मैं उसकी फैमिली मेम्बर हूँ। इसके हाँ कहने पर यह बताती है कि हम सिर्फ एक अपार्टमेंट में रहते हैं, हाँ वो मेरी मदद जरूर करता है, वो बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन उसकी मेमोरी जाने की वजह से हम बस उसे फैमिली जैसा माहौल देते हैं, लेकिन अब उसे जॉब मिल गई है इसलिए मैं उसे तंग नहीं करना चाहती। फिर ये इसे जान के बारे में पूछता है तो ये कहती है कि वो मेरा बेटा है और उसके फादर अब यहाँ नहीं है। टैंक फौरन चोरी करता है और चला जाता है। नेक्स्ट सीन में ये असिस्टेंट से कहता है कि यान की सारी डिटेल निकलवाओ, मुझे लगता है कि वो कुछ छुपा रही है। यहाँ सॉन्ग जाने लगती है तो किन भी आ जाता है। ये इसे बताती है कि मैं जू के साथ जा रही हूँ। तभी यान इससे कहता है कि आप इतना सारा फूड क्यों लाए हो। तो ये बताता है कि मुझे जॉब मिल गई है इसलिए मैं सबके लिए अच्छा सा खाना बनाना चाहता हूँ। इस पर यान हंसता हुआ अपनी मोम से कहता है कि अब मैं अच्छा खाना खाऊंगा लेकिन आप नहीं। ये किन से यान का ख्याल रखने का बोलकर चली जाती है। फिर यान किन से कहता है कि आप मेरी मोम के साथ क्यों नहीं गए। तो ये कहता है कि तुम्हारी मोम हार्डवर्क करती हैं इसलिए उन्हें कुछ प्राइवेसी भी चाहिए। फिर ये इसे ड्राइंग सिखाने लग जाता है। दूसरी तरफ सॉन्ग को बैठा देखकर लिन भी इसके पास आ जाता है। ये इसे कहती है कि आज हमारी फ्रेंडशिप की एनिवर्सरी है। तो ये इससे सो प्रीटी कहकर दूसरे टेबल पर बैठ जाता है। तभी इसे हाई स्कूल की एक फ्रेंड पहचान लेती है और कहती है कि मैंने सुना था कि तुम्हें लड़की ने रिजेक्ट कर दिया है, और सॉन्ग की तरफ इशारा करके कहती है कि वो लड़की जरूर तुम्हारे लिए फीलिंग्स रखती है। तो ये कहता है कि हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। तो ये इसे कहती है कि मैं तुम्हें बताऊंगी कि वो क्या सोच रही है, लेकिन पहले मुझे ड्रिंक करने के लिए इनवाइट करो। इन्हें ड्रिंक करता देखकर सॉन्ग कुछ सोचने लग जाती है और अकेली ओवर ड्रिंक करने लग जाती है। कुछ देर बाद जू भी आ जाती है
यहाँ लिनी से कहते हैं कि उसने मुझे कभी नहीं बताया कि वो मुझे पसंद करती है या नहीं, तो ये कहती है कि इस पॉइंट पर तुम्हें खुद ही समझ जाना चाहिए। तभी जू लिन को देख लेती है और इसे पास आकर कहती है कि क्या ये तुम्हारी न्यू लवर है, और लड़की से कहती है कि ये आदमी अच्छा नहीं है। तो ये कहता है कि तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। तो ये कहती है कि सोंग तुम्हारी वजह से ड्रंक हुई है और तुम कभी उसकी लाइफ में आते हो और कभी जाते हो और अब लड़कियों से फ्लर्ट भी कर रहे हो। फिर ये इसे रबैका से इंट्रोड्यूस करवाता है और बताता है कि ये स्कूल की फ्रेंड है और इसका बॉयफ्रेंड डीजे है। तुम ये सब क्या बकवास करती जा रही हो। फिर ये दोनों इसे ढूंढने चले जाते हैं। लिन को ये काफी ड्रंक मिलती है और इसे देखकर किस करने लग जाती है। फिर इसे गुजरा हुआ वक्त याद आने लगता है। नेक्स्ट डे इसे होश आता है तो ये खुद को लिन के घर पाती है। ये चुपके से जाने लगती है तो लिन जाग जाता है। फिर ये इसे घर छोड़ने आता है तो ये इसे थैंक्स करती है। यह यान किन को बताता है कि मॉम घर पर नहीं है, तो ये इसे कहता है कि उन्हें कुछ नहीं होगा, वो आ जाएंगी। तो उसी तरफ लिन सोंग का हाथ पकड़कर उसे रूम तक छोड़ने आता है। इसे देखकर किन कहता है कि तुम्हें रेस्ट कर लेनी चाहिए। ये जाने लगती है तो लिन किन से चिढ़कर सोंग को हग कर लेता है। ये दोनों ये सब देख रहे होते हैं। यह खुद को छुड़वाकर रूम में चली जाती है। यह टेंग असिस्टेंट से कहता है कि किन को एमनीजिया है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो हमेशा ऐसा रहेगा। हमें फ्यूचर के लिए कुछ प्लान करना होगा। अब जाओ और दा को बोलो कि उसके साथ अच्छा सलूक रखे ताकि उसे पता चले कि मैं उसके लिए कितना फिक्रमंद था। दूसरी तरफ किन लिन से जाने का कहता है। इस पर लिन कहता है कि ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे पास बहुत टाइम है इन दोनों की केयर करने के लिए। ये इसे दोबारा कहता है कि सोंग को रेस्ट की जरूरत है, तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं है। तो ये कहता है कि मेरे ख्याल से तुम्हारा यहाँ रहना मुनासिब नहीं। यहाँ यान खड़ा इनकी बातें सुन रहा होता है और सोंग अंदर परेशान हो रही होती है। बाहर लिन कहता है कि तुम यहाँ से कब जा रहे हो, तो किन कहता है कि इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। इस पर ये फिर से वही घिसी पिटी बात करने लग जाता है कि क्या तुम इन्हें इनका घर दे पाओगे, क्या तुम इन्हें अच्छे कपड़े दे सकते हो, पर मैं ये सब दे सकता हूँ। तो ये कहता है कि मैं जो दे सकता हूँ वो तुम्हारे पास नहीं है। इस पर लिन कहता है कि इन्हें इससे ज्यादा खुशी नहीं मिलेगी। यहाँ ये दोनों भी इनकी बातें सुन रहे होते हैं। फिर ये किन से कहता है कि तुम चाहे साथ में रहते हो पर इसका मतलब ये नहीं कि वो तुम्हें ही पसंद करेगी, तो चलो इस पर कंपटीशन करते हैं। ये कहता है कि मेरे पास इसके लिए टाइम नहीं है, मैं खाना बनाने जा रहा हूँ, क्या तुम भी खाओगे। फिर लिन कहता है कि क्या तुम जानना नहीं चाहोगे कि सोंग कल रात कहाँ थी। इस पर ये कहता है कि अगर ये ज़रूरी हुआ तो सोंग मुझे खुद ही बता देगी। एक्चुअली लिन इसे हाइपर करने की कोशिश कर रहा था, पर किन बहुत कूल और काम रहता है। इसका रवैया देखकर ये चला जाता है। इसके घर आते ही डैडी से न्यूज़पेपर देखने का कहते हैं और कहते हैं कि देखो तुम्हारी रात की करतूत की वजह से दुनिया क्या कह रही है। तो ये कहते हैं कि मैं सोंग से प्यार करता हूँ, इसमें गलत क्या है। इसमें से कुछ भी गलत नहीं, सब बातें सही लिखी है। और मैं आपको बता दूं कि पास्ट की तरह अब मैं आपका कहा मानकर नहीं चलूंगा। तो डैड हंसते हुए कहते हैं क्या तुम में इतना दम है। ये हाँ कहकर चला जाता है। यहाँ यान मोम का दिया हुआ खाना बहुत अजीब तरीके से खाता है। तभी किन आता है और इसे साथ ले जाता है। दूसरी तरफ सू तैंग से मिलने आई होती है। ये इसे किन की स्नैप देती है और बताती है काफी अरसा से कोमा में था और कोई इसके बिल्स पे कर रहा था और आई थिंक वो तुम ही हो, और मुझे सिर्फ इतना पता है कि ये उसके बच्चे का फादर है, और जबकि तुम इसे जानते हो तो प्रॉब्लम का हल भी तुम्हारे पास होगा। तो ये इसे कहता है कि मैं सब देख लूंगा। फिर ये असिस्टेंट को बताता है कि किन सोंग और लिन इन तीनों के दरमियान जो भी मामलात हैं, इन सब से मुझे फायदा होगा। इससे किन सिर्फ उसके सामने वाले पर ही फोकस करेगा। यहाँ लिन कुछ टॉयज बाय करने आता है और पेमेंट के टाइम उसका कार्ड डिक्लाइन हो जाता है। ये दूसरा कार्ड देता है तो वो भी डिक्लाइन होता है। ये सेक्रेटरी से कार्ड मांगता है तो वो बताती है कि काम के वक्त मुझे पैसे रखना अलाउ नहीं है। एक्चुअली डैड ने इसके कार्ड बंद करवा दिए थे। तभी तेंग आकर अपना कार्ड देता है और इसे जान पहचान बढ़ाने की कोशिश करता है। लिन पहले तो ये लेने से मना करता है, फिर इसके इंसिस्ट करने पर कार्ड रख लेता है। फिर बाहर आता है तो इसे पता चलता है कि इसकी गाड़ी की फैसिलिटी भी डैड ने खत्म कर दी है। तेंग कहता है कि मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ, तो लिन फौरन से मना करके जाने लगता है। इस पर तेंग इससे कहता है कि क्या तुम जानना नहीं चाहते कि यान किसका बेटा है। तो ये कहता है कि मुझे इस बात में कोई इंटरेस्ट नहीं है और चला जाता है। दूसरी तरफ शी जू से कहता है कि सोंग को कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, उसे चाहिए कि जल्दी से किन को चूज करे। तो जू कहती है कि उसकी मेमोरी नहीं है,
तुम हमारी फ्रेंड को ऐसे लड़के के साथ रहने के लिए कैसे सोच सकते हो। यहाँ लिन सोंग के घर पहुँच जाता है। ये इसके लिए कॉफी लेकर आती है और रात के इंसिडेंट के लिए सॉरी करती है। तो लिन इसके पास आकर कहता है कि तुम्हें कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। और आज फाइनली इसे अपने दिल की बात बता ही देता है कि मैं तुम्हें पहले दिन से ही लाइक करता था, बस तुमसे अपनी फीलिंग्स छुपाने के लिए मैंने सुकी को यूज किया। फिर ये इसे शादी की ऑफर करता है। तभी इसे जू की कॉल आ जाती है, जिस पर ये लोग पेट शॉप पर पहुंच जाते हैं, जहां कुछ लोग सारे पेट्स और चीजों को बाहर रख रहे थे। जो इनसे पूछती है कि तुम लोग किसके कहने पर ये सब कर रहे हो, तो सुकी आकर बोलती है कि ये स्टोर मेरा है, मैं जो चाहे मर्जी करूं। जू कहती है कि तुमने तो ये स्टोर सोंग को दे दिया था। तो ये कहती है कि हाँ दिया था, अब वापस ले लिया। इस पर सोंग कहती है कि अगर तुम मुझे लाइक नहीं करती तो ठीक है, मैं ये जॉब छोड़ देती हूँ, लेकिन इन एनिमल्स के साथ कुछ गलत मत करो। तो सू कहती है कि मुझे तुम जैसे लोगों से बहुत नफरत है, मैंने तुम्हें लिन से दूर रहने का कहा था और तुमने एग्री भी किया था, फिर तुमने मुझे धोखा क्यों दिया, सब तुम्हारी गलती है। फिर इसे बुरा बुरा सुनाकर ये चली जाती है। और सोंग पीछे से जू से रिक्वेस्ट करती है कि अभी हम इनको मेरे घर पर ले चलते हैं, फिर किसी दूसरे पेट स्टोर पर शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि मैं इनको ऐसे नहीं छोड़ सकती। इस पर जू मान जाती है। फिर सोंग इसे यान के स्कूल में होने वाली पेरेंट टीचर मीटिंग के बारे में बताती है और शी को इसे पिक करने के लिए कॉल करने चली जाती है। तो जू जल्दी से लिन को आइडिया देती है कि यान और सोंग का दिल जीतने का ये अच्छा चांस है, इसलिए तुम्हें पेरेंट टीचर मीटिंग में चले जाना चाहिए, सोंग को मैं खुद ही संभाल लूंगी। दूसरी तरफ शी आकर किन को इस मीटिंग के बारे में बताता है और इसे स्कूल जाने के लिए भेज देता है। अब लिन स्कूल आता है तो किन पहले ही यान के साथ बैठा होता है। दो फादर्स को देखकर टीचर भी कंफ्यूज हो जाती है और सब बच्चे भी हंसने लग जाते हैं, लेकिन खैर दोनों को ही बैठने का कह देती है। यहाँ ये दोनों सारे पपीज को एक नई जगह पर शिफ्ट कर देती हैं, जो कि शी ने बताई थी। काम करने की वजह से जू कहती है कि मैं तो अब बस मरने वाली हूँ। तभी सोंग कहती है कि अब मैं जॉबलेस हूँ, मैं घर का रेंट कैसे पे करूँगी। तो जू मौके का फायदा उठाकर कहती है कि अब तुम्हें बॉयफ्रेंड की जरूरत है, मुझे तो समझ नहीं आती कि तुम सिंगल क्यों रहना चाहती हो, क्या तुम थकती नहीं हो। सोंग कहती है कि मुझे तो उसमें कुछ भी मुश्किल नहीं लगता। तो जू कहती है कि फिर यान के बारे में ही सोच लो, उसे बाप की जरूरत है, तुम्हारे सामने दो दो लड़के हैं और तुम नखरे कर रही हो, अपने दिल की सुनो और जल्दी से कोई फैसला करो। इस पर सोंग स्माइल कर देती है। दूसरी तरफ मीटिंग कम्प्लीट होने पर टीचर इनका बच्चों के एक ट्रिप के बारे में बताती है, जिसकी यान ने फी पे नहीं की थी। तो यान टीचर से कहता है कि वो तो ऑप्शनल है, मैं ट्रिप पर जाऊंगा ही नहीं। इस पर दोनों फादर्स कहते हैं कि यान जरूर जाएगा। लिन टीचर को कार्ड से फी लेने का कहता है तो ये मना कर देती है, जिस पर किन की कैश काम आ जाती है और टीचर यान से कहती है कि घर जाकर ट्रिप पर जाने की तैयारी कर लेना। फिर ये दोनों बाहर आकर यान को खाने पर जाने की ऑफर करते हैं। तो यान कहता है कि मैं अंकल किन के साथ जाऊंगा, जिस पर लिन एम्बैरस होकर बोलता है कि ठीक है, वैसे भी मुझे हॉस्पिटल में काम है इसलिए मैं चलता हूँ। फिर किन से कहता है कि मैंने यान को तुम्हारे पास छोड़ा है, इसका अच्छे से ख्याल रखना। तो किन कहता है कि तुम्हें ये बताने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर लिन चला जाता है। दूसरी तरफ सू तेंग से सोंग को परेशान करने का बोलती है, जब ये अपना प्लान बताने लगता है तो ये कहती है कि मुझे तुम्हारी काबिलियत पर पूरा यकीन है और चली जाती है। फिर तेंग असिस्टेंट से कहता है कि सोंग को सिटी में कोई भी स्टेबल जॉब नहीं मिलनी चाहिए। घर पर सर्वेंट डैड से रिक्वेस्ट करता है कि आपको लिन के साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए। तो डैड कहते हैं कि मैं किसी को लाइक करना गलत नहीं समझता, लेकिन लिन के इस फैसले से दो फैमिलीज को नुकसान हो रहा है, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ेगा। यहाँ सू भीड़ से लिन को मनाने की कोशिश करती है। तो लिन कहता है कि जिस बात के लिए बुलाया है वो करो, वरना मैं जा रहा हूँ। ये उठकर जाने लगता है तो सू बता देती है कि यान किन का बेटा है। दूसरी तरफ ये दोनों बैठे खाना खा रहे होते हैं तो यान इसे बताता है कि मुझे मेरी मॉम की बहुत फिक्र है, वो बहुत हार्ड वर्क करती है, मैं चाहता हूँ कि उनका कोई हस्बैंड हो जो उनकी सब कामों में हेल्प करे। और मैं आपको सीक्रेट बात बताता हूँ, फिर इसके पास आकर बोलता है कि मैं लिन की नहीं आपकी साइड हूँ। यहाँ लिन सोंग के घर के अंदर जाने लगता है कि तभी इसे सू की बात याद आ जाती है और ये वापस चला जाता है। घर पर सोंग रेंट पे करने के लिए बहुत परेशान हो रही होती है कि तभी किन आकर इस मंथ का रेंट देता है। फिर ये इसे पूछता है कि क्या मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। ये सुनकर सोंग जल्दी से भाग जाती है। अब लिन जांग से मिलने आता है तो जांग पूछता है कि तुम्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो तुम्हारा बेटा नहीं है,
तो लिन कहता है कि किन का नाम सुनकर मेरे लिए एक्सेप्ट करना मुश्किल तो हो गया था, लेकिन मैं सब मैनेज कर लूंगा। जंग कहता है कि ये बात किन ने अभी तक सोंग को क्यों नहीं बताई, शायद इसलिए क्योंकि सोंग उसे यान के फादर की तरह ट्रीट नहीं करती। लिन कहता है कि फिर तो मेरे लिए बेटर चांस है। सोंग ग्रैंडमा को रिक्वेस्ट करती है कि इस मंथ वो लेट रेंट पे करेगी, तो ग्रैंडमा इसे बताती है कि वो तो किन ने पहले ही पे कर दिया है, इसलिए सोंग इसे कॉल करके थैंक्स करती है और बोलती है कि मैं तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगी। फिर ये इससे पूछता है कि रात को खाने में क्या खाओगी, तो ये कहती है कि कुछ भी चलेगा। तभी इसे एक जॉब की कॉल आ जाती है और ये वहाँ काम करने आ जाती है। यान को स्कूल से लेने कोई नहीं गया था, इसलिए यान टीचर के फोन से मॉम को कॉल करके लोकेशन पूछता है और फिर टीचर के साथ स्टोर में आ जाता है। कुछ देर बाद सोंग की तबीयत खराब हो जाती है। नेक्स्ट सीन में ये हॉस्पिटल में होते हैं। यान कहता है कि मेरी मॉम को क्या हुआ है, अब वो कैसी हैं? तो डॉक्टर बताता है कि बस ज्यादा टेंशन की वजह से तबीयत खराब हुई थी, मैंने इंजेक्शन दे दिया है, जल्दी ठीक हो जाएंगी। यहाँ लिन भी खड़ा होता है और यान को रोने से मना करता है। फिर ये फी पे करने के लिए चला जाता है। लिन के जाने के बाद यान इसे उठाता है और बोलता है कि क्या आप अंकल लिन को डराने के लिए एक्टिंग कर रही थी? तो सोंग कहती है कि नहीं। तो यान कहता है कि मैंने आपको आइस ब्लिंक करते हुए देख लिया था। इस पर सोंग कहती है कि तुम बहुत चालाक हो। फिर ये इसे पूछती है कि तुमने लिन को क्यों बुलाया था? तो ये कहता है कि क्या फिर अंकल किन को बुलाना चाहिए था? ये नो बोलती है। तो यान कहता है कि वो डॉक्टर हैं, इसलिए बुलाया था, लेकिन मैंने अंकल किन को भी वॉइस मेल कर दिया था। ये सुनते ही सोंग उठती है और यान को लेकर भाग जाती है। सोंग घर आती है तो किन इसकी फिक्र में कहता है कि मैं हॉस्पिटल गया था पर तुम वहाँ नहीं थी। ये इसे सॉरी बोलती है और बताती है कि मैं ठीक हूँ इसलिए घर आ गई। ये यान को होमवर्क करने के लिए भेज देता है और सोंग को एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने का कहता है। इसके इनकार करने पर ये कहता है कि तुम क्या चाहती हो, तुम्हारे पास जॉब नहीं है, क्या घर का रेंट मैं खुद से दूंगा? तुम ज्यादा सोचो मत और साइन कर दो। इस पर ये साइन कर देती है तो ये बताता है कि मैंने पैसे तुम्हारे अकाउंट में सेंड कर दिए हैं। फिर ये इसे सूप पीने का कहकर चला जाता है। ये जू के पास आकर बैठ जाती है तो ये कहती है कि क्या किन का रेंट देना तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा? तो ये कहती है कि मैंने पैसे उधार लिए हैं और वापिस भी करने हैं। फिर ये बताती है कि मैं हमेशा से लिन के साथ वन साइड लव कर रही हूँ, पर अब उसने भी मुझे प्रपोज किया है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। दूसरी तरफ शी किन को इसकी कंपनी का मॉडल बनने की ऑफर करता है तो ये कहता है कि क्या जू कम पड़ गई? हाँ पर अब वो तुम्हें नहीं चाहती। तो शी परेशान होकर कहता है कि क्या उसे कोई और बॉयफ्रेंड मिल गया? तो ये हंसता हुआ नहीं बोल देता है। फिर शी इसे कहता है कि सोंग लिन को पसंद करती है। इस पर किन कहता है कि मेरी मेमोरी में हमारा रिलेशन बहुत अच्छा है, तुम खुद बताओ कि क्या सोंग लिन के साथ खुश रहेगी? तो शी कहता है कि क्या तुम हार मान रहे हो? इस पर किन कहता है कि कभी कभी चाहने वाले पर्सन की खुशियां ज्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं, पर मुझे मेरा प्यार हमेशा याद रहेगा। नेक्स्ट डे यान कि मैं अपनी मॉम के लिए एग कप बना पाऊंगा, तो ये कहता है कि तुम अभी छोटे हो। तभी सोंग आ जाती है तो ये इसे बताता है कि मैं किन के साथ म्यूजियम गया था। फिर किन इसे खाना देता है तो ये प्यार से इसकी तरफ देखने लग जाती है। बाद में ये यान को स्कूल लेकर जाने लगता है तो ये कहती है कि मैं भी चलूंगी क्योंकि पेट शॉप तो बंद है। ये यान को मेडिसिन लेने भेज देती है और फिर किन से कहती है कि मैं तुम्हें ट्रीट देना चाहती हूँ। इस पर ये खुशी से ओके बोल देता है। इनके जाने के बाद जू सोंग को टीज करती है तो ये कहती है कि मैं क्लियरली उसे बता दूंगी कि मैं लिन को पसंद करती हूँ। इस पर ये इसे कहती है कि क्या तुम में इतनी हिम्मत है? दूसरी तरफ किन तैंग से मिलता है। दाई से बताता है कि बॉस तुम्हें आउट ऑफ कंट्री भेजना चाहते हैं। इसके पूछने पर टैंग बताता है कि तुम्हारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है और तुम्हारी एबिलिटी देखकर लगता है कि तुम अच्छे से सब संभाल सकती हो, इसलिए कंपनी ने तय किया है कि तुम बाहर जाओगे और कंपनी तुम्हारा और तुम्हारी फैमिली के अखराजात उठाएगी जिससे तुम बिना परेशानी के काम कर सकोगे। ये इनसे पूछता है कि मुझे कितने टाइम वहाँ रहना होगा तो दा 3 साल का कहता है। ये सुनकर इसे शी की हुई बात याद आ जाती है। फिर ये कहता है कि मुझे थोड़ा टाइम चाहिए ताकि मैं अपने मामला सॉर्ट आउट कर सकूं। इस पर टैंग कहता है कि तुम सोंग से बात करो और सोचो, मुझे यकीन है कि तुम्हारा करियर बहुत अच्छा होगा। यहाँ इन दोनों की बहस हो रही होती है। जू कहती है कि सोंग किन को ये बताना चाहती है कि वो लिन को पसंद करती है। कि तभी सोंग भी आ जाती है। ये कोई इसकी बात पर यकीन नहीं होता। दूसरी तरफ जांग लिन से कहता है कि तुम कुछ भी करने से पहले इसका अंजाम नहीं सोचते, तुम्हारी वजह से सुअर तुम्हारी फैमिली का रिलेशन खत्म हो जाएगा।
क्या तुम समझ रहे हो? तो ये कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और चला जाता है। यहाँ ये दोनों सोंग को फोर्स कर रहे होते हैं कि हमें भी साथ लेकर जाओ, तो ये कहती है कि मैं अभी अफोर्ड नहीं कर सकती। तो शी बताता है कि जू ने लिन को बुलाया है, उसकी वजह से सोंग को गुस्सा आ जाता है। दूसरी तरफ लिन किसी को पैसे देता है और जांग से पूछता है कि क्या अब यह घर मेरा हुआ। जांग के हाँ करने पर यह कहता है कि अब मैं उसे किक मारकर बाहर निकालूंगा। यहाँ सोंग कहती है कि अगर तुम लोग आ रहे हो तो मैं नहीं खाऊंगी, तो ये लोग जबरदस्ती इसे साथ ले जाते हैं। यहाँ रेस्टोरेंट में ये तीनों बैठे इनका वेट कर रहे होते हैं, तभी ये भी आ जाते हैं। पीसु अकेले में लिन से कहती है कि तुम्हें हर हाल में सोंग को मनाना होगा, और दूसरी तरफ ये किन से कहती है कि तुम लिन से हार नहीं सकते। लर और जांग से कहता है कि किन के मिलने तक हमें बोर्ड मीटिंग रोक कर रखनी होगी, तो ये कहते हैं कि हम जितना लेट होंगे वो उतना स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। यहाँ टैंक असिस्टेंट से किन को जल्द से जल्द बाहर भेजने का कहता है और यहाँ सब खाना खाने लग जाते हैं, और लिन को खाना ना खाते हुए देखकर सोंग बिल पे करने का कहती है। तभी जूट कर कहती है कि अगर सोंग लिन के साथ नहीं रहेगी तो मैं शी के साथ नहीं रहूंगी, और फिर शी भी सेम बात करता है, तो ये सब इनकी तरफ देखने लग जाते हैं। तभी यान कहता है कि अच्छा तो आज तुम दोनों का ब्रेकअप मील है। यहाँ मीटिंग के बाद टैंग और जांग से हाथ मिलाता है, तो ये हाथ मिलाए बिना कहता है कि आखिर तुमने कंपनी को अपने अंडर कर ही लिया। तो ये कहता है कि मैं समझ सकता हूँ, पर अभी ज्यादा लोग मुझे ही वोट कर रहे हैं। जूही को संभालने के लिए मैं चाहता हूँ कि आप भी मुझे सपोर्ट करें। तो ये गुस्से से कहते हैं कि तुम अपनी बकवास मेरे सामने मत करो। ये कहता है कि शायद आप समझे नहीं, अब यहाँ मैं बॉस हूँ। दूसरी तरफ सोंग कहती है कि अगर तुम दोनों मेरी वजह से दोस्ती तोड़ोगे तो मैं फ्यूचर में तुम लोगों को फेस कैसे कर पाऊंगी। फिर ये लिन से कहती है कि क्या तुम मुझे कुछ और टाइम दे सकते हो। फिर ये किन से कहती है कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तुम यान का भी ख्याल रखते हो, पर तुम जिसे प्यार करते हो वो मैं नहीं हूँ। तभी सूबी आ जाती है और सोंग को धकेल कर कहती है कि तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो। लिन इसे रोकता है और ये कहती है कि आखिर क्या है तुम में जो ये दोनों तुम्हारे पीछे लगे हैं। ये इतना कहकर चली जाती है। फिर ये घर आते हैं तो ये कहती है कि अगर सू ने फिर से कुछ कर दिया तो लिन कहता है कि जो मर्जी हो जाए मैं तुम्हारे साथ हूँ। इनके जाने के बाद लिन किन से कहता है कि प्लीज इसका ख्याल रखना, तो ये बताता है 3 दिन में सोंग की बर्थडे है। यहाँ तैंग सू से कहता है अगर तुम ऐसे ही बखेड़ा करती रहोगी तो मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूँगा। दूसरी तरफ लिन घर आता है तो डैड कहते हैं कि पैसे के बिना सब कैसा चल रहा है, तो ये कहता है कि आप परेशान ना हो। इस पर ये कहते हैं कि तुम भूलो मत, तुम अभी भी लिन फैमिली के मेंबर हो, तुम जो करते फिरते हो लोग इसे देखते हैं। तो ये सेम कहता है कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं पैसे खुद कमा सकता हूँ, आपने मेरे कार्ड बंद किए हैं, लेकिन मैं फिर से स्टैंड हो सकता हूँ। इस पर डैड कहते हैं कि मैंने सुना है कि अभी तक तुम्हारे पास अपना घर नहीं है, तो ये कहते हैं कि क्या आप मुझ पर नजर रख रहे हैं। तो ये कहते हैं कि लव और मैरिज सेम नहीं होते, और जब तुम उन लोगों को खिलाते खिलाते थक जाओगे तो खुद ही समझ जाओगे। डैड लिन को पैसे वापस करने का कहते हैं और इसे डांटते हुए बोलते हैं कि मैं तुम्हें लिन फैमिली पर दाग नहीं लगाने दूंगा। ये कहकर डैड चले जाते हैं। यहाँ सोंग किन से सॉरी कहती है, तो ये कहता है कि हमें पता होना चाहिए कि हम क्या चाहते हैं, शायद इससे जिंदगी आसान हो जाए। इस पर सोंग कहती है कि क्या तुम जानते हो कि तुम्हें क्या चाहिए, तो ये बात बदलकर इसे कहता है कि 2 दिन में तुम्हारी बर्थडे है, इसके बारे में तुम्हारे क्या प्लान्स हैं। दूसरी तरफ लिन सू से पूछता है कि आखिर तुम क्या चाहती हो, तो ये कहती है कि अभी हमें गलतफहमी दूर करनी चाहिए, मैं और कुछ नहीं चाहती। ये इसे कीज देती है और चली जाती है। नेक्स्ट डे लिन टैंक को कार्ड वापिस करता है और इसे इसका काम पूछता है, तो ये बताता है कि जूही कंपनी के प्रेसिडेंट गुजर गए हैं, अब सब मामलात मैं देख रहा हूँ। फिर लिन किन के बारे में पूछता है, तो ये कहता है कि वो बहुत मेहनती है, मैं उसे अब्रॉड भेजना चाहता हूँ। ये सुनकर लिन चला जाता है। यहाँ टैंक ने मौका देखकर अपनी चाल चल दी है। यहाँ किन आकर दा को कहता है कि मैं अफ्रीका जाकर काम करना चाहता हूँ। ये सुनते ही दा बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि 1 मंथ में तुम्हें भेज दिया जाएगा। दूसरी तरफ टैंक को बताता है और कहता है कि अगर सोंग ने जाने से मना कर दिया तो क्या होगा। तो टैंक कहता है कि सोंग के जाने या ना जाने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वहाँ शी को ये बात पता चलती है तो वो परेशान हो जाता है और कहता है कि क्या सोंग जानती है, तो किन नो में जवाब देता है और कहता है कि मैं सोंग के लिए कुछ मुश्किल नहीं चाहता और मुझे लगता है कि वो लिन के साथ हैप्पी रहेगी।
यह सुनकर शी कहता है कि तुम आसानी से हार कैसे मान सकते हो, और कहता है कि मेरे और लिन के लड़ाई से सोंग खुश नहीं रह पाएगी और तुम किसी को नहीं बताओगे क्योंकि सोंग को बर्थडे में हेल्प करना चाहता हूँ। दूसरी तरफ लिन रिंग्स देख रहा होता है। यहाँ सोंग एनिमल्स को लेकर बहुत परेशान होती है कि तभी लिन आ जाता है और इसे शॉप की कीज देता है। अब सू टैंग से पूछती है कि आखिर तुम किसकी हेल्प कर रहे हो, तो ये कहता है कि मैंने उसे जॉब दी है और अब उसे अब्रॉड भेज रहा हूँ और सोंग भी साथ जाएगी, अब तुम्हें और क्या परेशानी है। ये कहती है कि तुमने शॉप बाय करने के लिए लिन की मदद क्यों की, तो ये कहता है कि वो भी फ्रेंड है। फिर ये कहती है कि क्या किन ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, तो ये बताता है कि जल्द ही हो जाएगा। ये सोंग का पूछती है तो ये कहते हैं कि तुमने लास्ट टाइम जो रवैया किया था अब तो वो पक्का जाएगी। यहाँ लिन इन दोनों को शॉप पर ले आता है। शॉप देखकर सोंग हैरान हो जाती है, तो ये कहते हैं कि ये तुम्हारा बर्थडे प्रेजेंट है। तभी सोंग पेट शॉप लेने से इनकार कर देती है और सीधा सू के पास आ जाती है। सू इसे देखकर सॉरी करती है, तो ये इसे पेट शॉप के लिए थैंक्स करती है। एक्चुअली सू जानबूझकर ये सब कर रही थी। सोंग शॉप लेने से इनकार करती है, तो ये कहती है कि अब ये तुम्हारा और लिन का मामला है, और ये कहकर सू चली जाती है। अब जू इसे कहती है कि अब तो लिन और सू का रिलेशन भी नहीं है और लिन तुम्हारी तरफ है, तुम तो उसे लाइक भी करती हो ना, और तुम्हारे डॉग को भी तो घर चाहिए। ये हाँ करती है, तो इस पर ये कहती है कि जब सब सही है तो इनकार करने के लिए कोई वजह नहीं है। अब सोंग कहती है कि ये सब बहुत अनोइंग है। नेक्स्ट डे जू शॉप पर देखती है कि शी ने शॉप को बहुत अच्छे से डेकोरेट किया है, तो ये इसे कहती है कि सोंग पहले ही लिन के लिए मान चुकी है, तुम्हें इतनी मेहनत की जरूरत क्या थी। इस पर ये यान से पूछता है कि तुम लिन और किन में से किसे पसंद करते हो, तो ये कहते हैं कि ऑफ कोर्स किन को। तो उसी तरफ लिन बैठा सोंग का वेट कर रहा होता है, और यहाँ किन घर में डेकोरेशन देखकर हैरान हो जाता है। तो उसी तरफ वेटर लिन को बताता है कि आपका गेस्ट आ गया है। ये देखता है तो जू होती है। यहाँ घर पर डोर बेल होती है, तो किन जल्दी से डोर ओपन करता है, तो शी आया हुआ होता है। दूसरी तरफ लिन सोंग का पूछता है, तो ये कहती है कि खाना खाते खाते बात करती हैं। यहाँ शी से बताता है कि सोंग आज घर नहीं आएगी, तो ये आईनो बोलता है। इस पर ये कहता है कि साल में और भी बहुत सारे दिन आते हैं, तो तुमने ये दिन ही क्यों चुना। तो ये कहता है कि मैं जाने से पहले सोंग का बर्थडे मनाना चाहता था, लेकिन इस सबसे अलग सोंग यान के साथ रेस्टोरेंट में बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है। यहाँ जू खाना खाने लग जाती है, तो लिन कहता है कि ये खाओ फिर मेरा भी खाना खा लेना, और अगर कम पड़ गया तो और भी ऑर्डर कर लेना। ये से कहती है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि सोंग आज क्यों नहीं आई, तुमने और किन ने ये सब कंपटीशन में बदल दिया है। सोंग बहुत जेंटल पर्सन है, तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो। दूसरी तरफ टैंग सू से पूछता है कि क्या लिन वाकई में सोंग को पसंद करता है, तो ये बताती है कि शॉप वाला हादसा अचानक हुआ था, इसलिए सोंग के रवैये से लिन को ये सब लव लगता है। ये सुनकर टैंग कहता है कि लिन एक प्ले बॉय है, और अगर ये सोंग को पता चल जाए तो क्या वो तब भी इसका साथ देगी। इस पर सू कहती है कि तुम ये चाहते हो कि सोंग को लगे कि लिन सिर्फ इसके साथ खेल रहा है। यहाँ शी किन से पूछता है कि तुम सोंग को पसंद करते हो या नहीं, तो ये हाँ कहता है। कुछ देर बाद सोंग और यान घर आते हैं और डेकोरेशन देखकर बहुत हैरान होते हैं। तभी ये आगे आते हैं तो ये सोए हुए होते हैं। सोंग ये देखकर यान को कहती है कि इन्हें सोया रहने दो। ये सब देखकर सोंग सोचने लग जाती है। नेक्स्ट डे यान अपनी मॉम को न्यूज़पेपर देता है और बताता है कि इसमें बड़ी खबर आई है। तभी किन आकर इन्हें खाने के लिए बुलाता है। सोंग आकर इससे कहती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हें मैगजीन का भी शौक है, तो ये बताता है कि ये सब शी के हैं और जल्दी से इन्हें उठा देता है। नेक्स्ट सीन में शी जू को आकर लिन के बारे में न्यूज़ का बताता है, जिसमें बताया गया था कि लिन प्ले बॉय है। ये देखकर जू कहती है कि ये सब बकवास है। ये लड़ने लगते हैं कि जू की नज़र सोंग पर पड़ जाती है। दूसरी तरफ लिन एक लड़की के साथ बैठा होता है और कहता है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहेंगे, तो ये कहती है कि तुम्हारी वजह से मैं बहुत सी मैगजीन्स के लिए काम कर चुकी हूँ, इसके लिए तुम्हारा थैंक्स। सू भी ये सब देख रही होती है। तभी किन इसके पास आता है और कहता है कि तुम मुझे क्यों ढूंढ रही थी, तो ये कहती है कि कुछ खास नहीं, बस बात करना चाहती थी। ये जाने लगता है तो ये इसे रोककर लिन की न्यूज़ दिखाती है और कहती है कि ये उसका नया शिकार है।
यह सिर्फ फीलिंग्स के साथ खेलता है और मैं नहीं चाहती कि सॉन्ग के साथ कुछ ऐसा हो। ये कहता है कि क्या तुम फोटो बनाने वाले से मिली हो, तो ये कहती है कि ऐसी न्यूज़ आती रहती हैं और मैं भी सॉन्ग को बताऊंगी कि लीन कैसा इंसान है। ये सुनकर किन कहता है कि मुझे ज़रूरी काम है और ये कहकर चला जाता है। फिर ये मैगजीन लीन के डैड को भिजवाती है। ये सब देख कर डैड भी परेशान हो जाते हैं। फिर सू आकर कहती है कि पहले लिन सिर्फ सॉन्ग के पीछे था, अब ये एक्ट्रेस भी आ गई, पता नहीं आप कैसे डील करेंगे। उसका ये रवैया लिन फैमिली के लिए अच्छा नहीं है। इस पर डैड कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि फोटोज किसने लीक की हैं। ये कुछ कहने लगती है तो ये इसे टोक कर कहते हैं, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, मैं जानता हूँ कि तुम लिन को पसंद करती हो, पर सब लड़कियाँ ऐसी नहीं होती। इस पर ये कहती है कि क्या मैं अभी भी उससे शादी कर सकती हूँ, तो डैड कहते हैं कि ये तुम पर डिपेंड करता है कि मैं लिन के लव को डीवैल्यू नहीं करता, मे बी वो लड़की बहुत अच्छी हो, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि वो इस घर की बहू बन जाएगी। तो सुखी कहती है कि मतलब मेरे लिए अभी भी चांस है। इस पर डैड कहते हैं कि ये तो अब तुम पर डिपेंड करता है कि तुम लिन को तुम्हारी तरफ यूटर्न कैसे दिलवाती हो। एक होप लिए सुखी खुश होकर यहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ ये लोग लिन को एक एक्ट्रेस के साथ देखकर बहुत क्यूरियस हो जाते हैं, इसलिए जू असलियत जानने के लिए लिन की जासूसी करने का फैसला करती है। अब ये लोग भेस बदल कर लिन का वेट करने लग जाते हैं। जब लिन और ये लड़की इस होटल के अंदर चले जाते हैं तो ये दोनों भी इनका पीछा करने लगते हैं, लेकिन आगे जाकर एक आदमी इनको देख लेता है और आकर लिन को बताता है। लिन इनके पास आकर देखता है तो हैरान होकर बोलता है कि तुम ऐसा भेस बनाकर क्यों घूम रहे हो। फिर जू की शक को समझते हुए ये इस एक्ट्रेस को इनसे इंट्रोड्यूस करवाता है, लेकिन जू अभी भी गुस्से में होती है। अब बाहर आकर ये दोनों सोचने लग जाते हैं कि आखिर इन दोनों में चल क्या रहा है। जू कहती है कि कहीं लिन सॉन्ग से धोखा तो नहीं कर रहा, तो शी कहता है कि वो ऐसा क्यों करेगा, लेकिन सवाल पैदा ये होता है कि अगर इन दोनों के बीच कोई रिलेशन नहीं है तो लिन इस एक्ट्रेस से क्यों मिल रहा है, क्या हॉस्पिटल के लिए फ़ोटोशूट करवाना है। जी कहते हैं कि हमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए, तो जू कहती है कि फिर सॉन्ग का क्या होगा। शी कहता है कि उसके पास किन भी तो है। किन का नाम सुनकर ये चिढ़ जाती है और फिर बोलती है कि कहीं लिन अपने लिए गुड से गुड लुकिंग तो नहीं ढूंढ रहा। फिर इसे लिन पर बहुत गुस्सा आता है और ये बोलती है कि मैं जाकर सब सॉन्ग को बताऊंगी। घर पर सॉन्ग मैगजीन पर लिन और सिनसिन के बारे में देख रही होती है कि तभी चुपके चुपके जू यहाँ आ जाती है और सॉन्ग को डरा देती है और मैगजीन के बारे में पूछती है, तो सॉन्ग कहती है कि मैं तो बस ऐसे ही पढ़ने लग गई थी। फिर ये इससे कहती है कि क्या अब तुम इग्नोर होकर बुरा फील कर रही हो। जू इससे बहुत टटोलने की कोशिश करती है, लेकिन सॉन्ग इसके मतलब का जवाब नहीं देती। फिर भी जू बाज नहीं आती और कहती है कि मैं और शी तुम्हें इस एक्ट्रेस से भी ज़्यादा अट्रैक्टिव कर देंगे, तो सॉन्ग कहती है कि रहने दो, मुझे किसी चेंज की ज़रूरत नहीं है। फिर ये दोनों एक दूसरे को मजाक करके हंसने लग जाती हैं। नेक्स्ट सीन में किन सॉन्ग को खाना खाने का कहता है तो ये फ़ौरन से बैठ जाती है। फिर ये इसे एक लेटर देता है जो किसी ने भेजा था। सॉन्ग इसे खोल कर देखती है तो ये एक थिएटर की टिकट होती है और VIP सीट नंबर भी मिलता है। ये थिएटर आ जाती है और अपनी सीट पर बैठ जाती है। फिर परफॉर्मेंस स्टार्ट हो जाती है तो ये वही लड़की होती है जो लिन के साथ आजकल घूम फिर रही थी। ये एक लव स्टोरी पर परफॉर्म करती है जो कि तकरीबन लिन और सॉन्ग की स्टोरी की तरह ही थी। दूसरी तरफ शी किन के पास आता है और गुस्से में बोलता है कि तुम सॉन्ग के साथ क्यों नहीं गए, तो किन कहता है कि उसकी भी एक प्राइवेट लाइफ है इसलिए उसे स्पेस मिलनी चाहिए। तो शी कहता है कि तुम्हारे लिए बहुत अच्छा मौका था, क्या तुम सॉन्ग से प्यार नहीं करते। तो किन कहता है कि लव की वजह से मैं उसे प्रेशराइज तो नहीं कर सकता, अगर उसे उसका प्यार मिल रहा है तो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। ये सुनकर तो शी इसका फैन ही हो जाता है और कहता है कि तुम्हारा प्यार जरूर कामयाब होगा। यहाँ लिन भी अचानक से स्टेज पर आ जाता है जिसे देख कर सॉन्ग शॉक हो जाती है। फिर ये एज अ लवर अपने सारे डायलॉग्स बोलता है जिन्हें ये एंड पर सॉन्ग को डेडिकेट कर देता है और लाइट्स भी सॉन्ग पर आ जाती हैं और सब तालियां बजाने लग जाते हैं। अब यहाँ किन भी पहुँच जाता है तो इसे एक लड़की से पता चलता है कि यहाँ लिन ने एक शो प्रोड्यूस करवाया था। फिर ये दोनों घर आते हैं तो लिन जाते हुए सॉन्ग को हक करके बोलता है कि क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी, तो ये भी इसे हक कर लेती है और ये सारा सीन किन भी देख रहा था।
फिर घर आकर ये किन से कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो किन इसकी बात समझ जाता है और बोलता है कि जब मैंने हॉस्पिटल में आंख खोली थी तो मेरी मेमोरी में सिर्फ तुम थी, और जब मैंने तुम्हें देखा तो मैंने सोचा कि कुदरत मुझ पर कितनी मेहरबान है। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं तुम पर बोझ नहीं बनूंगा। मैं तुम्हें हमेशा इस बात पर कन्विंस करने की कोशिश करता रहा कि हम एक अच्छे रिलेशन में रह चुके हैं, लेकिन अब ये चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है कि मैं कौन था और तुम कौन हो, लेकिन मैं इतना बता दूं कि मैं यहाँ हमेशा रहूँगा। दूसरी तरफ सुखी तंग से कहती है कि अब सच बोल दो कि तुम मेरी मदद करना ही नहीं चाहते थे। लिन की कार्ड और सारी फैसिलिटी तो मैंने बंद करवाई ताकि वो सॉन्ग को फैसिलिटेट ना कर सके, तुमने क्या किया? फिर गुस्सा करके जाने लगती है तो कहती है कि ये मत समझना कि अगर तुम किन को बाहर भेज दोगे तो तुम रिलैक्स हो जाओगे, क्योंकि मैं उसे इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगी। और ये इसे ऐसे शो करवाती है कि इसे तैंग की सारी करतूतों का पता है। सुखी की बातें सुनकर तैंग बहुत परेशान हो जाता है। अगली सुबह ये किचन में आती है तो इसे यहाँ ब्रेकफास्ट और किन का लेटर मिलता है, जिसे पढ़कर ये परेशान हो जाती है। तभी इसके घर जुआ जाती है और इसकी परेशानी की वजह पूछती है, तो सोंग इसे रात की सारी बातें बताती है और ये भी कहती है कि मैं किन को हर्ट नहीं करना चाहती। कुछ देर बाद यान स्कूल जाने के लिए रेडी होकर आता है तो इसका मूड काफी ऑफ होता है। सोंग इससे इसकी वजह पूछती है तो ये कहता है कि अंकल किन ने बोला था कि मुझे अच्छे से पढ़ना है, लेकिन आज टीचर हमें म्यूजियम लेकर जा रही है। ये सुनकर जू कहती है कि तुम कब से स्टडी करने लगे? तो यान कहता है कि मैं तुम्हारी तरह अनपढ़ नहीं रहना चाहता। ये सुनकर सोंग हंसने लग जाती है। ये बाहर आते हैं तो इनको रिपोर्टर्स घेर लेते हैं। तभी यान की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और ये इसे हॉस्पिटल लेकर आ जाते हैं। यहाँ यान की सर्जरी स्टार्ट हो जाती है क्योंकि इसे गैस का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया था। लिन और किन भी हॉस्पिटल में आए होते हैं। फिर सोंग लिन को बिल पे करने का कहती है तो किन कहता है कि मैं यान के लिए कुछ फ्रूट्स लेकर आता हूँ। कुछ देर के बाद इन दोनों का आमना सामना हो जाता है तो लिन किन को सोंग की लाइफ से बाहर निकलने को कहता है, लेकिन किन इसके बातों पर ध्यान नहीं देता और चला जाता है। दूसरी तरफ हमें सुखी की मोम दिखाई जाती है जो कि अभी अभी किसी कंट्री से वापस आई थी। रूम में सुखी अपने और लिन की पिक्चर को उठाकर नीचे फेंकती है कि तभी मोम यहाँ आ जाती है और पिक उठाती है। सुखी रोते हुए मोम से कहती है कि सोंग ने सब खराब कर दिया और अब वो शादी भी करने वाले हैं। इंटरनेट पर सब उसे सपोर्ट कर रहे हैं और मुझे बुली किया जा रहा है। तो मोम कहती है कि रोने धोने से कुछ नहीं होगा, अगर कुछ हासिल करना हो तो उसे अपनी पावर से करना चाहिए। फिर हमें यान दिखाया जाता है। सोंग इससे पूछती है कि अब कैसा फील कर रहे हो? तो ये बोलता है कि मैं ठीक हूँ। फिर ये किन के बारे में पूछता है कि तभी बाहर किन भी आ जाता है। ये मोम से पूछता है कि आप किससे शादी करेंगी? तो ये लिन का नाम लेती है। ये सब किन भी खड़ा सुन रहा होता है। तभी ये अंदर आकर फ्रूट्स देता है तो यान इसे थैंक्स करता है। कुछ देर बाद लिन आता है और इसे अपने साथ लेकर चला जाता है। बाहर आकर लिन कहता है कि मैं सोंग और यान को तुमसे दूर कर दूंगा, तो ये ओके कहकर चुप हो जाता है। ये इसे कहता है कि क्या पता तुम्हारी मेमोरी फेक हो। तो ये कहता है कि हो सकता है कि गलत हो, लेकिन इमोशंस गलत नहीं होते। लिन इसे कहता है कि मैं सोंग का अच्छे से ख्याल रखूंगा। ये सुनकर किन चला जाता है और आकर यान के पास बैठ जाता है। तो यान कहता है कि क्या आप मेरी मोम को छोड़ दोगे? तो ये पूछता है कि क्या तुम अपनी मोम को खुश देखना नहीं चाहते? तो ये हाँ कहता है। इस पर किन कहता है कि मैं भी यही चाहता हूँ, पर जब तुम बड़े हो जाओगे तो सब समझ जाओगे। ये सब कुछ ये दोनों भी सुन रही होती हैं। दूसरी तरफ ओल्ड जांग लिन के डैड से मिलने आता है और इनसे कहता है कि क्या मेरा काम हो गया? तो ये इसे एक वीडियो टेप देते हैं। यहाँ असिस्टेंट तैंग को बताता है कि हॉस्पिटल में कैमराज नहीं है। ये इसे कहता है कि किन के स्टॉक्स हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है, जाकर उसे डील करो। यहाँ लिन घर आता है तो डैड कहते हैं कि मैंने एग्रीमेंट बना दिया है, जब वक़्त आएगा तुम्हें सब पता चल जाएगा। फिर ये बताता है कि सोंग मेरे साथ रहने में एग्री है, मैं उन्हें अपने साथ इस घर में रखना चाहता हूँ। इस पर डैड गुस्सा करते हैं कि तुमने अभी शादी नहीं की और इकट्ठे रहना चाहते हो। इनका बिहेव देखकर ये कहता है कि जानता था कि आप नहीं मानेंगे, मैं रेंट पर घर ले लूँगा
और लिन फैमिली से ताल्लुक ही ख़त्म कर दूंगा। ये सुनकर डैड कहते हैं कि मैं मेरे बेटे की गर्लफ्रेंड को घर लाने की इजाज़त देता हूँ पर उसके बेटे को नहीं। मैं तो सोचता था कि मेरा बेटा बहुत समझदार है, पर तुम तो मतलब ही निकले। तुम कहीं और जाकर फैमिली बनाओ और निकल जाओ इस घर से। यहाँ सू की मोम जांग से मिलने आ जाती है और कहती है कि मैंने सुना है कि आजकल तुम्हारे और टैंक के दरमियान कुछ सही नहीं चल रहा। तो जांग कहता है कि चैन के जाने के बाद वो खुद को यहाँ का बॉस समझता है। फिर ये कहती है कि ओल्डिन की बर्थडे है और मुझे कोई अच्छा सा गिफ्ट नहीं मिल रहा। तो ये कहता है कि उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, आप बिना गिफ्ट दिए भी जा सकती हैं। दूसरी तरफ सोंग लिन को बताने लगती है कि यान किसका बेटा है। तो ये कहते हैं कि वो किसी का भी बच्चा हो लेकिन वो तुम्हारा बच्चा है और मेरे लिए यही काफी है। ये कहकर लिन चला जाता है। नेक्स्ट सीन में ओल्ड जांग टैंक के पास आता है और इसे वही वीडियो टेप देकर कहता है कि ये चैन के मरने से पहले की वीडियो है, इसे अच्छे से देख लो। इनके जाते ही टैंक सोच में पड़ जाता है। दूसरी तरफ लिन की असिस्टेंट आकर सोंग से कहती है कि जल्दी से रेडी हो जाओ, लिन आपसे मिलना चाहती है। यहाँ सूकी मोम टैंक से मिलकर कहती है कि मैं जूई के हर मैटर में हर तरह की मदद करूंगी, पर उसके रिटर्न में मेरी बेटी को जो चाहिए वो उसे मिल जाना चाहिए, और अगर ऐसा ना हुआ तो इसका मतलब है कि जूई गलत हाथों में है। इस पर येन की मदद करने के लिए मान जाता है। नेक्स्ट सीन में लिन यान से पूछता है कि क्या तुम किन को पसंद करते हो। इस पर ये हाँ बोल देता है और बताता है कि जब कोई दूसरे पर्सन को लाइक करता है तो वो उसे अच्छे से ट्रीट करता है, और मैं जानता हूँ कि मोम आपके साथ रहना चाहती हैं और मोम की खुशी में मैं भी खुश हूँ। ये सब किन भी सुन लेता है। यहाँ सोंग लिन के डैड से मिलने आ जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग लिन डैड के पास आकर कहता है कि आपने सोंग को क्यों बुलाया था। तो ये कहते हैं कि मुझे आज भी तुम्हारी फिक्र है। तो ये कहता है कि मैं बता चुका हूँ कि सोंग अच्छी लड़की है। ये कहते हैं कि अगर वो अच्छी है तो तुम अपने ही घर में अजनबी बनकर क्यों घूमते हो। ये जवाब दिए बिना ही चला जाता है और डैड से बुलाते रह जाती हैं। फिर असिस्टेंट इन्हें फाइल देती है जो मनी रिक्वेस्ट होती है। ये वजह पूछते हैं तो ये कहती है कि हॉस्पिटल के लिए इक्विपमेंट्स चाहिए। डैड को शक हो जाता है और ये कहते हैं कि क्या ये फाइल लिन ने बनाई है। तो ये हाँ कर देती है। इस पर रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं किया जाता। तभी एक एम्प्लॉय आकर बताता है कि हमें 50 लाख डॉलर का डोनेशन आया है। फिर ये सूखी मोम के पास आते हैं तो ये बताती है कि अभी मैंने सिर्फ छोटी सी इन्वेस्टमेंट की है और अगर काम सही रहा तो मैं आने वाले वक्त में टॉप इन्वेस्टर बन जाऊंगी। इस पर ये कहते हैं कि फिर तो मुझे फ्यूचर पार्टनर को इन्वाइट करना चाहिए। ये जाने लगते हैं तो ये कहती है कि मैं सू फैमिली की नाक नहीं कटवाना चाहती। तो ये कहते हैं कि मैं अपना बेस्ट दूंगा। यहाँ टैंग लिन से कहता है कि सोंग के लिए तुम्हारे डैड आसानी से नहीं मानेंगे। तो ये कहता है कि वो सोंग को पसंद नहीं करते, ये उनका प्रॉब्लम है, मैं सोंग को हैप्पी रखना चाहता हूँ। तो ये कहता है कि बच्चा तुम्हारा नहीं है, क्या इससे तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये नहीं में जवाब देता है। फिर ये इसे DNA रिपोर्ट देकर कहता है कि वो बच्चा किन का है, क्या अब भी तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ ये दोनों लड़ रहे होते हैं, शी कंट्री छोड़ने की बात कर रहा होता है कि तभी सोंग आकर पूछ लेती है कि जू के मना करने के बाद भी शी से किन का बता देता है कि वो जा रहा है। यहाँ सू को कोई एक एनवलप देता है, ये उसे चेक करती है और देखने के बाद कॉल पर किसी से कहती है कि एक डॉक्यूमेंट मिस है। तो वह कहता है कि पेमेंट कर दो, वो भी मिल जाएगा। ये उसे कहती है कि इस डील का टैंक को पता नहीं लगना चाहिए और नेक्स्ट पैकेज किन को भिजवाना है। दूसरी तरफ किन भी डॉक्यूमेंट पर साइन कर देता है। ये देखकर टैंक किसी को अफ्रीका की टिकट करवाने का बोल देता है। फिर ये पेट शॉप पर आता है तो जू बताती है कि वो बर्थडे पार्टी पर गई है। यहाँ लिन सोंग को ले जाने के लिए आता है और फिर ये सोंग को अपनी आंटी से मिलवाता है। नेक्स्ट सीन में लिन और सोंग भी पार्टी में पहुंच जाते हैं। सोंग डैड से हेलो करती है तो ये बिना जवाब दिए इन्हें अंदर जाने का कहते हैं। इनका बिहेव देखकर सोंग सैड हो जाती है। तभी वहाँ सू और उसकी मोम भी आ जाते हैं। इन्हें देखकर लिन कहता है कि आपने इन्हें क्यों इनवाइट किया है। इस पर डैड कहते हैं कि आज मेरी बर्थडे है तो ये मेरी मर्जी है। ये सुनते ही लिन सोंग को लेकर चला जाता है। फिर सू डैड को बर्थडे गिफ्ट देती है जिसे देखकर ये बहुत खुश होते हैं।
फिर पार्टी में लिन सूखी मोंग के आने के लिए थैंक्स करता है। तो ये कहती है कि मुझे तो आना ही था, आखिर मैं तुम्हारे डैड को बहुत लंबे अरसे से जानती हूँ। तभी सू सोंग को कॉन्ग्रेट्स करती है और कहती है कि तुम्हें जो चाहिए था वो तुम्हें मिल गया है, और लिन मुझे नहीं पता था कि इतने सालों बाद भी तुम्हारा टेस्ट इतना गिरा हुआ होगा। ये सुनकर लिन को गुस्सा आ जाता है तो ये कहता है कि मुझे खुद को बदलने की जरूरत नहीं है। तभी मॉम लिन को कॉन्ग्रेट्स करती है और लिन सोंग को ड्रिंक देता है। फिर ये टोस्ट करने लगते हैं तो सू जानबूझकर इस पर ड्रिंक गिरा देती है। यहाँ घर पर किन यान को खाना बनाकर देता है। दूसरी तरफ टैंग भी पार्टी में आया होता है। लिन इसे किन के बारे में पूछता है कि वो चला गया या नहीं, तो ये नहीं में जवाब देता है। ये सुनकर लिन चला जाता है। नेक्स्ट सीन में सू की मॉम सोंग को बताती है कि मैंने जो भी किया वो अपनी बेटी के लिए किया, और फिर ये इसे चेंज करने के लिए एक ड्रेस देती है। कुछ देर के बाद सू की मॉम शोर मचा देती है कि मेरी रिंग गुम गई है, मुझे कहीं भी नहीं मिल रही। तब ये सुनकर इकट्ठे होने लग जाते हैं। फिर लिन के पूछने पर ये बताती है कि वो मेरी वेडिंग रिंग थी। तभी सोंग भी आ जाती है और इसे देखकर मॉम कहती है कि क्या तुमने मेरी रिंग देखी है। एक्चुअली ये दोनों माँ बेटी अब सोंग को बदनाम करने के चक्कर में है। ये कहती है कि मैं नहीं जानती। दूसरी तरफ किन को भी मेंशन के बाहर गार्ड्स अंदर नहीं आने देते। फिर डैड आकर कहते हैं कि हम कैमरा चेक करेंगे। उसी वक्त लिन की आंटी आकर रिंग दिखाकर कहती हैं कि कहीं ये तो नहीं। फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि सोंग को ड्रेस देने के बाद मॉम ने खुद रिंग सोंग के बैग में डाली थी और ये सब आंटी ने देख लिया था। मॉम का प्लान खराब होने पर इनका मुंह भी शर्मिंदगी से भर जाता है और उल्टा आंटी को टीस करते हुए कहती है कि क्या तुम अभी भी उसी मैजिशियन के साथ रहती हो, और आंटी जो कि इनके हकीकत जानती है। इस पर आंटी हाँ कहती है और ये भी कहती है कि उसका टैलेंट आपके आगे कुछ नहीं है। आज मेरे भाई की बर्थडे है और मैं कोई बखेड़ा नहीं चाहती। इस पर मॉम कहती है कि मैं कुछ समझी नहीं। तभी डैड कहते हैं कि अगर रिंग मिल गई है तो मामला यहीं ख़त्म करो। तभी लिन को पता चलता है कि किन आया है। दूसरी तरफ डैड अपना खानदानी कंगन सू को देते हैं तो सू बहुत खुश हो जाती है। डैड की ये हरकत देखकर लिन आंटी से उनका कंगन लेकर आता है। तभी किन भी वहां आ जाता है। लिन अनाउंस करता है कि कंगन एक नहीं दो थे और फिर ये सोंग को प्रपोज कर देता है। ये सब हैरान हो जाते हैं और ये सब देख कर किन घर आ जाता है। यहाँ लिन डैड से कहता है कि आपने वो कंगन सू को क्यों दिया, तो ये कहते हैं कि जल्द ही सब तुम्हारा हो जाएगा और इसके लिए तुम्हें जिम्मेदार होना पड़ेगा। यहाँ सू के जिद करने पर मोमी से थप्पड़ मार देती हैं। कुछ देर के बाद लिन और आंटी इनके घर आ जाते हैं। डैड कहते हैं कि तुम्हें पता है कि सू गलत है, फिर भी तुम उसे शहजादी की तरह ट्रीट क्यों कर रही हो। तभी मोम मेड को बुलाकर कहती है कि आइंदा सू मेरी इजाजत के बिना बाहर नहीं जाएगी। ये कहकर ये डैड से कहती है कि अब ठीक है। दूसरी तरफ लिन किन को कहता है कि तुम जानते हो कि सोंग ने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है, तो किन इसे ब्लेसिंग देता है और कहता है कि मेरे और तुम्हारे दरमियान कभी कोई कंपटीशन नहीं था, क्योंकि सोंग हमेशा से तुम्हें लाइक करती थी, उसका ख्याल रखना। तभी लिन इसे डीएनए रिपोर्ट देता है तो ये देखकर कहता है कि मैं जानता हूँ। ये इसे पूछता है कि क्या तुम्हें यान नहीं चाहिए, तो ये हंसते हुए कहता है कि वो अपनी माँ के साथ खुश है। एक्चुअली सब पता होने के बावजूद किन सोंग की खुशी के लिए कुर्बानी दे रहा था। ये सुनकर लिन कहता है कि कभी कभी मैं तुम्हें समझ नहीं पाता कि तुम कैसे इंसान हो, और फिर कहता है कि क्या तुम अब्रोड जा रहे हो, तो ये कहता है कि नहीं, लेकिन घबराओ मत, मैं बहुत जल्दी दूर चला जाऊंगा। नेक्स्ट से टैंग आकर किन से पूछता है कि क्या तुम चलने के लिए तैयार हो, तो ये सॉरी करता है और कहता है कि मे बी मैं अफ्रीका नहीं जा पाऊंगा। मैं जानता हूँ कि इससे आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए मैं सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार हूँ। ये इसे रेजिग्नेशन लेटर देता है। इस पर टैंक के तोते उड़ जाते हैं। कुछ देर बाद लिन टैंक से मिलने आता है और कहता है कि मैंने सुना है कि डैड ने तुम्हें हॉस्पिटल के लिए न्यू प्रिंट्स बनाने का कहा है। ये हाँ में जवाब देता है तो ये कहता है कि ये काम किन से करवाया जाए। ये सुनकर टैंग उससे कहता है कि किन ने क्विट कर दिया है। नेक्स्ट सीन में ये सब मिलकर खाना खाने जाते हैं और बाद में लिन बताता है कि मैं और सोंग वेकेशन पर जा रहे हैं और तब तक यान तुम्हारे साथ रहेगा, मेरे हॉस्पिटल के न्यू प्रिंट्स का काम देगा और मैं चाहता हूँ कि तुम भी सिटी में ही रहो। तभी इसे कॉल आती है और ये सोंग को लेकर सू से मिलने आ जाता है। ये इसे देखकर हैरान होती है
और पूछती है कि तुम हमेशा लिन के पीछे ही क्यों पड़ी रही, क्या तुम रोजाना उसके साथ चिपके रहने का सोचती रहती हो, और फिर आखिर तुमने उससे मुझसे छीन ही लिया। इस पर लिन कहता है कि जिस काम के लिए बुलाया है वो बोलो। ये कहती है कि तुम मुझे बार बार हर्ट कैसे कर सकती हो, और सोंग को पकड़कर गुस्सा करती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। लिन इसे दूर हटाता है तो ये कहती है कि मैंने कुछ नहीं छीना। ये कहती है कि इसने तुम्हें अंधा करके रखा है, और फिर सोंग को पकड़कर कहती है कि मुझे लिन वापिस दो। लिन इसे फिर से अलग करता है तो ये पानी में गिर जाती है। ये देखते ही इसे जल्दी से बचाता है और हॉस्पिटल लेकर आ जाता है, और तभी मोम आते ही सोंग को थप्पड़ मार देती है और कहती है कि इसकी हिम्मत कैसे हुई, और धमकी देती है कि अगर सुख को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हारी जिंदगी जहन्नम बना दूंगी। तभी ओल्डिन आकर इसे रोकता है तो ये कहती है कि तुम आते ही मुझ पर बरस पड़े हो, तो ये लिन को डांटती है। तभी लिन की तबीयत भी बिगड़ जाती है। फिर लिन को होश आने पर इन दोनों को इकट्ठा देख कर डैड को तसल्ली होती है। यहाँ टैंक का पारा बहुत हाई हो जाता है कि किन एब्रॉड नहीं जाना चाहता और जांग हम पर नजर रखे हुए है। ऐसा ही रहा तो एक ना एक दिन वो किन को ढूंढ लेगा। नेक्स्ट डे किन जाने लगता है तो सोंग इसे बताती है कि मैं और लिन वेकेशन पर जा रहे हैं, और जू चाहती है कि जाने से पहले सब मिलकर डिनर करें। फिर रात में चारों इकट्ठे हो जाते हैं और केक देखकर किन पूछता है कि आज किसकी बर्थडे है, तो सोंग कहती है कि तुम्हें तुम्हारा बर्थडे याद नहीं है, तो आज से तुम्हारा बर्थडे का दिन यही है। ये सुनकर किन बहुत खुश हो जाता है। नेक्स्ट डे टैंक किन से कहता है कि तुमने अफ्रीका जाने का चांस गवा दिया, क्या तुम जानते हो कि कुछ लोगों को ये मौका सारी जिंदगी नहीं मिलता। ये कहता है कि मैं आपका शुक्रगुजार हूँ और मैं हॉस्पिटल के प्रोजेक्ट पर काम करूँगा। फिर ये असिस्टेंट से कहता है कि इसे सारी जिंदगी चलने के काबिल नहीं छोड़ना, तुम्हारा काम जानते हो ना, तो ये कहता है कि मैं समझ गया। दूसरी तरफ लिन एक रिपोर्ट देख रहा होता है जिसमें लिखा होता है कि लिन का कैंसर अब लास्ट स्टेज पर है। ये देखकर लिन बहुत उदास हो जाता है और शायद इसीलिए सोंग के साथ आखिरी लम्हे गुजारना चाहता है। फिर ये रिंग को देखने लग जाता है जो सोंग के लिए बाय की थी। दूसरी तरफ लिन के डैड यान के स्कूल में आते हैं और यान की जहानत को देखकर बहुत इम्प्रेस होते हैं। डैड स्कूल से बाहर आते हैं तो आंटी इनकी पिक्चर ले लेती है और ये लिन को सेंड कर देती है। ये सू के पास बैठा होता है, इसे कहती है कि क्या तुम्हें एयरपोर्ट नहीं जाना, तो ये कहता है कि मैं यही तुम्हारे साथ रहूंगा। ये सुनते ही ये गुस्सा करती है और कहती है कि तुम वेकेशन पर जाओ, मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं। यहाँ सोंग वेट करते करते इसे कॉल करती है तो ये अटेंड नहीं करता और सू से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। वहाँ सोंग बहुत परेशान हो रही होती है और ये यहाँ इसकी खिदमत कर रहा होता है। सोंग इसे फिर से कॉल करके कहती है कि अगर तुम ना आए तो हम लेट हो जाएंगे। अब लिन को कैंसर है और इसी वजह से वो कुछ और ही सोच में गुम है। ये इसे ब्रेकअप करने का कह देता है और बताता है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। ये सुनकर सोंग के होश उड़ जाते हैं। ये कहता है कि मेरे डैड का कहना सही था, तुम मेरी फैमिली के काबिल ही नहीं हो, मैं सू से प्यार करता हूँ। ये सब सुनने के बाद सोंग रोने लग जाती है। तभी किन एयरपोर्ट पर खड़ा सोंग को कॉल करता है तो इसे रिंग की आवाज़ सुनाई देती है। ये मुड़ के देखता है तो सोंग बैठी रो रही होती है। फिर ये इसे घर ले आता है। इसकी ये हालत देखकर जू और किन दोनों बहुत सैड हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में किन आकर लिन को मारता है और कहता है कि तुमने उसे हर्ट कैसे किया, अगर तुम उसका ख्याल नहीं रख सकते तो उसकी जिंदगी से दफा हो जाओ। फिर जू किन से अपने किए पर सॉरी करती है तो ये कहता है कि तुम सोंग के लिए अच्छा ही करने की कोशिश कर रही थी। कुछ देर के बाद सोंग हॉस्पिटल जाकर लिन का पूछती है जहाँ इसे पता चलता है कि इसकी 2 वीक में शादी होने वाली है। यहाँ लिन आकर टैंक को कहता है कि मैं तुम्हें और ज्यादा पैसे दूंगा ताकि डिजाइनर और पैसे कमा सके। एक्चुअली अब ये चाहता है कि किन अच्छी रकम बना ले ताकि वो सोंग को खुश रख सके। टैंक कहता है कि मैं खुद उसे पैसे दे दूंगा तो ये कहता है कि वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट सीन में सुई से ब्रेसलेट देती है और इसके पहनने पर बहुत खुश होती है। यहाँ किन सोंग को लेने आता है। ये कहता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो। ये बताती है कि मैं अपना सामान लेने आई थी लेकिन हर चीज़ वापस नहीं मिलती। ये कहकर सोंग चली जाती है और किन खड़ा इसकी हालत देखता रहता है।
ये इसे घर लेकर आता है तो जुके पूछने पर ये कहती है कि मैं सब भुलाकर नई लाइफ स्टार्ट करूंगी, पर अभी अकेली रहना चाहती हूँ। यहाँ सू लिन को कॉफी लाकर देती है और कहती है कि तुमने मेरे बारे में सोचना कब शुरू किया। तो ये कहता है कि बहुत कुछ चेंज हो गया है। तो ये कहती है कि एक चीज नहीं बदली और वो मेरा प्यार है। तभी लिन इसे फोरहेड पर किस करता है तो ये इमोशनल हो जाती है। दूसरी तरफ सोंग लिन का दिया हुआ ब्रेसलेट देखती है और कुछ सोचने के बाद इसे अपने साथ ले जाती है। कुछ देर के बाद किन को एक नोट मिलता है जिसमें लिखा था कि तुमने मेरी बहुत हेल्प की है, इसके लिए तुम्हारा थैंक्स, पर आई थिंक ये मेरी प्रॉब्लम्स हैं और मुझे ही इसे फेस करना चाहिए, तुम्हारे साथ का बहुत शुक्रिया। तभी जू आती है और ये इसे कहता है कि मैं सोंग को ढूंढने जा रहा हूँ। ये आकर आंटी को ब्रेसलेट वापस करती है और कहती है कि लिन फैमिली से बिलोंग करता है और मैं खुश हूँ कि आप मेरी सिस की तरह हो, मैं ये नहीं रख सकती, आपको लिन को बताने की जरूरत भी नहीं है। दूसरी तरफ लिन डैड के लिए खाना बनाता है और ये बहुत खुश होते हैं। डैड आंटी के पूछने पर बताते हैं कि इसने पहली बार मेरे लिए खाना बनाया है। तो ये कहती है कि क्या उसे आपसे कुछ और चाहिए। ये लिन भी सुन लेता है और इग्नोर करके कहता है कि क्या मैं आपके लिए खाना नहीं बना सकता। ये आंटी को भी इसका फेवरेट खाना बनाकर देता है। ये इन दोनों को बहुत अच्छे से ट्रीट करता है, पर ये सब देखकर आंटी को यकीन नहीं होता और लिन से कहती है कि सही बताओ तुम्हारे माइंड में क्या चल रहा है। तो डैडी से खाने का कहते हैं। आंटी टेस्ट करके कहती है कि तुम्हें हमारे लिए रोज़ खाना बनाना चाहिए। फिर ये बताती है कि मैंने आज सोंग को देखा तो ये कहता है कि उसका मुझसे कोई रिलेशन नहीं है। आंटी को शक हो जाता है कि कुछ तो हुआ है जो लिन छुपा रहा है। ये इसे कहती है कि क्या तुम मुझे कुछ नहीं बताओगे, तो ये बात टाल देता है। यहाँ किन सोंग का पीछा करते करते हॉस्पिटल आ जाता है और इसे लिन देख लेता है। तभी इसे पहली मुलाकात याद आ जाती है और ये बिना कुछ कहे बाहर आ जाती है और फिर ये कॉलेज जाती है और वहाँ भी इसे पुरानी यादें आती हैं। दूसरी तरफ लिन जांग को उसकी फी देता है जो 4 मिलियन होती है। ये देखकर जांग हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या ब्रेकअप के बदले तुमने सोंग को भी पैसे दिए। ये इतनी ज़्यादा रकम लेने से इनकार करता है तो ये कहता है कि और प्रॉब्लम्स में तुम्हारे काम आएंगे। यहाँ किन सोंग को कॉफ़ी लाकर देता है। ये इसे कहता है कि मैं लिन से मिला था, तो ये कहती है कि सबका अपना अपना फैसला है। कुछ देर के बाद ये KTV की जगह पर यान और इन दोनों से मिलती है और डांटती है कि अभी ये बहुत छोटा है। तभी शी कहता है कि तुम दोनों सारा दिन कहाँ थे। फिर ये सब साथ में बैठकर सॉन्ग सुनते हैं और दूसरी तरफ सू और लिन भी इसी होटल में होते हैं। फिर यान किन से पूछता है कि क्या आप मोम को अभी भी लाइक करते हैं। तभी शी आ जाता है तो ये इसे वापस चलने का कहता है। यहाँ लिन खड़ा सॉन्ग की स्नैप देख रहा होता है कि तभी सॉन्ग भी आ जाती है। ये नज़र चुराकर जाने लगता है तो ये कहती है कि क्या तुम मुझसे कुछ कहोगे नहीं, तुम एयरपोर्ट क्यों नहीं आए। इस पर ये कहता है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। इतना कहकर ये जाने लगता है कि तभी यहाँ सू भी आ जाती है। सोंग इसे देखकर कहती है कि तुमने जो भी दिया उसका थैंक्स। फिर लिन के सामने सू का हाथ थाम लेता है। ये सब देखकर सोंग चली जाती है। फिर किन इसे एक जगह लेकर आता है। ये वजह पूछती है तो ये किसी को कॉल पर स्टार्ट करने का कहता है और तभी फायरवर्क स्टार्ट हो जाते हैं और ये कहता है कि तुमने एक बार बताया था कि तुमको ये देखना बहुत पसंद है। और ये दोनों खड़े होकर देखने लग जाते हैं और सॉन्ग स्माइल करती है। दूसरी तरफ लिन और सू भी ये देख रहे होते हैं और फिर ये दोनों हक कर लेते हैं। नेक्स्ट डे यान मोम को बताता है कि किन घर जोड़ कर चला गया है तो ये कहती है कि वो काम पर गए होंगे। तभी इसे याद आता है कि रात को किन ने कहा था कि मैंने सोचा था कि अगर तुम्हें उससे खुशी मिलती है तो मुझे पीछे हट जाना चाहिए और मैंने तुम्हें कभी मेरे साथ रहने के लिए फोर्स नहीं किया, पर आज से मैं तुम्हें हर हाल में प्रोटेक्ट करूंगा। अगर कल को तुम्हारा सब कुछ छीन भी जाए तो याद रखना तब भी मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। ये सुनकर सोंग थैंक्स करती है और ये दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। फिर ये यान को स्कूल भेजती है तो इसे एक नोट मिलता है जिसमें लिखा हुआ था कि मैं तुम्हें साथ लेकर जाना चाहता हूँ और इसलिए मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। इसमें एक टिकट भी होता है। दूसरी तरफ किन से पूछता है कि आखिर मामला क्या है। इस पर ये कहता है कि तुम्हें दिख तो रहा है कि
कि मैं सूख को पसंद करता हूँ। इस पर यह कहता है कि तुम सोंग को फेस टू फेस एक्सप्लेन क्यों नहीं कर रहे, तुम सोंग को खुद से हेट करने पर क्यों मजबूर कर रहे हो। तो ये कहता है कि मुझे दूसरों की नफरत की कोई परवाह नहीं, पर अभी के लिए सबसे जरूरी काम यही है कि तुम हॉस्पिटल के डिजाइन बनाओ, इसमें तुम्हारे और सोंग के लिए बहुत बड़ा बोनस है। इस पर किन को सोचने लग जाता है। फिर ये शी को बताता है कि उसने कुछ नहीं बताया, आई थिंक वो किसी बड़ी प्रॉब्लम में है। तो शी कहता है कि तुम सोंग को लेकर चले क्यों नहीं जाते। तो ये कहता है कि मैं उसे फोर्स नहीं कर सकता, मैं उसे कुछ स्पेस दे रहा हूँ। मेलिन पेट शॉप के बाहर खड़ा होता है और इसे किन की बातें याद आ रही होती हैं। इस पर ये वापस चला जाता है। यहाँ जू सोंग से पूछती है कि क्या तुम किन के साथ जाओगी। तो ये कहती है कि मुझे जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। इस पर जू कहती है कि अगर तुम उसे डेट नहीं करना चाहती तो उससे शादी कर लो। तो ये कहती है कि मैं थोड़ी देर अगर यहाँ रुकी तो पागल हो जाऊंगी। कुछ देर के बाद इसे टेक्स्ट आता है कि मैं तुम्हारे साथ लास्ट मील खाना चाहता हूँ, फिर हम कभी नहीं मिलेंगे। जू देखते ही गुस्से से कहती है कि इसे रिजेक्ट कर दो और पूछती है कि किन के साथ जाने का क्या टाइम है। ये बताती है कि 11 बजे। ये सुनते ही ये कहती है कि लास्ट टाइम तुमने गलत चूज किया था, लेकिन इस बार सही चूज करना। इस पर सोंग कहती है कि मैं अगर लिन से नहीं भी मिलती तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं किन को चूज कर लूंगी, पर वो दोनों एक दूसरे के लिए सूटेबल हैं। जू के जाने के बाद आंटी शॉप पर आती है और बताती है कि मैं अमेरिका वापस जा रही हूँ, और फिर इसे ब्रेसलेट देकर कहती है कि मुझे लिन की फिक्र है, तुम मुझसे एज अ फ्रेंड मिलने जाओ, वो मुझे कुछ नहीं बता रहा। दूसरी तरफ किन इसका एयरपोर्ट पर वेट कर रहा होता है। ये टिकट हाथ में लिए किन की बातें सोच रही होती है। फिर ये पैकिंग करती है और जाने लगती है तो बाहर इसे लिन के डैड रोक लेते हैं। ये इसे सॉरी करते हैं और फिर इससे कहते हैं कि मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। ये इसे लिन के बदले हुए बिहेव का बताते हैं। ये सब सुनकर ये कहती है कि शायद वो सू से दोबारा मिलने पर चेंज हो गया है, इस पर आपको तो खुश होना चाहिए। इस पर ये भी इसे लिन से मिलने का कहते हैं और बताते हैं कि मुझे वो खुश नहीं लग रहा। फिर ये लिन को कॉल करती है तो वो कहते हैं कि एक्चुअली मुझे मेरी आंटी का ब्रेसलेट वापस चाहिए, मैं वो सू को देना चाहता हूँ, इससे वो और ज्यादा खुश हो जाएगी। ये सब सुनकर ये और ज्यादा हर्ट हो जाती है। फिर कुछ देर के बाद एक लेडी आकर लिन को ब्रेसलेट देती है और बताती है कि ये किसी ने आपको देने को कहा था। ये फौरन बाहर आकर सोंग को ढूंढता है पर इसे वो कहीं नहीं दिखती। यहाँ किन की नजरें सोंग को ढूंढ रही होती हैं। फिर ये आकर रूम्स कैंसिल करने का कहता है, तभी सोंग आ जाती है। ये इसे सॉरी कहती है और किन्नी से देखकर खुश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में एक लड़की इसे बताती है कि मैं स्टूडेंट हूँ और मेरे पास पैसे नहीं है। इस पर किन्नी से सब फ्लावर्स बाय कर लेता है। सोंग सब बाय करने की वजह पूछती है तो ये कहता है कि उसे स्कूल की फी देने के लिए पैसों की जरूरत थी, और फिर ये सब फ्लावर्स सोंग को दे देता है जिस पर ये खुश हो जाती है। यहाँ जुआशी यान को लेकर इनके पीछे आ जाती है। दूसरी तरफ सोंग किन से पूछती है कि क्या तुमने मेरे लिए रूम बुक किया है, अब जबकि एक रूम पहले से ही कैंसिल हो चुका था। तो ये इसे बता देता है कि मुझे लगा कि तुम नहीं आओगी, इसलिए मैंने एक रूम कैंसिल कर दिया। अब ये दोनों एक ही रूम में आ जाते हैं। यहाँ सोंग फ्लावर को स्मेल करती है तो इसकी नजरें किन पर पड़ती हैं और इसे इसकी बातें याद आने लग जाती हैं। दूसरी तरफ जू इन्हें देखने की कोशिश कर रही होती है। कुछ देर के बाद किन को ये सोई हुई दिखती है तो ये इसकी पेंटिंग करने लग जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जू और शी हग करके सोए होते हैं। इसकी आंख खुलती है और शी को देखते ही शोर मचाने लग जाती है और ये दोनों भी डर जाते हैं और ये दोनों फिर से लड़ने लग जाते हैं। दूसरी तरफ ही उठती है तो इसे अपनी पेंटिंग मिलती है जिसे देखकर ये किन को देखने लग जाती है। फिर ये दोनों फिशिंग पर आए होते हैं। सोंग का एनवायरनमेंट काफी अच्छा लगता है और ये इसे थैंक्स कहती है। यहाँ ये छुपकर इन दोनों को देख रहे होते हैं। सोंग कहती है कि अगर फिश ना भी पकड़ी गई तो कोई बात नहीं। इस पर ये कहता है कि अगर फिश ना मिली तो डिनर में क्या खाएंगे। ये सुनते ही ये शॉक हो जाती है और किन हंसते हुए कहता है कि मैं किडिंग कर रहा था, और इसे देखकर सोंग भी हंसने लग जाती है। तभी जू और शी की लड़ाई में यान को धक्का लग जाता है और ये गिर जाता है जिससे इसकी ऊंची आवाज निकलती है। ये आवाज किन और सोंग भी सुन लेते हैं और जब ये देखते हैं तो ये तीनों खड़े होते हैं। इन्हें यहाँ देखकर सोंग यान को लेकर इन पर गुस्सा करती है और फिर किन यान को अपने साथ फिशिंग पर ले जाता है। नेक्स्ट सीन में यान खेलते हुए अपनी मोम का बैग गिरा देता है, किन इसे उठाता है। तभी वॉयलेट में इसकी नजर एक स्नैप पर पड़ती है। इसे देखते ही ये कहते हैं कि दोनों सेम कैसे हैं। तो ये बताती है कि ये मेरी ओल्ड सिस्टर है।
जो मेरी ट्विन थी। तो ये हैरान होकर कहता है कि तुम्हारी सिस्टर भी थी। फिर ये बताती है कि जब मैं 7 साल की थी तो हमारे पेरेंट्स का डाइवोर्स हो गया था, तो ये डैड के साथ चली गई थी और इसके बाद हमने एक दूसरे को कभी नहीं देखा। ये यान के साथ चली जाती है कि तभी किन को स्नैप के पीछे इनके अलग अलग नाम भी दिख जाते हैं। दूसरी तरफ टैंक के हाथ एक फाइल होती है जिसमें इन दोनों बहनों की डिटेल होती है और असिस्टेंट इसे बताता है कि आफ्टर डाइवोर्स एक मोम के साथ तो दूसरी डैड के साथ चली गई थी। ये सब देख कर टैंक अपना सर पकड़ कर बैठ जाता है। तभी हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें किन को लूक के साथ दिखाते हैं। किन इसे घर छोड़कर मीटिंग के लिए चला जाता है कि तभी टैंग आता है। ये लूक को पकड़ता है तो वो इसे थप्पड़ मार देती है और कहती है कि आइंदा दिखना मत वरना मैं सब बिन को बता दूंगी। दूसरी तरफ सॉन्ग वापस आती है तो किन भी अपना सर पकड़कर बैठा होता है। फिर ये सब मिलकर खाना खाने लग जाते हैं और फिर से जू वही काम करने लग जाती है। ये किन को उकसाती है ताकि वो सॉन्ग से अपनी फीलिंग शेयर कर सके, तो ये शर्म के मारे कुछ ज्यादा बात ही नहीं कर पाता। तभी ये तीनों मिलकर इसे फोर्स करने लग जाते हैं तो सॉन्ग बात पलट देती है और ये सब खाना खाने लग जाते हैं। पर फिर ये घर वापस आ जाते हैं। ये किन को ट्रिप के लिए थैंक्स कहती है तो ये कहते हैं कि जिंदगी में और भी बहुत सारी अच्छी चीजें हैं ट्राई करने के लिए। दूसरी तरफ सूल इनको कॉल करती है तो ये बताता है कि मैं वॉक के लिए आया था, कुछ ही देर में तुम्हें मिलता हूँ। ये कहती है कि क्या तुम सॉन्ग से मिलने गए हो, तो ये सॉरी कहकर बताता है कि मैं बस उसे देखना चाहता था। ये सुनकर सू सैड हो जाती है। दूसरी तरफ किन को कुछ न्यू विजन्स आते हैं। तभी शी आकर पूछता है कि तुम इतने अनहैप्पी क्यों बैठे हो, तो ये बताता है कि मुझे कुछ याद तो आया है पर सब क्लियर नहीं है। तो ये इसे कहता है कि तुम्हें इस वक्त सॉन्ग और यान का ख्याल रखना चाहिए, इसलिए पास्ट को ज्यादा मत सोचो। ये कहता है कि मैं उनका अच्छे से ख्याल रखूंगा। नेक्स्ट डे जू किन को न्यूज़पेपर दिखाती है। तभी दूसरी तरफ टैंग भी न्यूज़पेपर लाकर जांग को दिखाता है कि अब इसका क्या मतलब है, तुम्हें ये पोस्ट करने की इजाजत किसने दी। इस पेपर में लिखा होता है ये बेस्ट डिजाइनिंग कॉम्पिटिशन में जीतने वाले को 3 मिलियन मिलेंगे। एक्चुअली किन को फाइंड करने के लिए ये जांग की एक चाल थी और टैंग को ये समझ आने पर वो बहुत परेशान हो जाता है। जांग कहता है कि मेरे पास ये सब करने के लिए सारे राइट्स हैं, अब जूही को न्यू टैलेंट की ज़रूरत है। अब ये कहते हैं कि मैं बिजी हूँ, तुम दफा हो जाओ। टैंग गुस्से से चला जाता है। अब यही न्यूज़ जू ने किन को भी दिखा दी है। ये कहता है कि लाजिम नहीं है कि मैं ये जीत जाऊँगा और सॉन्ग पैसे की भूखी नहीं है। यहाँ लिन टैंग से कहता है कि तुमने जो वादा किया था वो अभी तक पूरा नहीं किया, तो ये असिस्टेंट से कहता है कि दा से बोलो कि वो डायरेक्ट किन को दे दे। ये सुनकर लिन इसका थैंक्स करता है और चला जाता है। फिर ये आकर किन से कहता है कि तुमने कंपटीशन का सुना होगा, मैं चाहता हूँ कि तुम उसे छोड़कर इसे प्रोजेक्ट पर फोकस करो, मैं तुम्हें 3 मिलियन से ज़्यादा पैसे दूंगा। इस पर ये कहता है कि मुझे कंपटीशन में दिलचस्पी नहीं है। ये सुनकर तो टैंग खुशी के मारे फूल जाता है। तभी ये इसे कहता है कि अपने गोल के लिए हार्डवर्क करो। ये सुनकर किन को विजन्स आते हैं जहाँ इसे टैंग ने धक्का दिया था, लेकिन अपने दोस्त के साथ बैठा होता है, इसकी जॉब चली गई थी। ये बताता है कि मैं अपनी वाइफ से बात करके घर को सेल कर दूंगा और फिर हम उसके होम टाउन शिफ्ट हो जाएंगे। ये जाने लगता है तो किन्नी से कहता है कि मेरे पास एक प्लान है। दूसरी तरफ लिन अपने डैड को टी देता है जिस पर ये बहुत खुश होते हैं। फिर ये बताता है कि मैं और सुई यूरोप जा रहे हैं, तो ये कहते हैं कि क्या तुम पहली बार दू जा रहे हो। तभी नौकर आकर बताता है कि सू आई है। ये जाने लगता है तो मुड़कर रोते हुए अपने डैड को देखता है। यहाँ किन्नी से इस कंपटीशन का बताता है तो ये कहता है कि ऐसे बड़े कंपटीशन में कंपनी के आदमी इन्वॉल्व होते हैं, मैं कभी नहीं जीत पाऊंगा। इस पर ये कहता है कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तभी इसे सॉन्ग की कॉल आती है और ये बताती है कि आज रात सबका डिनर है, तो ये कहता है कि ठीक है खाना मैं बनाऊंगा, तो इस पर सॉन्ग बना कर देती है। ये अपने दोस्त को भी साथ चलने का कहता है। यहाँ जांग एक लड़के से कहता है कि तुम नजर रखना, क्या पता ये टैलेंट जूही के काम आ जाए। दूसरी तरफ सॉन्ग फिर से किन की कही हुई बातें सोच रही होती है और यहाँ सूलिन के लिए दूध लेकर आती है और इसकी खामोशी देखकर पूछती है कि क्या तुम सॉन्ग के अबाउट सोच रहे हो। ये कहता है कि जो भी हुआ वो सब पास था और मुझे सोचने की जरूरत नहीं है। फिर किन अपने दोस्त के साथ घर आता है तो टेबल पर वेजिटेबल्स देख कर इसका दोस्त बहाना बनाकर भाग जाता है और सॉन्ग एम्बैरस हो जाती है।
या वेजिटेबल्स देखता है तो ये कहती है कि ये सब जू ने किया है और ये भी बहाना बनाकर भाग जाती है। कुछ देर के बाद ये वापस आती है तो किन इतना सारा खाना बनाने पर थैंक्स करता है। खाना खाने के बाद ये सोंग को कॉफी देता है, फिर ये कहती है कि मेरा खाना तुम्हारे बनाए खाने के आगे कुछ नहीं था। तो ये कहता है कि वो अच्छा था, मैं तो सब खा गया। इस बात पर ये दोनों हंसने लग जाते हैं। तो उसी तरफ सू कहती है कि तुम्हारे साथ होना मुझे ये सब ड्रीम लग रहा है जो मुझे डरा रहा है। ये कहता है कि मैं सारी जिंदगी तुम्हारे साथ रहूंगा। ये सुनते ही सुई से हक कर लेती है। यहाँ सोंग किन से पूछती है कि तुम मुझे पसंद क्यों करते हो, तो ये कहता है कि तुमने मुझे फैमिली का माहौल दिया, मैं खुश था, पर तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने के बाद मैंने काइंड ब्रेव और ब्यूटीफुल सोंग को देखा। तुमने अपनी मुश्किलात का सामना खुद किया, इसलिए मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। इस पर यह कहती है कि मैं इतनी ग्रेट नहीं हूँ, यान को भी मेरे साथ सब फेस करना पड़ा है, अगर मेरी सिस्टर होती तो ऐसा ना होता। ये कहता है कि वो कहाँ है, तो ये बताती है कि वो जिंदा नहीं है, जब से हम अलग हुए हैं हमने एक दूसरे को नहीं देखा। ये कहता है कि अगर तुम्हें कभी भी जरूरत हो तो मेरे पास चली आना। ये सुनकर सोंग कहती है कि यान मेरी सिस्टर का बेटा है और यान ये बात नहीं जानता और मैं भी उसे बताना नहीं चाहती। ये कहता है कि फिर तो तुमने इसीलिए सबको लगने दिया कि यान तुम्हारा बेटा है। ये हाँ कहती है और बताती है कि मेरी सिस्टर यान को उसके डैड से मिलने नहीं देना चाहती थी। मुझे लगता है कि मेरा ब्रदर इन लॉ उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं करता होगा, इसीलिए मैंने कभी किसी को नहीं बताया। ये सब सुनकर ये कहता है कि तुम उससे प्रॉमिस करो कि आज से तुम हर मुश्किल मुझे बताओगी ताकि मैं तुम दोनों की केयर कर सकूं। फिर ये इसे वेट करने का बोलकर चला जाता है। अंदर आकर ये एक रिंग देखता है जो इसने सोंग के लिए बाय की थी और तभी से बहुत सारे फ्लैशबैक्स आते हैं, जिनमें से एक में लुई से कहती है कि मैं चाइना जाकर अपनी सिस्टर को ढूंढना चाहती हूँ, और फिर इसे वो ट्विंस वाली स्नैप याद आती है। इसके हाथ से रिंग गिर जाती है और किन भी गिर जाता है, और कुछ देर के बाद जब इसे होश आता है तो रिंग इसके पास ही पड़ी होती है। नेक्स्ट सीन में सोंग किन को कॉल करती है तो ये अटेंड नहीं करता। दूसरी तरफ जांग कुछ प्रिंट्स देख रहा होता है तो इसकी नज़र इस पर किए साइन पर पड़ती है, जिसे देखकर इसे बिन का साइन याद आ जाता है कि यहाँ किन अपने दोस्त से बात कर रहा होता है, तो कोई इनकी पिक्चर्स बनाने लग जाता है। यहाँ जांग बिन को तलाश करने का काम तेज करने को कहता है। नेक्स्ट डे सोंग यान को खाना देती है और खाली चेयर को देख कर किन को मिस करती है। यहाँ किन ऑफिस में काम कर रहा होता है। दूसरी तरफ सोंग किन के ऑफिस आती है तो इसे पता लगता है कि वो बाहर गया है। ये इस लड़की को अम्ब्रेला देती है कि किन को दे देना। अब सोंग का दिल किन के लिए राजी है, पर किन को अपने आने वाले विजन्स की वजह से कुछ समझ नहीं आ रही और इसी वजह से सोंग उसके लिए परेशान है। फिर सोंग जैसे ही बाहर निकलती है तो उसी तरफ किन अंदर आ जाता है और ये लड़की इसे अम्ब्रेला देकर बताती है कि सोंग ने दी थी। ये उसे फिर से कॉल करती है तो ये बताता है कि काम ज्यादा होने की वजह से मैं ओवरटाइम कर रहा हूँ, तो ये इसे रात को मिलकर खाना खाने का कहती है, जिस पर ये हाँ कर देता है। दूसरी तरफ लिन को ड्रिप लगी होती है और सुई इसकी केयर कर रही होती है, तभी इसके मुंह से सोंग का नाम निकलता है और ये सुनकर सू को बहुत बुरा लगता है और ये आकर ड्रिंक करने लग जाती है। यहाँ इसे होश आता है तो जांग इसे बताता है कि सू जा चुकी है। दूसरी तरफ किन लू की ग्रेव पर आता है और कहता है कि तू मुझे इतनी जल्दी क्यों छोड़कर चली गई, आखिर ऐसा क्या हुआ था। तभी फ्लैशबैक दिखा जाता है कि लू बिन से साइन करने का कह रही थी तो ये मना कर देता है, जिस पर ये इसे कहती है कि मुझे टॉर्चर मत करो, मैं औरत बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ कि मुझे जाने दो, और किन बेबस होकर साइन कर देता है। फिर ये प्रेजेंट में कहता है कि मैंने हमारा बेटा ढूंढ लिया है और अगर कभी वक्त आया तो मैं यान को तुम्हारे पास लाऊंगा। दूसरी तरफ जांग भी ओल्ड चैन की कब्र पर आया होता है। ये बाहर आता है तो इसे एक लड़का बताता है कि आपके कहने के मुताबिक इन्वेस्टिगेशन में पता लगा है कि वो प्रिंट किन नाम के एक लड़के ने बनाए हैं। ये इन्हें उसकी स्नैप भी दिखाता है और बताता है कि कुछ साल पहले ये एक हॉस्पिटल में मौजूद था और कोई इसके बिल पे कर रहा था, और अजीब बात तो ये है कि किन जिस ऑफिस में काम कर रहा है वो टैंक का है। ये सब सुनकर जांग को सब समझ आ जाता है। फिर ये आकर टैंक से बिन का पूछता है कि वो 6 साल पहले गायब हो गया था। ये इसके आगे प्रिंट्स फेंकता है और कहता है कि ये सब बिन के डिजाइन्स हैं। वो दिन करीब है जब मैं उसे ढूंढ लूंगा। यहाँ सोंग बुक से देखकर खाना बना रही होती है। दूसरी तरफ किन घर आते आते फिर से वापस चला जाता है और वहाँ तैंग परेशान होकर कहता है कि मैं इस बूढ़े को बिन तक नहीं पहुँचने दूंगा। फिर सोंग किन को टेक्स्ट करती है। ये देख कर किन को सोचने लग जाता है और सोंग घर पर इसका वेट करते करते सो जाती है। तभी शी आकर किन से पूछता है
कि अगर तुम्हारी मेमोरी वापस आ गई तो क्या तुम सॉन्ग को छोड़ दोगे। तो ये कहता है कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो मैं तुम्हें नहीं समझा सकता, पर जब भी मौका मिला तो जरूर बताऊंगा। फिर ये घर आता है तो अचानक से सॉन्ग की आंख खुल जाती है। ये आकर खाना गर्म करने लगती है तो किन्नी से यान का पूछता है, तो ये बताती है कि वो जू के साथ गया है। ये कहता है कि मुझे सब याद आ गया है। फिर ये इसे बताता है कि मेरा नाम बिन है और मेरे फादर जूही के मालिक चैन थे। ये सुनते ही सॉन्ग को हॉस्पिटल वाले चैन याद आ जाते हैं। तो ये कहती है कि मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ। ये इसे बताता है कि यान मेरा और तुम्हारी बहन का बेटा है। ये सुनकर सॉन्ग को यकीन ही नहीं होता और बताता है कि मैं लूसी अमेरिका के स्कूल में मिला था और ग्रेजुएशन के बाद हमने शादी कर ली थी और एक्सीडेंट से पहले वो डाइवोर्स चाहती थी, पर मुझे नहीं पता कि वो मुझे क्यों छोड़ना चाहती थी। ये सब सुनकर सॉन्ग टूट सी जाती है। ये इसे सॉरी कहता है और बताता है कि यही सच है। दूसरी तरफ जांग ऑफिस से निकलता है तो एक कार इनका पीछा करने लग जाती है। फिर ये सॉन्ग से कहता है कि मुझे नहीं पता था कि ये सब हुआ था, लेकिन जो मैंने तुम्हारी और यान की केयर की वो सब रियल था। तो ये कहती है कि मेरी बहन को अकेले छोड़ने वाले भी तुम ही थे। इतना कहकर ये चली जाती है। नेक्स्ट सीन में जांग बिन को आवाज देता है और इसे देखकर बिन पहचान जाता है। ये इसे मिलने के लिए रोड क्रॉस करने लगता है कि तभी एक गाड़ी इन्हें टक्कर मार देती है और फिर ये बिन के सामने दम तोड़ देता है। दूसरी तरफ टैंक को कॉल आती है तो ये कहता है कि मैं फ्यूनरल जरूर अटेंड करूंगा। यहाँ सॉन्ग खामोश बैठी होती है। शियाकर पूछता है कि क्या बिन ने तुम्हें डंप किया, तो ये कहती है कि उसका नाम भी मत लो। ये काफी गुस्से में बैठी होती है। टैंक असिस्टेंट से कहता है कि जांग के खात्मे के बाद अब जूही पूरी तरह से बेरी हुई। तो ये घबराया हुआ बोलता है कि मुझे लगता है कि मुझे किसी ने देख लिया था। इस पर टैंक फौरन गुस्से में आकर इसे थप्पड़ मार कर कहता है कि क्या तुम मुझे तबाह करना चाहते हो, जाओ और उसे जाकर ढूंढो जिसने तुम्हें देखा था। दूसरी तरफ किन अपनी सोचों में गुम बैठा होता है क्योंकि अपनी बहन को लेकर अब सॉन्ग गलत फहमी का शिकार हो गई थी कि किन ने इसकी बहन के साथ बहुत बुरा किया होगा। तभी ये यहाँ टैंक को देखता है जिस पर इसे याद आता है कि जांग ने मरते वक्त इसे कंपनी में वापस जाने का बोला था। साथ ही इसे थोड़ा पास्ट भी याद आता है। तभी यहाँ शी आ जाता है और किन इससे सॉन्ग के बारे में पूछता है। ये कहता है कि वो घर चली गई है। यहाँ सॉन्ग किन की पैकिंग कर रही होती है तो जूई से कहती है कि तुम्हें किन को एक चांस देना चाहिए। तभी बाहर किन आ जाता है तो ये इसे इसका बैग देती है और घर की कीज वापस मांगती है और बिना इसकी कोई बात सुने इसे घर से निकाल देती है और ये बेचारा चुपचाप यहाँ से चला जाता है। इसके बाद सॉन्ग को अपनी बहन के लिखे हुए वो वर्ड्स याद आते हैं कि मेरे हस्बैंड की वजह से मैंने बहुत पेन देखी है। दूसरी तरफ किन शी के साथ बैठकर चला जाता है और टैंक से मिलने के लिए इसे कॉल पर कह देता है। यहाँ सॉन्ग जू से कहती है कि मेरी बहन ने जो मुझे बताया उसके मुताबिक वो किन को देखना भी नहीं चाहती थी, लेकिन जिस किन को मैं जानती हूँ वो टोटली डिफरेंट पर्सन है। ऐसा कैसे हो सकता है। अब ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। किन कहता है कि क्या तुम अभी भी मुझे किन कहकर बुलाओगे। ये सुनकर टैंक फौरन से डर जाता है और इसे समझ आ जाता है कि किन की मेमोरी वापस आ गई है। ये काफी डर जाता है तो किन इसे बताता है कि मुझे मेरी वाइफ, मेरे फादर और ऑफकोर्स तुम भी सब याद आ गए हो। ये सुनते ही टैंक इसे अपनी सफाइयाँ देने लग जाता है कि मैंने तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की थी। ये कहता है कि मैं 6 साल हॉस्पिटल में पड़ा रहा, फिर मुझे कोई कैसे ढूंढ नहीं पाया। तो ये कहता है कि जब तुम मुझे मिले थे तो तुम्हें एमनीजिया हो चुका था। डॉक्टर ने सुजेस्ट किया कि तुम्हें रिकवरी के लिए ज्यादा से ज्यादा टाइम देना चाहिए, इसलिए मैंने तुम्हें कभी डिस्टर्ब नहीं किया और साइड पर रहकर तुम्हें प्रोटेक्ट करता रहा। तभी किन को याद आता है कि टैंक इससे कितना जेलस हुआ करता था क्योंकि किन इससे भी अच्छा आर्किटेक्ट था। फिर टैंक इसे डैड की डेथ के बारे में बताता है और बोलता है कि जब मैंने तुम्हारे मिलने की खबर सुनी तो मैं बहुत खुश था। यही बात जब मैंने मिस्टर चैन को बताई तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकी और उनको हार्ट अटैक आ गया। ये बात सुनकर किन चुप का चुप रह जाता है। दूसरी तरफ जू सॉन्ग को शी का मैसेज देती है कि किन तुमसे एक बार मिलना चाहता है, लेकिन सॉन्ग मना कर देती है और बोलती है कि क्या बात करने से पास्ट बदल जाएगा। तो जू कहती है कि फिर तो ये रियलिटी भी नहीं बदलेगी कि किन और यान बाप बेटा हैं। तो सॉन्ग कहती है कि मैं उसे कभी पता नहीं लगने दूंगी। तो जू कहती है कि बड़ा होकर जब उसे पता चलेगा तो वो तुम्हें ब्लेम करेगा। यहाँ टैंक बिन से कंपनी वापस आने का बोलता है
और बताता है कि अंकल चैन भी यही चाहते थे। डैड के बारे में सुनकर बिन की आंखों से आंसू आ जाते हैं। फिर ये अपनी वाइफ लू के बारे में पूछता है कि उसके साथ क्या हुआ था, तो तेंग कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। दूसरी तरफ यान घर आते ही सोंग से पूछता है कि आपने किन को घर से क्यों निकाला, तो ये कहती है कि मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। इस पर ये जिद करने लग जाता है, तो ये गुस्से से कहती है कि उसके पास चले जाओ और वापस मत आना। तभी जुई से डांटती है और यान को समझाती है कि तुम्हारी मोम की तबीयत ठीक नहीं है। नेक्स्ट सीन में ये किन से मिलने आती है और कहती है कि मैं यान को कभी भी पता नहीं लगने दूंगी कि तुम उसके फादर हो। ये कहता है कि वो मेरा बेटा है, तो ये कहती है कि उसे तब अकेले क्यों छोड़ा था। किन बिल्कुल खामोश हो जाता है। ये इसकी खामोशी देख इसे वीक में एक बार मिलने की इजाज़त दे देती है और कहती है कि पर तुम वादा करो कि तुम कभी भी उसे नहीं बताओगे, और जाने से पहले ये इसे सैंडल वापस कर देती है। कुछ देर के बाद इसे सू दिख जाती है। इसके बाद ये लिन से मिलने आता है। आखिर तुम कितनी देर तक सोंग को अंधेरे में रखोगे, ये इसे कहता है कि सोंग को मत बताना। इस पर ये कहता है कि जब एक दिन सोंग को पता लग जाएगा तो तब उस पर क्या गुजरेगी। ये कहता है कि मैं नहीं चाहता कि वो मुझे होपलेसली मरता देखे। ये सुनने के बाद किन कहता है कि तुम ऐसे नहीं जा सकते, मैं तुम्हारा वेट करूंगा। यहाँ तेंग कहता है कि तुम लिन से प्यार करती हो ये दुनिया जानती है, पर इन हालातों में तुम्हें उसके साथ रहना चाहिए। तो ये कहती है कि ये मेरा और लिन का मामला है, तुम परेशान मत हो। दूसरी तरफ रिपोर्ट्स लिन के पास पहुँच जाती हैं। इसके बाद लिन तेंग से मिलने आता है और कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम कमीने हो, पर इन सब में मुझे इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इस पर ये बेशर्म होकर कहता है कि तुम्हारे अल्फाज मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं। ये कहता है कि मैं जानता हूँ कि रिपोर्टर्स को तुमने ही भेजा था, तो चलो एक डील करते हैं, तुम मेरा सीक्रेट रखो और मैं जूही में अपने सारे स्टॉक्स तुम्हें दे दूंगा, और हाँ मैं जानता हूँ कि किचन की डेथ में भी तुम्हारा हाथ था। ये सुनते ही तेंग सोच में पड़ जाता है। कुछ देर के बाद ये कहता है कि तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है और उसके बिना सब बेकार है। इस पर लिन कहता है कि डील अभी भी ऑन है, तुम मेरी बीमारी को सीक्रेट रखो, मैं चैन की डेथ के बारे में नहीं बोलूंगा। यहाँ किन आकर सोंग को उसकी बीमारी का बता देता है और कहता है कि इसीलिए उसने तुम्हें छोड़ा था, तुम्हें उसके पास चले जाना चाहिए। ये सुनकर सोंग को कुछ समझ नहीं आता। वहाँ सू वापिस आ जाती है। लिन के पूछने पर यह कहती है कि मैंने तुम्हें मिस किया इसलिए वापिस आ गई। लिन का बिहेव देख कर ये पूछती है कि क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं है, तो ये कहता है कि तुम्हें अपने फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। ये इसके हाथ पकड़ती है तो ये छुड़वाकर कहता है कि मैं तुम्हें आज तक नहीं प्यार कर पाया। ये इसे थप्पड़ मार देती है और इस पर लिन गुस्से से इसे दफा हो जाने का कहता है। फिर ये जोंग को लेटर देता है और कहता है कि मेरे मरने के बाद ये सोंग को दे देना। तभी वहाँ सोंग आ जाती है और ये दोनों एक दूसरे को देख कर रोने लग जाते हैं। नेक्स्ट सीन में जोंग इसे वो लेटर दे देता है। कुछ देर के बाद लिन को होश आ जाता है, ये इसे बैठने में हेल्प करती है। तभी वहाँ डैड भी आ जाते हैं। ये कहती है कि तुमने ऐसे क्यों किया, तो ये बताता है कि मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था। इस पर ये कहती है क्या तुमने ये नहीं सोचा कि जब मुझे पता लगेगा तो मैं और ज़्यादा हर्ट हो जाऊँगी। फिर ये कहती है कि मैंने तुम्हारे डैड को बता दिया था। कुछ देर के बाद ये घर आती है तो यान सोया हुआ होता है। ये इसकी ड्राइंग देखती है। तभी यान नींद में किन का नाम लेता है, जिसे सुनकर ये कुछ सोचने लग जाती है। दूसरी तरफ किन शी को बताता है कि सोंग की एक ट्विन सिस्टर थी जिसका नाम शैनलू था, वो मेरी बीवी थी, पर हमारी डाइवोर्स होने के बाद मुझे पता चला कि लू प्रेग्नेंट है और वो बच्चा यान है। ये सब सुनकर शी हैरान हो जाता है और कहता है कि अगर तुम आज भी सोंग को पसंद करते हो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। दूसरी तरफ डैड सूसे कहते हैं कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, लिन तो पागल है, पर तुम ऐसे कैसे कर सकती हो। फिर ये गुस्से से कहते हैं कि वो मरने वाला है और उसके मरने के बाद कुछ नहीं रहेगा। ये रोते हुए वहाँ से भाग जाती है। यहाँ असिस्टेंट किन के पास आकर बताता है कि टैंग ने आपके लिए गाड़ी भेजी है और आज से मैं आपका असिस्टेंट हूँ, तो ये कहते हैं कि उसे जाकर कहो कि मुझे गाड़ी की ज़रूरत नहीं है और उसे कहो कि जूही पर फोकस करे। फिर ये सोंग के पास आता है तो सोंग लिन की केयर के लिए जाने लगती है। ये इसे कहता है कि उसका अच्छे से ख्याल रखना। मिस वो हॉस्पिटल आती है।
तो ये सॉन्ग को देखकर इस पर गुस्सा करती है कि तुम आज भी लिन को मुझसे दूर करने आई हो। तो ये कहती है कि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। तो ये पागलों की तरह इसके गले पड़ जाती है। तभी सॉन्ग खुद को छुड़वाती है और कहती है कि लिन ऐसा देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इस पर ये जलसी में अंधी होकर सॉन्ग को धक्के मारने लग जाती है और कहती है कि उसे तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम चली जाओ। ये सब कुछ टेड देख लेते हैं। तो ये पागल कहती है कि मैं इसे लिन से मिलने नहीं दूंगी। तो ये गुस्से से कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि लिन किससे मिलना चाहता है, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, तुम चली जाओ। फिर डैडी से कुछ फ्रूट्स देते हैं और खुद अफसुदा से होकर चले जाते हैं। ये लिन के पास आ जाती है तो ये इससे सूखा पूछता है। ये सुनकर सोंग इसे कोई जवाब नहीं देती और फ्रूट्स काटने लग जाती है। सोंग को ऐसा करता देखकर ये कहता है कि ये सब सू भी कर सकती है, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, तुम यहाँ से चली जाओ, क्योंकि अगर तुम यहाँ रही तो सू को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ये बिना जवाब दिए इसे फ्रूट देती है तो लिन इसे हाथ मार कर गिरा देता है और गुस्से से दफा होने का कहता है। इसकी इस रवैये से ये सैड हो जाती है और बाहर आकर रोने लग जाती है। कुछ देर के बाद ये फिर से इसे फ्रूट देती है तो ये मना कर देता है। फिर ये इसे थिएटर में लाती है और बताती है कि मैंने पहली बार तुम्हें देखा था और तुम्हारी स्माइल हमेशा से ग्रेट थी, और जब मैं भी यहाँ आती थी तो तुम्हारे बारे में सोचा करती थी, पर मैं किस्मत की शुक्र गुजार हूँ जो तुमसे प्यार हुआ। दूसरी तरफ किन यान को स्कूल से पिक करने आता है तो यान इसे देखकर खुश हो जाता है और पूछता है कि अब आप मेरी मोम के साथ क्यों नहीं रहते। तो ये बताता है कि लिन को तुम्हारी मोम की ज्यादा जरूरत है। ये सुनकर यान कहता है कि क्या आपको डर नहीं है कि लिन मोम को आपसे दूर कर देगा। यहाँ ये सॉन्ग को बताता है कि मैं हमेशा से खामोशी के साथ तुम्हारी जिंदगी से निकल जाना चाहता था, लेकिन मुझे हमेशा तुम्हारा प्यार फील होता था और मुझे वो खुशी बहुत पसंद थी। ये सुनकर बहुत सैड हो जाती है और कहती है कि मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं अच्छे से रहूंगी। फिर ये इसे कहता है कि अब तुम किन के पास चली जाओ, मेरी दुनिया छोड़ने से पहले ख्वाहिश है कि मैं तुम्हें किन के साथ देखूं। नेक्स्ट सीन में किन लिन से मिलने आता है। ये इसे पूछता है कि क्या तुम जानते हो कि मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है। तो किन कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं उन दोनों का अच्छे से ख्याल रखूंगा। एक्चुअली किन बहुत फोकस से माहौल को ऑब्जर्व करता है तो इस पर ये इसे सॉरी करता है। ये इसे कहता है कि जो हो गया उसे भूल जाओ, मैं आज यहाँ अपने दोस्त को मिलने आया हूँ। ये सुनते ही इसे कहता है कि क्या तुम आज भी मुझे अपना दोस्त मानते हो। तो ये कहता है कि तुम कहीं भी चले जाओ, तुम हमेशा से ही मेरे दिल में रहोगे। लिन इसकी तरफ फटता है तो ये इसका हाथ थाम लेता है। फिर ये जाने लगता है तो इसे सॉन्ग रोक लेती है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। एक्चुअली लिन हम दोनों को इकट्ठा देखना चाहता है, पर पता नहीं तुम मेरा साथ दोगे या नहीं। तो ये बताता है कि मैं उसे मिल चुका हूँ और प्रॉमिस भी करके आया हूँ कि मैं तुम दोनों का ख्याल रखूंगा। मुझे लगता है कि हमें उसकी विश को पूरा करना चाहिए। ये सब सुनकर शोंग चुप हो जाती है। नेक्स्ट डे ये शॉप पर आती है तो इसका लटका हुआ मुंह देखकर जो कहती है कि मैं तुम्हें ऐसे सैड नहीं देखना चाहती। तभी इसे कॉल आ जाती है और ये सुनकर सॉन्ग जल्दी से भाग जाती है। दूसरी तरफ किन को भी पता लग जाता है। यहाँ डॉक्टर लिन को चेक कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ डॉक्टर आकर डैड के पूछने पर कहता है कि उसका वक्त बहुत नजदीक है। ये सुनकर डैड के पांव तले से जमीन निकल जाती है। अपने बेटे के मरने की खबर सुनकर डैड का हाल बुरा हो जाता है। यहाँ लिन अपनी आखिरी सांसों में सॉन्ग से कहता है कि मैंने तुम्हारा बहुत वेट किया कि मैं तुम्हारे साथ रह सकूं, और ये सब सूबी खड़ी सुन रही होती है और इसे आखिर तक साथ देने का थैंक्स करता है। तो सॉन्ग कहती है कि सूबी आती होगी, थोड़ा रुक जाओ। तो ये ना करते हुए कहता है कि वो ये सब मिस कर देगी। ये सुनकर सू बहुत रोती है और रोते रोते हॉस्पिटल से भाग जाती है। और यहाँ लिन सॉन्ग को एक लेटर देकर कहता है कि ये सू को मेरी तरफ से दे देना और कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत चाहा है और सू को हमेशा हर्ट किया है। तभी डैड और किन भी आ जाते हैं तो ये फिर से अपना हाथ आगे बढ़ाता है और फिर इसकी डेथ हो जाती है, जिसे देखकर सब टूट जाते हैं। नेक्स्ट डे सभी लिन की ग्रेव पर आते हैं और इन्हें देखकर सू मुंह मोड़ लेती है, लेकिन इनके जाने के बाद ये भी आती है और कहती है कि तुम जाते जाते मेरे लिए नफरत छोड़कर गए हो, पर मैं तुमसे कभी नफरत नहीं करूंगी। फिर जाने लगती है तो सॉन्ग इसे रोक लेती है और इसे लिन का दिया हुआ लेटर देती है और कहती है कि लिन तुम्हें देखना नहीं चाहता था क्योंकि उसमें तुम्हें फेस करने की हिम्मत नहीं थी। तो ये कहती है कि वो तुम्हारे हाथों फूल बन सकता है, लेकिन मैं तुम पर यकीन नहीं करूंगी। उसका मेरे साथ होना एक ड्रीम बनकर रह गया है और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ था। अगर तुम ना होती तो हम कब की शादी कर चुके होते। मुझे खुशी नहीं मिली, पर मैं तुम्हें भी खुश नहीं रहने दूंगी। ये लेटर इसके मुंह पर मारती है और चली जाती है। दूसरी तरफ किन को लिन के साथ गुजारे हुए मोमेंट याद आ रहे होते हैं। यहाँ सॉन्ग को सैड देखकर यान कहता है कि सैड मत हो, किन ने कहा था कि डेथ इनएविटेबल है और सबको एक दिन चले
चले जाना है, पर हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। और फिर ये फेंसिंग सीखने का कहता है तो ये मना कर देती है। ये कहता है कि मैंने तो किन से प्रॉमिस किया है कि मैं हर वीक जाया करूंगा। ये फिर से मना करती है तो ये नाराज होकर भाग जाता है। फिर हमें एक मंथ पार्ट का सीन दिखाया जाता है। जू शीशे कहती है कि किन और सोंग इकट्ठे क्यों नहीं रहते, तो ये कहता है कि किन तो सोंग को लाइक करता है और वो काफी अरसे से उसका ख्याल भी रख रहा है। तो ये कहती है कि सोंग को लगता है कि किन ने उसकी बहन के साथ अच्छा बिहेव नहीं किया था, वो इसे माफ नहीं कर पा रही। तो शी कहता है कि जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, हमें वजह ढूंढनी होगी। फिर ये दोनों सोंग के पास पहुंच जाते हैं। तो ये कहती है कि किन को बता दो कि मैं यान को फेंसिंग की जगह आर्ट सिखाना चाहती हूँ। तो ये कहता है कि हम बहुत बिजी हैं, तुम खुद ही उसे बता दो। इसके जाने के बाद ये हाई फाई करते हैं। एक्चुअली ये दोनों अब इन्हें साथ रहने पर मजबूर करने वाले हैं। दूसरी तरफ सोंग किन से फेंसिंग को लेकर बहस कर रही होती है और कहती है कि इस खेल में हर्ट ना होने की कोई गारंटी नहीं है। तो ये कहता है कि वो हर तरह से सेफ रहेगा और मैं खुद उस पर नजर रखूंगा और मैं जानता हूँ कि आर्ट उसके लिए इम्पोर्टेंट है, पर तुम्हें फिजिकल एक्टिविटी पर भी ध्यान देना चाहिए। अगर वो ड्राइंग पसंद करता है तो वो दोनों क्यों नहीं कर सकता। तुम ऐसा करो, तुम खुद उसकी क्लास में देखने आओ और फिर डिसाइड कर लेंगे। ये नो कहकर जाने लगती है तो ये कहते हैं कि सैटरडे क्लास है, मैं तुम्हारा वेट करूंगा। ये वापस आती है तो यान नाराज होकर बैठा होता है। ये इसे गुस्से से कहती है कि तुम आर्ट क्लास जाओगे, तो ये रोने लग जाता है। ये दोनों आकर इसे डांटती है। एक्चुअली ये अपनी जिंदगी की वजह से यान के साथ ऐसा बिहेव कर रही है। अभी ये जू के सामने भी वही रोना धोना करती है कि यान अभी छोटा है और वो इंजर्ड हो जाएगा। दूसरी तरफ किन आकर यान को चुप करवाता है तो ये बताता है कि मोम मुझे फेंसिंग नहीं खेलने देना चाहती। फिर नेक्स्ट सीन में यान सोंग से आकर सॉरी करता है तो ये कहती है कि मेरी भी गलती थी। तभी ये कहता है कि मैं आपको फेंसिंग के अबाउट बताऊंगा ताकि आपकी परेशानी कम हो जाए। तो ये कहती है कि हम इस वीकेंड पर मिलेंगे। ये सब सुनने के बाद यान से पूछती है कि क्या ये सब शी ने बताया, तो ये कहता है कि नहीं, मुझे ये सब किन ने बताया है। ये सुनकर सोंग किन को देखने आ जाती है। नेक्स्ट सीन में किन यान को प्रैक्टिस करवा रहा होता है, तभी सोंग भी आ जाती है और एक साइड पर खड़ी होकर इन्हें देखती रहती है। यहाँ शी जू से कहता है कि सोंग और किन मेरे डिजाइन किए हुए ड्रेस पहनेंगे, तो ये कहती है कि अगर उन्होंने मेरे ड्रेस पसंद किए तो। शी इस बात से गुस्सा होकर चला जाता है। दूसरी तरफ यान अपनी मोम को थैंक्स करता है तो ये इसे कहती है कि खेलने के शौक के साथ साथ खुद को सेफ भी रखना। तो ये कहता है कि मैंने सोचा है कि सैटरडे को मैं फेंसिंग करूंगा और संडे को आर्ट किया करूंगा। किन खड़ा ये सब सुन रहा होता है और फिर ये सोंग को थैंक्स करता है। तो ये कहती है कि अपना प्रॉमिस याद रखना कि तुम यान को अपना रिलेशन नहीं बताओगे। ये कहकर सोंग चली जाती है और किन चुप खड़ा रहता है। फिर इसे जू की कॉल आती है, ये इसे शूटिंग के लिए कहती है तो ये मना कर देती है और कहती है कि किन भी आने वाला है, क्या ये सब तुम दोनों अरेंज कर रहे हो। तो ये फौरन से मुकर जाती है। सुशी से कहती है कि हम तो ये सब सोंग के भले के लिए कर रहे हैं, लेकिन अगर उसे कोई गलत फहमी हो गई तो क्या करेंगे। तो शी कहता है कि तुम फिक्र ना करो। दूसरी तरफ सोंग को किन के मोमेंट्स याद आ रहे होते हैं। फिर ये यान से पूछती है कि तुम क्या खाओगे। ये कहता है कि क्या आप जू और शी के साथ नहीं जाएंगी, तो सोंग ना बोलकर खाना बनाने चली जाती है। यहाँ किन शी के पास आता है तो शी इसे अपने सिंगल और जू के डिजाइन किए हुए कपल ड्रेसेस दिखाता है जिनमें से किन को जू के ड्रेसेस पसंद आ जाते हैं। तो शी इस पर झूठ मूठ का गुस्सा करने लगता है। फिर किन पूछता है कि मेरी पार्टनर कौन होगी, तो शी सोंग का नाम लेता है, जिस पर किन फौरन से ना बोल देता है। तो शी कहता है कि ऐसा मत करो, मैं इतनी जल्दी न्यू मॉडल का अरेंज कैसे करूंगा। दूसरी तरफ सोंग भी शूट करवाने से मना कर देती है तो जू इसे कहती है कि ऐसा मत करो, हमारी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। मैंने तुम्हें और यान को पालने के लिए जो दिन रात काम किया है उसी की खातर मान जाओ। इसकी ब्लैकमेलिंग सुनकर आखिर सोंग मान ही जाती है। जब ये लोग सेट पर पहुंचते हैं तो प्लान के मुताबिक इनकी ओल्ड पिक्चर्स प्ले कर दी जाती हैं और जू जानबूझकर शी को पिक्चर्स चलाने पर डांटने लग जाती है, जिस पर शी आकर सोंग से सॉरी करता है और स्क्रीन ऑफ करवा देता है। अब सोंग किन के सूट का मैचिंग सूट पहनने से मना कर देती है तो जू बेचारी फिर से परेशान हो जाती है और शी से आकर कहती है कि अगर मेरा शो बर्बाद हुआ तो मैं तुम्हें इस तरह से तोड़ दूंगी। ये कहता है कि क्या तुम मुझसे ब्रेकअप कर लोगी, तो जू कहती है कि जल्दी कोई सोल्यूशन निकालो। घर पर यान अपनी सेविंग्स निकालकर काउंट करने लग जाता है और इधर सोंग की वजह से जू किन के साथ और सोंग शी के साथ पिक्चर्स बना रही होती है। शूट के बाद किन से कहता है
कि मुझे नहीं पता था कि इन लोगों ने ये सब प्लान किया था। तो सोंग इसे कोई जवाब नहीं देती। अब ये लोग पिक्चर्स देखकर बोलते हैं कि हमारी सारी मेहनत बेकार गई। तभी कैमरामैन इनको सोंग और किंग की पिक्चर्स दिखाता है जो इसने छुपकर ले ली थी। इस पर ये लोग बहुत खुश हो जाते हैं और सेलिब्रेट भी करते हैं। नेक्स्ट डे जू शॉप पर आती है तो सोंग इसे कहती है कि आइंदा मेरे साथ ऐसा मत करना वरना मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगी। दूसरी तरफ टैंक इनसे कहता है कि तुम कंपनी कब वापस आ रहे हो। तो ये कहता है कि अभी मेरा कोई मूड नहीं है, जब मुझे आना होगा मैं तुम्हें बता दूंगा। इस पर टैंक सोच में पड़ जाता है कि किन इसके साथ क्या करने वाला है। नेक्स्ट सीन में ये दोनों बाहर आते हैं तो इनको हर जगह अपनी पिक्चर चलती नजर आती है। ये देखकर सोंग बहुत इम्बारस हो जाती है और यान को लेकर घर आ जाती है। फिर ये दोनों घर आकर इसे सॉरी बोलते हैं और बताते हैं कि किसी ने हमसे वो फोटोज बाय कर ली थी। फिर ये बताते हैं कि हमारे घर का कोई इशू बन गया है इसलिए हमें अपने घर पर रख लो। नेक्स्ट मॉर्निंग केन आता है और शी को एक पेट शो की टिकट्स देता है और कहता है कि सोंग को मत बताना कि ये मैंने लाकर दी है। इस पर शी आकर ये टिकट सोंग को दे देता है जिस पर ये बहुत एक्साइटेड हो जाती है। फिर ये दोनों पूछती है कि क्या तुम ये लाइन में लगकर लाए हो, सच बताओ कि तुम्हें किसने दी है। यहाँ पूरी रात खड़े होने की वजह से किन की हालत काफी खराब हो जाती है तो शी इसे हॉस्पिटल चलने का कहता है लेकिन ये इसे मना कर देता है। अब टैंक फिर से इसके पास आता है और बोलता है कि अब तुम कंपनी संभाल लो, मैं अपनी पोस्ट से क्विट करना चाहता हूँ। तो किन कहता है कि तुम आराम से काम करो, कंपनी को तुम्हारी जरूरत है। अगले दिन ये लोग यान की जिद पर कैंपिंग करने के लिए जा रहे होते हैं लेकिन सोंग काफी चुपचुप होती है। यहाँ असिस्टेंट टैंक को कंपनी की तमाम रिपोर्ट्स देने लगता है तो टैंक इससे कहता है कि तुम कल से सारे पेपर्स किनमो को दोगे। इस पर ये हैरान हो जाता है। अब ये लोग एक जगह आते हैं तो आगे किन खड़ा होता है। यान भागकर इसके पास आ जाता है तो ये दोनों डर के मारे बोलते हैं कि हमने इसे नहीं बुलाया। तो यान कहता है कि मैंने अंकल को बुलाया था। फिर ये किन को लेकर चला जाता है और शी जू से कहता है कि इन तीनों को प्राइवेसी दो, तुम सोंग के साथ क्यों चिपकी हो। तो जू कहती है कि तुम तो बहुत स्मार्ट हो गए हो। अब किन यान को ईस्ट वेस्ट का फर्क बता रहा होता है तो सोंग इसकी बातें सुनकर इम्प्रेस होने लग जाती है। दूसरी तरफ ये लोग दूर खड़े इन तीनों को देख रहे होते हैं। जू सोंग के पास जाने लगती है तो शी इसे रोक लेता है। इस पर जू कहती है कि उनके बहाने कहीं तुम मेरे क्लोज तो रहने की कोशिश नहीं कर रहे, तो शी शाय हो जाता है। अब ये लोग एक जगह बैठ जाती हैं तो यान इन दोनों को सेम ब्रेसलेट्स पहना देता है जो देखकर सोंग फौरन से इसे उतार देती है। अब ये तीनों से पूछती है कि तुम लोग कैमरा में क्या देख रहे हो। फिर ये अपनी स्नैप्स देखने के बाद कहती है कि मेरी पिक्चर्स मत बनाना। तो जू कहती है कि तुम फिक्र ना करो मैं डिलीट कर दूंगी। फिर ये मिलकर खाना बनाते हैं। तभी जू इसे कहती है कि क्या तुम किन से इतनी नफरत करती हो। तो ये कहती है कि वो तुम्हारे लिए परफेक्ट हो सकता है लेकिन मेरी बहन इससे इतनी ज्यादा नफरत करती थी कि वो यान के बारे में इसे नहीं बताना चाहती थी और उसकी जरूर कोई ना कोई रीजन होगी। फिर खाना खाने के बाद यान शी और जू से इन दोनों के पास आता है और बताता है कि मैं इन्हें अकेला छोड़ आया हूँ और तभी ये तीनों वहाँ से गायब हो जाते हैं। तो सोंग इन्हें कॉल करके पूछती है कि तुम लोग कहाँ हो और यान कहाँ है। तो ये दोनों झूठ बोल देते हैं कि वो हमारे साथ नहीं है। ये लोग परेशान होकर उसे ढूंढने लग जाते हैं। इनके बहुत ढूंढने पर यान इन्हें कहीं नहीं मिलता तो सोंग दोबारा कॉल करती है तो ये बताता है कि हम होटल में आ गए हैं। ये सुनकर इसे थोड़ा सुकून मिल जाता है पर बाद में इसे किन कहीं नजर नहीं आता। ये उसे ढूंढते ढूंढते गिर जाती है जिससे इसके पाँव में मोच आ जाती है। दूसरी तरफ किन भी इसे ही ढूंढ रहा होता है। कुछ देर के बाद ये सोंग को ढूंढ लेता है तो ये बताती है कि पाँव में चोट लगने की वजह से मैं चल नहीं पाऊंगी। तो किन इसे अपनी बैग पर उठा लेता है लेकिन रास्ता ना पता होने की वजह से इन्हें रात हो जाती है और ये इसे अभी भी उठाए चल रहा होता है। फिर ये इसे बताती है कि आज कि तुम्हारे आने से यान आज बहुत खुश था लेकिन अब किन बुरी तरह से थक गया था। तो ये इसे उतार कर एक जगह बिठा देता है और खुद भी रेस्ट करने लग जाता है। यहाँ ये दोनों भी इन्हें ढूंढने आ जाते हैं। दूसरी तरफ ये किन से कहती है कि अगर तुम बीमार थे तो तुम यहाँ क्यों आए। तो ये कहता है कि यान की खुशी के आगे कुछ भी मैटर नहीं करता। तो ये कुछ देर सोचने के बाद पूछती है कि किन हो या बिन। तो ये बताता है कि मैं बिन हूँ पर कभी कभी दिल करता है कि काश मैं किन ही होता। इस पर ये कहती है कि हाँ किन बहुत काइंड और कंसीडरेट पर्सन था पर बिन को मेरी सिस्टर पसंद नहीं करती और मैं नहीं जानती कि वो तुम्हें इतना हेट क्यों करती थी। मैं तो ये भी नहीं जानती कि वो यान को तुमसे क्यों नहीं मिलने देना चाहती थी। इसकी बातें सुनकर ये कहता है कि मैं भी जानना चाहता हूँ कि आखिर बिन ने लू को इतना हर्ट क्यों किया था। तभी ये चलने लगता है कि बेहोश हो जाता है और सोंग बहुत डर जाती है और ऊंची ऊंची आवाजें देने लग जाती है। तभी ये लोग भी सुन लेते हैं
यहाँ सू तेंग से मिलकर उससे हेल्प मांगती है तो ये कहते हैं कि सोंग और तुम्हारे दरमियान कुछ भी सिंपल नहीं है। तो ये सुनकर सू चुपचाप चली जाती है। नेक्स्ट डे तेंग किन को कॉल करता है तो ये कहता है कि मैं जल्दी ही तुम्हें मिलूंगा। दूसरी तरफ सोंग जू को स्तूप ले जाने का कहती है तो ये फौरन क्लाइंट का बहाना बनाकर मना कर देती है ताकि सोंग खुद चली जाए। यहाँ गिन भी काम की वजह से जल्दी घर से निकल जाता है। फिर असिस्टेंट इसे मीटिंग के लिए रेडी होने का कहता है और कुछ देर के बाद इसे एक जगह लेकर आता है जहाँ तेंग इसे सबसे बिन के नाम से इंट्रोड्यूस करवाता है। इसे देखकर सब बहुत खुश होते हैं। तभी किन को कुछ पुराने विजन्स आते हैं। फिर ये स्पीच करके जूही की स्टोरी बताता है और सबका थैंक्स करता है। इसके बाद किन तेंग का भी थैंक्स करता है। फिर ये इसे एक डॉक्टर से मिलवाता है। ये इन दोनों को अकेला छोड़कर चला जाता है। ये असिस्टेंट से कहता है कि जाकर तैयारी करो जैसा मैंने तुमसे कहा था और खुद हंसने लग जाता है। यहाँ डॉक्टर किन को अपनी हेल्थ का ख्याल रखने का कहकर चला जाता है। तभी तेंग आकर इसे जूही चलने का कहता है और कंपनी में आकर बताता है कि पहले हम डिजाइन्स बनाया करते थे लेकिन अब हम कंस्ट्रक्शन भी करेंगे। तो ये कहता है कि मुझे तो लगा था कि शायद हमें 10 साल और लग जाएंगे। तो ये बताता है कि हमारा नेक्स्ट ऑर्डर जून में कंप्लीट हो जाएगा और वो भी तुम्हारी एक्सपेक्टेशन के 5 साल पहले। इस पर किन को सोचने लग जाता है। असिस्टेंट टैंक को आकर बोलता है कि जिस लेडी ने मुझे एक्सीडेंट करते हुए देखा था मुझे लगता है कि वो सोंग थी। ये सुनकर टैंक बहुत परेशान हो जाता है और किन से सोंग के बारे में इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करता है। तो किन इसे बताता है कि वो शैनलू की ट्विन है और उसे मेरे बारे में बहुत सारी बुरी बातें पता है लेकिन मुझे तो अभी बहुत कुछ याद आना बाकी है इसलिए मैं उसकी गलत फहमी दूर नहीं कर सकता। फिर ये टैंक से पूछता है कि आखिर लू मुझे छोड़ना क्यों चाहती थी। लेकिन तभी कॉल आ जाने पर उठकर वहाँ से चला जाता है। अब ये यान के स्कूल आते हैं और किन तेंग को बताता है कि यान मेरा और लू का बेटा है। इसके बाद ये फेंसिंग के लिए आ जाते हैं और फिर ये दोनों एक मुकाबले का राउंड खेलते हैं। किन बहुत अच्छे से खेलता है जिसे देखकर यान खुश हो जाता है। फिर ये यान को छोड़ने आते हैं तो तेंग सोंग को डिनर के लिए इन्वाइट करता है लेकिन ये मना करके चली जाती है। इसके बाद तेंग इससे आगे का प्लान पूछता है तो ये कहता है कि पहले तो ये पता करना है कि आखिर लू के साथ क्या हुआ था। उसने जाने से पहले सोंग को कहा था कि यान को मुझसे मिलने मत देना और मैं जानना चाहता हूँ कि उसे ऐसा करने पर किसने मजबूर किया था जो वो मुझसे इस हद तक नफरत करती थी। इस पर ये कहता है कि अगर ऐसा ही रहा तो यान तुम्हें कभी डैड नहीं कह पाएगा। वो बच्चा तुम्हारा है, सोंग का उस पर कोई हक नहीं है। तभी इसे जू की कॉल आती है तो ये कहता है कि मैं देख लूंगा। फिर ये घर आकर सोंग से पूछता है तो ये बताती है कि बस आर्ग्यू करके आया है। तो ये कहता है कि क्या मैं इससे बात कर सकता हूँ तो ये परमिशन दे देती है। यहाँ तेंग बैठा सोच रहा होता है कि क्या किन जूही आना चाहता है या वो मुझे आजमा तो नहीं रहा। दूसरी तरफ ये यान को समझाता है कि तुमने जो किया उसे अच्छे से सोचो और उसे फिक्स करो। तो ये कहता है कि मुझे मेरी मॉम से सॉरी करनी है क्योंकि वो मेरी वजह से परेशान है और फिर मैं मेरे क्लासमेट से सॉरी करूंगा। ये जाने लगता है तो किन कहता है कि तुम कभी मत सोचना कि तुम्हारे डैड नहीं है, मैं तुम्हारा डैड हूँ। ये सुनकर यान कहता है कि मैं हमेशा से आपको अपना डैड मानता हूँ। फिर ये अपनी मॉम से सॉरी करता है। तभी किन आकर सोंग से कहता है कि मैं यान को स्टडी के लिए अमेरिका भेजना चाहता हूँ और अगर तुम हाँ करो तो मैं तुम दोनों को साथ में ले जाऊंगा। ये इसे इसके अबाउट सोचने का कहकर चला जाता है। यहाँ सू तेंग के असिस्टेंट से मिलकर इससे पूछती है कि वो तुम्हें कितने पैसे देता है जो तुम उसकी गुलामी करते हो। मुझे तो लगता है कि उसे तुम्हारे राज पता है। तो ये इनकार करता है और ये जाने लगता है तो ये कहती है कि तुम जब चाहो मेरे पास आ सकते हो। नेक्स्ट डे शॉप के बाहर कोई लड़का दो डॉग्स को बांध कर चला जाता है। यहाँ तेंग बिन को बताता है कि तुम्हारा कुछ सामान ऑफिस में है, जब चाहो आके ले लेना। फिर ये खुद उसका सामान देखने लग जाता है तो इसे एक एनवलप मिलता है जिसकी डेट बिन के एक्सीडेंट वाले दिन की होती है। दूसरी तरफ सोंग को डॉग्स के बारे में कॉल आ जाती है और ये फौरन से चली जाती है। यहाँ तेंग को एनवलप से एक ड्राइव मिलती है जिसमें लू की वीडियो थी। ये इस वीडियो को देखता है तो ये इसे बताती है कि मुझमें तुम्हें फेस करने की हिम्मत नहीं है पर तुम कभी समझ नहीं पाए कि मैं तुमसे डाइवोर्स क्यों चाहती थी। उसकी वजह मेरा प्रेग्नेंट होना था क्योंकि ये बच्चा तुम्हारा नहीं बल्कि तेंग का है। ये सुनते ही तेंग के तोते उड़ जाते हैं। ये बताती है कि उस रात तेंग ने मुझे होटल रुकने के लिए फोर्स किया था। तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ लुई से थप्पड़ मारती है तो ये कहता है कि अगर तुम बिन को बताना चाहती हो तो बता दो पर साथ में ये भी बताना कि उसकी वाइफ और उसके
दोस्त ने लास्ट नाइट बहुत मजे किए थे और अगर ये सब पब्लिक होता है तो मैं अकेला बदनाम नहीं हूँगा। यहाँ ये डॉग्स के पास आती है तो बिन भी आ जाता है और बताता है कि यान ने बताया कि तुम सीखो, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं, लेकिन ये मना कर देती है। फिर ये डॉग्स को पकड़ने लगता है तो ये इसे रोक लेती है और कहती है कि ये नॉर्मल नहीं लग रहे। कुछ देर के बाद एक गाड़ी इन्हें ले जाती है। नेक्स्ट सीन में तंग शॉप के बाहर खड़ा होता है कि तभी यान भी आ जाता है। ये इसे देखकर कुछ सोचने लग जाता है और उसे लू की बात याद आती है और उसी वक्त जू आकर यान को पीछे करके इसे कहती है कि तुम क्या कर रहे हो। तो ये बताता है कि मैं सोंग का फ्रेंड हूँ। इनके जाने के बाद ये सोचने लग जाता है कि ये तो मेरा बेटा है और उसे छुपकर देख रहा होता है कि तभी इसे बिन भी देख लेता है और इसे बताता है कि यहाँ टू डॉग्स थे जिन्हें रेबीज की बीमारी है। तो ये सुनकर टैंक कहता है कि यान को यहाँ से दूर ही रखना चाहिए क्योंकि अबू से पता लग गया है कि ये इसका बेटा है तो ये ओवर प्रोटेक्टिव हो रहा है। इस पर बिन कहता है कि इन्हें वैक्सीन के लिए भेज दिया है। फिर ये कॉफी शॉप में बैठे होते हैं तो टैंक कहता है कि यान बहुत अच्छा बच्चा है, आखिर वो जूही का आने वाला मालिक है। ये सुनकर बिन कहता है कि तुम कुछ ज्यादा जल्दी ही इस पर बात करने लगे हो। हाँ, अगर वो इंटरेस्ट लेगा तो मुझे खुशी होगी, पर अगर वो ना चाहे तो मैं उसे फोर्स नहीं करूँगा। तभी इसे कॉल आ जाती है और ये चला जाता है। दूसरी तरफ जू के पूछने पर सोंग बताती है कि तंग किन का दोस्त है, तो ये कहती है कि वो बता रहा था कि वो तुम्हारी सिस्टर को भी बहुत करीब से जानता है। तो ये कहती है कि शायद किन की वजह से जानता होगा। यहाँ ड्राइव को हाथ में लिए टैंग सोच रहा होता है कि अगर किन को लगता है कि यान उसका बेटा है तो वो जूही का अगला हायर बन जाएगा। इसके लिए मुझे भी अब जूही को कंट्रोल में लेना होगा। और फिर ये ड्राइव को पानी में डाल देता है और वो पानी असिस्टेंट को दे देता है। नेक्स्ट सीन में ये कॉल पर बात कर रहा होता है कि मुझे पैसे चाहिए और ये सब सू भी सुन लेती है तो ये इसे रोक लेती है। दूसरी तरफ तंग स्कूल के बाहर खड़ा यान को देख रहा होता है। यहाँ ये इसे कहती है कि जूही बिन की कंपनी है और अब वो आ गया है, क्या तुमने अपने बारे में कुछ सोचा है। फिर ये इसे बताती है कि तंग की हरकतें इस वक्त अपर अथॉरिटीज देख रही है और तुम उसका साथ देते हो, इस बार तुम आसानी से निकल नहीं पाओगे। फिर ये तंग के पास आती है और कहती है कि बिन अपनी जुबान का पक्का है और तुम्हें अब अपने बारे में सोचना चाहिए। ये कहता है कि मुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये जाने लगता है तो ये इसे कहती है कि तुम बिजी हो तो मैं बिन से बात कर लेती हूँ और उसे तुम्हारे बारे में ओपिनियन देती हूँ। ये इसे फाइन कहकर चला जाता है। दूसरी तरफ डॉग्स वाला लड़का सोंग के घर एक गेम की टिकट फेंक कर चला जाता है। इसे जाते हुए यान देख लेता है, तभी सोंग भी आ जाती है और वो भी ये टिकट देख लेती है। यहाँ असिस्टेंट से पैसों का वेट नहीं होता तो वो सू को कॉल कर देता है तो ये इसे एक मिलियन देने का कहती है और चली जाती है। दूसरी तरफ एक आदमी इन चारों को गेम के रूल समझा रहा होता है। फिर इनके जाने के बाद शीक इनको कॉल करके बुला लेता है। यहाँ ये तीनों गेम खेलने के लिए एक रूम में आ जाते हैं। दूसरी तरफ शीबी किन को लेकर खेलने आ जाता है और ये दोनों अपने अपने रूम में कुछ ढूंढने लग जाते हैं। फिर सोंग को एक कार्ड और एक की मिलती है। कार्ड को स्कैन करने पर एक डोर खुल जाता है। इसके बाद एक दूसरे रूम में पहुंच जाते हैं जहां इन्हें एक टूनल मिलती है। जोर यान इसमें चले जाते हैं और सोंग वहीं फंस जाती है। ये दोनों शी और किन के पास पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ सोंग एक नई जगह पहुंच जाती है और ये सब वही लड़का देख रहा होता है जो सिक्योरिटी रूम में बैठा था। लड़का सोंग को मारने के लिए आ जाता है कि तभी किन डोर खोलने में कामयाब हो जाता है और दरवाजा खुलते ही ये लड़का भाग जाता है। दूसरी तरफ टैंक असिस्टेंट को गैम्बलिंग खेलने से मना करता है तो ये इसका थैंक्स करता है और चला जाता है। यहाँ ये लोग गेम खेलकर फ्री हो जाते हैं तो किन बताता है कि मुझे पता है कि उन डॉग्स को वाकई रेबीज था, तुम केयरफुल रहना। दूसरी तरफ लिन के डैड सू को लिन के ऑफिस लेकर आते हैं, कहते हैं कि तुम आजकल टैंक से बहुत मिल रही हो, वो अच्छा इंसान नहीं है। तो ये कहती है कि इस वक्त सिर्फ टैंक ही मेरी हेल्प कर सकता है। इस पर ये कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि लिन ने बहुत कुछ ऐसा किया है जो उसे नहीं करना चाहिए था। फिर ये इसे एक फाइल देकर बताते हैं कि ये सब स्टॉक लिन ने तुम्हारे नाम कर दिए थे जो उसके पास थे। तभी इसे लिन के साथ गुजारे हुए लम्हात याद आने लग जाते हैं। यहाँ किन कुछ सामान लेकर घर आता है और शी के पूछने पर बताता है कि न्यू ईयर आने वाला है इसलिए सबके लिए गिफ्ट्स लाया हूँ। ये सब देखकर शी बहुत खुश हो जाता है। तभी किन इसे कहता है कि मेरी आज टैंक के साथ मीटिंग है तो तुम ये सबको दे देना। नेक्स्ट सीन में ये यान को जू के साथ जाते हुए देख लेता है और ये वही रुक जाता है और इसे याद आता है कि सोंग ने इसे वीक में सिर्फ एक बार ही मिलने की इजाजत दी थी। फिर ये टैंक के पास आ जाता है और इसे बताता है कि जिसके मैं अमेरिका वापस जा रहा हूँ, मेरे पास सब कुछ दोबारा शुरू करने का चांस है। इस पर टैंक बताता है कि हमारी कंपनी एक स्कूल प्रोजेक्ट
कैलिफोर्निया में स्टार्ट करने वाली है। तुम चाहो तो उसे देख सकते हो। ये फौरन हाँ कर देता है और बताता है कि मैं यान को बहुत मिस करूंगा, तो ये इसे कहता है कि तुम उसे साथ ले जाओ। इस पर किन कहता है कि मैं सोंग के साथ किया प्रॉमिस नहीं तोड़ सकता। इस पर ये इससे पूछता है कि आखिर तुम कब अपनी प्रॉब्लम्स को ठीक करोगे। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिन पर तुम ध्यान नहीं देते। यहाँ ये सब मिलकर खाना खाते हैं और एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं। तभी शी सोंग को गिफ्ट किन का गिफ्ट देता है और बताता है कि ये किन ने तुम्हारे लिए दिया है, तो ये लेने से मना कर देती है। दूसरी तरफ असिस्टेंट सू को थैंक्स करता है। फिर ये इसे सोंग और उसकी ट्विन सिस्टर का सीक्रेट बताने की ऑफर करता है, तो ये कहती है कि रकम कितनी चाहिए तुम्हें, तो ये 3 मिलियन मांगता है और इसे वही ड्राइव देता है जो इसे तैंग ने फेंकने के लिए दी थी, और अगर ये मेरे काम की ना निकली तो ये इसे तसल्ली देता है। यहाँ सोंग शॉप पर आती है तो डॉग्स वाला लड़का इस पर नजर रख रहा होता है कि तभी सोंग को शक हो जाता है। दूसरी तरफ टैंक असिस्टेंट से कहता है कि तुम्हें गलतफहमी हुई होगी, तो ये बताता है कि जब मैंने ब्रेक लगाई थी तो मुझे लगा कि उसने मुझे देख लिया है, तो ये कहता है कि जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो। कुछ देर के बाद ये टैंक से कुछ दिनों के लिए छुट्टी मांगता है और बताता है कि मैं अपनी माँ से मिलने जा रहा हूँ, तो टैंक इसे इजाजत दे देता है और इसके जाते ही ये किसी को इस पर नजर रखने का बोल देता है। यहाँ सोंग जू से बात कर रही होती है तो ये लड़का फिर से इन्हें देख रहा होता है। सोंग की नजर पड़ते ही ये भाग जाता है। ये निकल कर देखती है तो इसे कोई नजर नहीं आता और जू के पूछने पर बताती है कि मुझे लगा कि जैसे कोई हम पर नजर रख रहा है। ये अंदर आती है तो जू किसी को कॉल करती है कि तभी सू आ जाती है। ये इसे वो ड्राइव देती है और कहती है कि तुम्हारे लिए गिफ्ट है, तुम इसे घर जाकर जरूर देखना। ये कहकर ये चली जाती है। दूसरी तरफ जू किन से मिलती है और इसे बताती है कि आई थिंक कोई सोंग को हर्ट करना चाहता है और तुम्हें उसे प्रोटेक्ट करना होगा। कुछ देर के बाद सोंग के पास कुछ लोग आते हैं जो बताते हैं कि हम किन की तरफ से आए हैं और आपकी सिक्योरिटी हमारा काम है। तभी जू भी आ जाती है और बताती है कि मैंने किन को बताया था कि तुम डेंजर में हो, तो किन ने ये सब तुम्हारे लिए भेज दिया। यहाँ गार्ड्स वाली बात असिस्टेंट आकर टैंक को बताता है। ये सुनकर ये कहता है कि तुम जो भी कर रहे हो सब यहीं पर रोक दो। जब से उसने प्रोटेक्शन एजेंसी को हायर किया है हमारे लिए कोई भी मूव खतरा बन सकती है। यहाँ ये लड़का अभी भी शॉप पर नजर रख रहा होता है। दूसरी तरफ सोंग किन को बुलाती है और ये कहती है कि तुम्हारी वजह से वो मुझे हर जगह फॉलो कर रहे हैं, तो ये कहता है कि ये तुम्हारे लिए ही है। इस पर ये कहती है कि इससे मेरी लाइफ इफेक्ट हो रही है, तो ये कहता है कि मैं इन्हें समझा दूंगा और मैंने वादा किया था कि मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा। ये कहती है कि हम इनके बिना भी ठीक है। ये जाने लगती है तो जाते जाते गार्ड को फॉलो करने से मना कर देती है। फिर ये आकर टैंक को सब बताता है तो ये कहता है कि तुमने और लू ने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम्हारा बच्चा मुझे गॉडफादर कहेगा, और सोचो अगर अब वो मुझे गॉडफादर मान लेता है तो तुम्हें बहुत सा टाइम मिल जाएगा। तो ये कहता है कि मुझे खुशी होगी कि उसके लिए एक पर्सन केयर करने को तैयार है, पर सोंग नहीं मानेगी, तो ये कहता है कि मैं उससे बात करूंगा। यहाँ सोंग इन्हें चकमा देखकर भाग जाती है और तभी इसे तंग मिल जाता है और कहता है कि मुझे नहीं पता था कि आप लू की ट्विन सिस्टर हो। लू मेरी जूनियर थी, वो स्कूल में सबसे खूबसूरत थी। ये सुनकर ये कहती है कि फिर तो तुम लू और किन के रिलेशन को जानते होगे। फिर ये दोनों यान के स्कूल आ जाते हैं। ये इसे बताता है कि अगर मैं गरीब लड़का ना होता तो लू आज मेरे साथ होती। ये सुनते ही ये कहती है कि इसका मतलब तुम भी लू को पसंद करते थे। तभी सोंग को जू की बात याद आती है कि कहीं किन और लू की डाइवोर्स टैंक की वजह से तो नहीं हुई। तभी यान भी आ जाता है और ये सोंग से कहते हैं कि तुम्हारी सिस्टर ने कहा था कि उसका बच्चा मुझे गॉडफादर कहेगा, उसे बड़ा होने के साथ साथ फादर फिगर की भी जरूरत है, और तुम जिससे भी शादी करोगी क्या वो यान से प्यार करेगा। ये सुनकर सोंग खामोश रहती है तो ये कहते हैं कि किन मुझे बहुत अच्छे से जानता है और अगर मैं यान के लिए गॉडफादर बन जाता हूँ तो वो रिलैक्स रहेगा और लू के लिए मैं यही कर सकता हूँ। नेक्स्ट डे सू किन से मिलने आती है और इसे लू की वीडियो दिखाती है। ये कहकर इससे गुस्सा और रोना दोनों आ जाते हैं। यहाँ सोंग यान को लेकर टैंक के पास आती है तो ये यान को बताता है कि अब से तुम मुझे गॉडफादर बोलोगे। फिर ये सबको यान के बारे में बताता है। तभी सू सोंग के पास आती है और इसे अपने साथ ले जाती है। ये बताता है कि मैं इस बच्चे का गॉडफादर बनने वाला हूँ। यहाँ ये इसे कहती है कि तुमने वो ड्राइव अभी नहीं देखी, मैंने तुम्हें बताया था कि तुम्हारी सिस्टर के बारे में है, उसमें लू ने यान के फादर का बताया है। और फिर इसे वो वीडियो दिखाती है और कहती है कि ये सब टैंक का प्लान था। ये सब देखकर सोंग को कुछ समझ नहीं आता। तभी यहाँ टैंक आ जाता है और इसे देखते ही सोंग इसे थप्पड़ मार देती है। ये इसे एक्सप्लेनेशन देने लगता है और कस्में खाने लग जाता है। तभी किन भी आ जाता है तो बताती है कि किन भी ये सब जानता है, तो ये सुनते ही टैंक के पांव तले जमीन निकल जाती है और ये किन पर गुस्सा करने लग जाती है कि तुमने ये सब अकेले क्यों हैंडल किया, मुझे क्यों
क्यों नहीं बताया? यान तो तुम्हारा बच्चा भी नहीं है। तभी ये यान को लेकर सबके सामने अनाउंस करता है कि यान मेरा बेटा है और ये जुही का आने वाला बॉस है। ये देखकर सोंग रोने लग जाती है। फिर ये दोनों यान को लेकर जा रहे होते हैं तो ये पूछता है कि क्या मैं वाकई में आपका बेटा हूँ? तो ये कहता है कि अब तुम मुझे अंकल नहीं बोलोगे, आज से डैड कहा करोगे। ये सुनते ही यान खुश हो जाता है। यहाँ टैंग बहुत गुस्सा करता है और फिर कॉल करके असिस्टेंट को वापस लाने का कहता है। दूसरी तरफ यान को सुलाने के लिए किन स्टोरी सुनाता है और सोंग सच्चाई जानने के बारे में सोच रही होती है। इसे किन की बातें भी याद आती है। यान को सुलाकर आता है तो ये इससे पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया? तो ये कहता है कि मैं नहीं चाहता कि उस पर बर्डन ज्यादा हो, उसे खुशी से रहना चाहिए और अब से यान का भी डैड होगा। ये रोने लग जाती है और कहती है कि मैंने तुम्हें कभी एक्सप्लेन करने का मौका नहीं दिया और तुमने मेरी सिस्टर के साथ कुछ गलत भी नहीं किया और तुम हमेशा हम दोनों के साथ काइंड रहे और ख्याल भी रखा और इस सब के लिए मुझे बहुत बुरा फील हो रहा है। ये इसे कहता है कि मैं यान को बहुत लाइक करता हूँ और लाजमी नहीं कि रिश्ता सिर्फ खून का ही हो और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि यान लू का बेटा है। दूसरी तरफ टैंग सू को जबरदस्ती अपने साथ लेकर आता है तो ये इसे थप्पड़ मार देती है। तो ये कहता है कि सब मेरे प्लान के मुताबिक था, अगर मैं यान का गॉडफादर बन जाता तो सोंग किन से हमेशा के लिए नफरत करने लग जाती, पर तुम्हारी वजह से अब वो खुश रहेंगे और उसके लिए सोंग तुम्हारी शुक्रगुजार होगी। लेकिन अब तुम चुप क्यों हो? बस अब तुम उसकी शादी का वेट करो। तो सू कहती है कि अगर खुद को इतना ही मत समझते हो तो अपना बेटा वापस लेकर दिखाओ। तो ये कहता है कि मैं अपना बेटा वापस लेकर ही रहूँगा और तुम्हें ये बताने की जरूरत नहीं है। और इसी के साथ इस एपिसोड का एंड हो जाता है।